Bravo. Ah. वेलकम बैक दी एन अदर वीडियो तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ गुंटूर कारम मूवी के बारे में जो कि सुपर स्टार महेश बाबू की फिल्म रिलीज जो लेटेस्ट रिलीज फिल्म है ना गुंटूर कारम ये फिल्म आपको ऑफिसियली हिंदी में कहाँ पे देखने को मिलेगी आप दोस्त कैसे देख सकते हो इस फिल्म को और अगर आप दोस्त इस वीडियो के अंदर इस फिल्म यानी गुंटूर कारम मूवी को देखने के लिए आए हैं तो आपको डिस्क्लेमर में बता दो कि इस वीडियो के अंदर आपको कोई भी मूवी देखने को नहीं मिलेगी हाँ लास्ट में बताया जाएगा कि ये मूवी आपको हिंदी में कहाँ पर ऑफिशियली देखने को मिल सके और आप दोस्त कैसे वॉच कर सकते हो फ्रीली और साथ ही इस फिल्म का रिव्यू भी किया जाने वाला है और साथ ही इस फिल्म के ऊपर बजट के बारे में बात की जाने वाली है फिल्म के अननोन फैक्ट्स के ऊपर बात की जाएगी और फिल्म की आ, कुछ प्रॉपर डिटेलिंग के साथ इस फिल्म की इंटरेस्टिंग कास्ट के ऊपर भी बातचीत की जाने वाली है अगर आप दोस्त इंटरेस्टेड हो तो अभी इस वीडियो को लाइक करके लास्ट तक देखते रहना है और वीडियो को भी लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना है तो यहाँ पर हम बात करें 2024 में रिलीज़ की गई गुनटूरकारा मूवी की तो ये एक एक्शन एक ड्रामा जोनरा की फ़िल्म थी और इस को सेंसर की तरफ से दो घंटे बयालीस मिनट का रनिंग टाइम मिला हुआ है और यहाँ पर 10 बाय फाइव पॉन फोर की रेटिंग भी मिली हुई है गूगल के ऊपर और यहाँ पर बात करें डायरेक्टर की तो डायरेक्ट किया है सिमको त्रिविक्रम श्रीनिवास ने इससे पहले वो काफ़ी कमाल की सुपर हिट ब्लॉक बस्टर फिल्में भी बना चुके हैं और यहाँ पर उन्होंने इससे पहले जो कि सन ऑफ सत्यमूर्ति और यहाँ पर जो कि अल्लो अर्जुन के साथ आला फिकन्तम और भी काफ़ी सारी मूवीज़ के बना चुके हैं और यहाँ पर उनकी ये फिल्म जो आई है ना गुंटूर कारम लेकिन इसकी जो स्टोरी थी ना उतनी कुछ ख़ास ना होने की वजह से यह फिल्म जो कि बॉक्सेस पर एक हिट भी जो कि एवरेज बिरो हिट रही और यह फिल्म बॉक्सेस पर इतनी जो कि सही तरह से हिट भी नहीं हो पाई क्योंकि इस फिल्म की जो स्टोरी थी ना उतनी खास नहीं थी अगर यहाँ पर सुपरस्टार महेश बहू ना होते इस फिल्म में तो ये फिल्म बॉक्सेस पर पूरी तरह से पिट जाती और अपना बजट भी रिकवर नहीं कर पाती तो यहाँ पर इस फिल्म ने काफ़ी अच्छा भी फिर भी कलेक्शन किया हुआ है ठीक ठाक स्टोरी होने की वजह से लेकिन यहाँ पर हम बात करें गुंटूर कारम टू इंडियन तेलुगु लैंग्वेज फिल्म एक्शन ड्रामा इस फिल्म का जोना था और डायरेक्टर राइट किया था इस फिल्म की स्टोरी तो त्रिविक्रम श्रीनिवास ने और फिल्म को जो कि राधा कृष्णा ने प्रोड्यूस किया हुआ है और यहाँ पर हारिका हास ने क्रिएशंस के थ्रू और यहाँ पर महेश बाबू

2024 में रिलीज की गई थी और टाइम पे काफी सारी मूवीज भी क्लैश हुई थी इसके साथ लेकिन ये फिल्म महेश बाबू की होने की वजह से फिर भी काफी अच्छा कलेक्शन कर गई फिल्म का जो बजट था दो करोड़ था इस फिल्म ने एक करोड़ का कलेक्शन किया और ये फिल्म बॉक्सिस पर एक फ्लॉप फिल्म रही जहाँ से बॉक्स पर फ्लॉप हो चुकी है और यहाँ पर बात करें इस फिल्म के बारे में दो हज़ार मई में इस फिल्म को अनाउंस किया गया था और यहाँ पर इस टाइम पर इस मूवी का जो टाइटल था ना वो टाइटल अनाउंस नहीं किया गया था एस एस बी के नाम से अनाउंस हुई थी और एक फ़िल्म बन रही है कि अनाउंस किया गया था वो फ़िल्म बनेगी जो कि त्रिविक्रम श्रीनिवास के साथ और उसमें हमें चूँकि महेश बाबू देखने को मिलेंगे तो ये अनाउंस होने के बाद इस फिल्म की जो शूटिंग वगैरह स्टार्ट हुई थी सितंबर 2022 में और इस फिल्म की जो शूटिंग वगैरह हैदराबाद और भी काफ़ी सारी जो कि चीज़ें जगहों पे इस फिल्म की शूटिंग वगैरह की गई और गुंटूर जो गांव है ना वहाँ पे भी इस फिल्म की शूटिंग वगैरह की गई और फिल्म की जो शूटिंग दिसंबर 23 में इस फिल्म की जो शूटिंग थी वो पूरी तरह से रैपअप करवाई गई थी और फिल्म की जो एडिटिंग वगैरह का काम कंप्लीट करवा लिया गया और फिल्म को फाइनली बारह जैन टू में थिएटर में रिलीज करवा लिया गया था तो ऑडियंस को इस फिल्म को जो कि मिक्स रिव्यूज़ मिले और क्रिटिक्स की तरफ से भी और यहाँ पर तो विक्रम श्रीनिवास की डायरेक्शन के ऊपर बातचीत की जाए कि क्योंकि उन उन्होंने इस फिल्म की जो स्टोरी थी ना वो अच्छी नहीं रखी और साथ ही डायरेक्शन भी उनकी इतनी जो कि ख़ास नहीं लग रही थी लेकिन इस फिल्म के अंदर महेश बाबू ने एक्टिंग काफ़ी अच्छी की हुई थी जैसे पुराने अवतार में देखने को मिलते हैं एक्शन अवतार में तो वो काफ़ी अच्छे इस फिल्म के अंदर एक्टिंग करते हुए दिखाई दिए हैं तो बात करें फिर से कास्ट की तो कास्ट में हमें देखने को मिले हैं महेश बाबू इस फिल्म के अंदर जो कि वीरा वेंकट का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर रमना उनका नाम होता है और यहाँ पर शीला इस फिल्म के अंदर जो कि अमुत का यानी अमू का रोल प्ले करी और यहाँ पर मीनाक्षी चौधरी इस फिल्म कर राजीगी का रोल प्ले करी और यहाँ पर प्रकाश राज के अंदर वैरा वेंकट स्वामी का रोल प्ले करे और यहाँ पर रमया कृष्णन जो कि लॉ मिनिस्टर वैरा यानी जो कि वेंकट स्वामी जी की डॉटर है और यहाँ पर वो इस फिल्म के अंदर जो कि रमना की मदर भी होती है तो यहाँ पर जयराम की बात की जाए तो इस फिल्म के अंदर जयराम भी हैं सत्या सत्यनारायण का रोल प्ले कर रहे हैं फिल्म के अंदर और यहाँ पर पति बाबू फिल्म के अंदर डोगा मार्क्स का बाबू का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर सुनील डोगा मार्क्स बाबू के जो कि ब्रदर होते हैं उनका रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर राव रमेश भी हैं पक्का राजू गोपाल के नाम से फिल्म के अंदर उनका भी नाम है और वो इस फिल्म के अंदर गोपाल का नाम रोल प्ले कर रहे हैं गोपाल के नाम से और यहाँ पर मुराली शर्मा इस फिल्म के अंदर बसवा राजू जो के का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर उनका नाम होता है पानी और वो एक वकील होते हैं फिल्म के अंदर राहुल रविंद्रा इस फिल्म के अंदर जो कि वायरा राजा गोपाल का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर अजय फिल्म के अंदर गैलेटन बाजी भाई का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर वनला कोर हैं और यहाँ पर बबलू का रोल प्ले कर रहे हैं और यहां पर पानी के असिस्टेंट हैं और यहां पर ऐश्वर्य राव के अंदर बुज्जी का रोल प्ले कर रही है और यहां पर अजय घोष फिल्म के अंदर हारीदास का रोल प्ले कर रहे हो यहाँ पर रविशंकर कट्टा मधु का रोल प्ले कर रहे हैं और यहां पर अपोजिशन लीडर हैं और ब्रह्मा जी फिल्म के अंदर सी आई आदि नारायण का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर रघुबाब इस फिल्म के अंदर रंग रंगाम का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर मधुशन राव इस फिल्म के अंदर फेक हरिदास का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर पामिसा इस फिल्म के अंदर याकूब का रोल प्ले कर रहे हैं और भी काफ़ी सारी जो कास्ट है इस फिल्म के अंदर अपना सपोर्टिंग रोल प्ले करती हुई दिखाई दी है यहाँ पर चमक चंद्र अभी कॉन्स्टेबल का रोल प्ले कर रहे हैं जिनका नाम मोहम्मद होता है और यहाँ पर पुना इस फिल्म के अंदर जो कि स्पेशल रोल में हमें देखने को मिली है गेस्ट अपीरियंस में और यहाँ पर रामूला जो सॉन्ग था ना उसके अंदर जो कि कुर्ती मथ मथा पेटी जो सॉन्ग था ना उसमें जो कि कैमियो में देखने को मिली थी तो ये सारी कास्ट थी जो अपना अपना फिल्म के अंदर रोल प्ले कर रही थी तो यहाँ पर सुपरस्टार मैच भाभी की एक्टिंग काफ़ी अच्छी थी और उनका जो पुराना स्वैग होता है एक्शन वाला वो हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिला और यहाँ पर बात करें आगे फिल्म की जो के बारे में तो यहाँ पर इस फिल्म के सॉन्ग्स वगैरह की बात करें तो इस फिल्म के सारे सॉन्ग्स वगैरह ऑडियो वीडियो फॉर्मेट सारे के आप जो कि म्यूजिक वगैरह दिया था एस ने और ये सारे सॉन्ग्स आपको यूट्यूब पर भी देखने को मिल जाएंगे ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में और यहाँ पर आप बात करें इस फिल्म के हिंदी के बारे में तो इस फिल्म के हिंदी राइट्स वगैरह जो कि गोल्ड मैस ने इस फिल्म के राइड्स राइट्स वगैरह को ख़रीदा हुआ था लेकिन इस फिल्म को जो कि टी पर प्रीमियर तो नहीं करवाया जाने वाला लेकिन इस फिल्म को नेटफ्लिक्स के ऊपर भी जब इस फिल्म को रिलीज़ करवाया गया तो एक साथ हिंदी में भी रिलीज़ हुई थी जी हाँ दोस्तों फाइनली आपको बता दूँ ये फिल्म नेट्स पर अवेलेबल है अगर आप दोस्त देखना चाहो तो वहाँ पे फुल एच डी प्रेट में ऑफिशली देख सकती हो हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी बाकी सारी साउथ लैंग्वेज में भी देखने को मिल जाएगी तो अगर आप दोस्त मैच बाबू के डाई हार्ट फैन हो उनकी मूवी यानी गुंटूर मूवी को देखना चाहते हो तो वहाँ पर आप जो नेटफ्लिक्स पर जाकर ऑफिशियली देख सकती हो क्योंकि अगर आप उसने सब्सक्रिप्शन लिया हो तो फ्रीली इंजॉय कर सकते हो अगर आप उसने अभी तक इस फिल्म को जो कि नहीं देखा हो तो आपको आपने लाजमी फिल्म को एक बार ट्राई मारना है और एक बार देखना है और ओपिनियन अपना वो जो ओपिनियन है ना कमेंट बॉक्स में बताना है अगर आप उसने ऑलरेडी इस फिल्म को देखा हुआ है तो ये फिल्म आपको कैसी लगी और यहां पर महेश बाबू की एक्टिंग कैसी लगी और यहां पर ये स्टोरी लाइन थी जो ना आपको अच्छी लगी या एवरेज लगी वो भी आप आपने अपना ओपिनियन में बताना है और यहां पर आज की हमारी जो वीडियो भी अच्छी लगी तो लाजमी लाइक करना है और यहां पर इस फिल्म यानी गुंटूर गुंडूरकार मूवी से रिलेटेड अपडेट रहने के लिए लाजी चैनल को सब्सक्राइब करना है क्योंकि से रिलेटेड जो और न्यू अपडेट्स आएंगी टीवी प्रीमियर से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स आएंगी वो इस चैनल पर मिल जाएंगी तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और फिर से आप उसको बता दूँ अगर आप दोस्ती फिल्म को अभी देखना चाहते हो एच डी प्रिंट फोर के प्रिंट में हिंदी में भी तो ये फिल्म आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी वहां पे आप दोस्ती सिम को साउथ लैंग्वेज में भी देख सकते हो हिंदी में भी देख सकते हो वेलकम बैक वीडियो तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ गंटूर कारम वूई के बारे में जो कि सुपरस्टार स्टार महेश बाबू की फिल्म रिलीज़ जो लेटेस्ट रिलीज फिल्म है ना गुंटूर कारम ये फिल्म आपको ऑफि हिंदी में कहाँ पे देखने को मिलेगी आप दोस्त कैसे देख सकते हो इस फिल्म को और अगर आप दोस्त इस वीडियो के अंदर इस फिल्म यानी गुंटूर कारम मूई को देखने के लिए आए हैं तो आपको डिस्कलैमर में बता दो कि इस वीडियो के अंदर आपको कोई भी मूवी देखने को नहीं मिलेगी हाँ लास्ट में बताया जाएगा कि ये मूवी आपको हिंदी में कहाँ पर ऑफिशियली देखने को मिल सकती है और आप दोस्त कैसे वॉच कर सकते हो फ्रीली और साथ ही इस फिल्म का रिव्यू भी किया जाने वाला है और साथ ही फिल्म के ऊपर बजट के बारे में बात की जाने वाली है फिल्म के अन फैक्ट्स के ऊपर बातचीत की जाएगी और फिल्म की आ, कुछ प्रॉपर डिटेलिंग के साथ इस की इंटरेस्टिंग कास्ट के ऊपर भी बातचीत की जाने वाली है अगर आप दोस्त इंटरेस्टेड हो तो अभी इस वीडियो को लाइक करके लास्ट तक देखते रहना है और वीडियो को भी लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना है तो यहाँ पर हम बात करें 2024 में रिलीज़ की गई गुनटूरकारा मूवी की तो ये एक एक्शन एक ड्रामा जोनरा की फिल्म थी और सिम को सेंसर की तरफ से दो घंटे बयालीस मिनट का रनिंग टाइम मिला हुआ है और यहाँ पर 10 बाय 5.4 की रेटिंग भी मिली हुई है गूगल के ऊपर और यहाँ पर बात करें डायरेक्टर की तो डायरेक्ट किया है सिम को त्रिविक्रम श्रीनिवास ने इससे पहले वो काफ़ी कमाल की सुपरहिट ब्लॉक बस्टर फिल्में भी बना चुके हैं और यहाँ पर उन्होंने इससे पहले जो कि सन ऑफ सत्यमूर्ति और यहाँ पर जो कि अल्लो अर्जुन के साथ आला फुंतम और भी काफ़ी सारी मूवीज़ जो बना चुके हैं और यहाँ पर उनकी ये फिल्म जो आई है ना गुंटूर कारम लेकिन इसकी जो स्टोरी थी ना उतनी कुछ खास ना होने की वजह से यह फिल्म जो कि बॉक्सेस पर एक हिट भी जो कि एवरेज बिरो हिट रही और यह फिल्म बॉक्सेस पर इतनी जो कि सही तरह से हिट भी नहीं हो पाई क्योंकि इस फिल्म की जो स्टोरी थी ना उतनी खास नहीं थी अगर यहाँ पर सुपरस्टार महेश बहू ना होते इस फिल्म में तो ये फिल्म बॉक्सेस पर पूरी तरह से पिट जाती और अपना बजट भी रिकवर नहीं कर पाती तो यहाँ पर इस फिल्म ने काफ़ी अच्छा भी फिर भी कलेक्शन किया हुआ है ठीक ठाक स्टोरी होने की वजह से लेकिन यहाँ पर हम बात करें गुंटूर कारम टू इंडियन तेलुगु लैंग्वेज फिल्म एक्शन ड्रामा इस फिल्म का जोना था और ट्रैक्टर राइट किया था इस फिल्म की स्टोरी तो त्रिविक्रम श्रीनिवास ने और फिल्म को जो कि राधा कृष्णा ने प्रोड्यूस किया हुआ है और यहाँ पर हारिका हास ने क्रिएशन के थ्रू और यहाँ पर महेश बाबू के थ्रू और यहाँ पर श्रीला इस फिल्म में कास्ट में देखेंगे सुपरस्टार महेश बाबू मीनाक्षी चौधरी है प्रकाश राजमणन है एंड जयराम है जगपति बाबू सुनील और रमेश भी काफी सारी जो कि कास्ट स्पोर्टिंग रोल में भी देखने को मिल जाती है तो यहाँ पर सीनेटोग्राफी की बात करें तो मनोज पारासाम हाँ जो कि नए इस फिल्म की जो कि सीनेटोग्राफी की हुई है ऑडिट किया को नवीन नौली ने और म्यूजिक दिया था मनस ने और यहाँ पर इस फिल्म की जो प्रोडक्शन कंपनी है हारिका एंड हंसने क्रेशन है और यहाँ पर इस फिल्म को रिलीज करवाया गया था 12 जनवरी 2024 में और जो है क्रांति 2024 में रिलीज की गई थी और पे काफी सारी मूवीज भी क्लैश हुई थी इसके साथ लेकिन ये फिल्म महेश बाबू की होने की वजह से फिर भी काफी अच्छा कलेक्शन कर गई फिल्म का जो बजट था दो करोड़ था इस फिल्म ने एक करोड़ का कलेक्शन किया और ये फिल्म बॉक्स पर एक फ्लॉप फिल्म रही जी से बॉक्स पर फ्लॉप हो चुकी है और यहाँ पर बात करें इस फिल्म के बारे में दो हज़ार इक्कीस मई में इस फिल्म को अनाउंस किया गया था और यहाँ पर इस टाइम पे इस मूवी का जो टाइटल था ना वो टाइटल अनाउंस नहीं किया गया था एस एस एम बी ट्वेंटी एट के नाम से अनाउंस हुई थी और एक फिल्म बन रही है कि अनाउंस किया गया था वो फिल्म बनेगी जो कि त्रिविक्रम श्रीनिवास के साथ उसमें चूँकि महेश बाबू देखने को मिलेंगे तो ये अनाउंस होने के बाद इस फिल्म की जो शूटिंग वगैरह स्टार्ट हुई थी सेप्टेम्बर टू में और इस फिल्म की जो शूटिंग वगैरह हैदराबाद और भी काफ़ी सारी जो कि चीज़ें जगहों पे इस फिल्म की शूटिंग वगैरह की गई और गुंटूर जो गांव है ना वहाँ पे भी इस फिल्म की शूटिंग वगैरह की गई और फिल्म की जो शूटिंग दिसंबर 23 में इस फिल्म की जो शूटिंग थी वो पूरी तरह से रैपअप करवाई गई थी और फिल्म की जो एडिटिंग वगैरह का काम का कंप्लीट करवा लिया गया और फिल्म को फाइनली बारह जैन टू में थिएटर में रिलीज़ करवा लिया गया था तो ऑडियंस को इस फिल्म को जो कि मिक्स रिव्यूज़ मिले और क्रिटिक्स की तरफ से भी और यहाँ पर त्रिविक्रम तो विक्रम श्रीनिवास की डायरेक्शन के ऊपर बातचीत की जाए कि क्योंकि उन उन्होंने इस फिल्म की जो स्टोरी थी ना वो अच्छी नहीं रखी और साथ ही डायरेक्शन भी उनकी इतनी जो कि ख़ास नहीं लग रही थी लेकिन इस फिल्म के अंदर महेश बाबू ने एक्टिंग काफ़ी अच्छी की हुई थी जैसे पुराने अवतार में देखने को मिलते हैं एक्शन अवतार में तो वो काफ़ी अच्छे इस फिल्म के अंदर एक्टिंग करते हुए दिखाई दिए हैं तो बात करें फिर से कास्ट की तो कास्ट में हमें देखने को मिले हैं महेश बाबू इस फिल्म के अंदर जो कि वीरा वेंकट का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ रमना उनका नाम होता है और यहां पर इसम के अंदर जो कि अमुतगा यानी अमू का रोल प्ले करी और यहाँ पर मीनाक्षी चौधरी इस फिल्म राजी की का रोल प्ले करी और यहाँ पर प्रकाश राज इस फिल्म के अंदर वैरा वेंकट स्वामी का रोल प्ले करें और यहाँ पर रमया कृष्णन जो कि लॉ मिनिस्टर वैरा यानी जो कि वेंकट स्वामी जी की डॉटर है और यहाँ पर वो इस फिल्म के अंदर जो कि रमणा की मदर भी होती है तो यहाँ पर जयराम की बात की जाए तो इस फिल्म के अंदर जयराम भी हैं सत्या सत्यनारायण का रोल प्ले कर रहे हैं इस फिल्म के अंदर और यहाँ पर जगपति बाबू इस फिल्म के अंदर डोगा मार्क्स बाबू का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर सुनील डोगा के जो के ब्रादर होते हैं उनका रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर राव रमेश भी हैं पक्का राजू गोपाल के नाम से फिल्म के अंदर उनका भी नाम है और वो इस फिल्म के अंदर गोपाल का नाम रोल प्ले कर रहे हैं गोपाल के नाम से और यहाँ पर मुरली शर्मा इस फिल्म के अंदर बसवा राजू जो के का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर उनका नाम होता है पानी और वो एक वकील होते हैं फिल्म के अंदर राहुल रविंद्रा इस फिल्म के अंदर जो कि वायरा राजा गोपाल का रोल प्ले कर रहे हो और यहाँ पर अजय फिल्म के अंदर गैलेटन बाजी वाजपाई का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर वनैला कोर हैं और यहाँ पर बबलू का रोल प्ले कर रहे हैं और यहां पर पानी के हैं और यहां पर राव के अंदर बुज्जी का रोल प्ले कर रही है और यहां पर अजय घोष फिल्म के अंदर हरिदास का रोल प्ले कर रहे हैं यहां पर रविशंकर कट्टा मधु का रोल प्ले कर रहे हैं और यहां पर अपोजिशन लीडर हैं और ब्रह्मा जी फिल्म के अंदर सीआई आदि आधी नारायण का रोल प्ले कर रहे हैं यहां पर रघुबाब इस फिल्म के अंदर रंग रंगाम का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर मधुशन राव इस फिल्म के अंदर फेक हरिदास का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर पामिसा इस फिल्म के अंदर याकूब का रोल प्ले कर रहे हैं और भी काफ़ी सारी जो कास्ट है इस फिल्म के अंदर अपना सपोर्टिंग रोल प्ले करती हुई दिखाई दी है यहाँ पर चमक चंद्रा भी कॉन्स्टेबल का रोल प्ले कर रहे हैं जिनका नाम मोहम्मद होता है और यहाँ पर पुना इस फिल्म के अंदर जो कि स्पेशल रोल में हमें देखने को मिली है गेस्ट अपीरियंस में और यहाँ पर रामूला जो सॉन्ग था ना उसके अंदर जो कि कुर्ती मथ मथा पेटी जो सॉन्ग था ना उसमें जो कि कैमियो में देखने को मिली थी तो ये सारी कास्ट थी जो अपना अपना इस फिल्म के अंदर रोल प्ले कर रही थी तो यहाँ पर सुपरस्टार मैच भाभी की एक्टिंग काफ़ी अच्छी थी और उनका जो पुराना स्वैग होता है एक्शन वाला वो हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिला और यहाँ पर यह बात करें आगे फिल्म की जो के बारे में तो यहाँ पर इस फिल्म के सॉन्ग्स वगैरह की बात करें तो इस फिल्म के सारे सॉन्ग्स वगैरह ऑडियो वीडियो फॉर्मेट सारे के आप जो कि म्यूज़िक वगैरह दिया था थामन एस ने और ये सारे सॉन्ग्स आपको यूट्यूब पर भी देखने को मिल जाएंगे ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में और यहाँ पर आप बात करें इस फिल्म के हिंदी के बारे में तो इस फिल्म के हिंदी राइट्स वगैरह जो कि गोल्ड मैस ने फिल्म के टी वी राइट्स वगैरह को खरीदा हुआ था लेकिन इस फिल्म को जो कि टी पर प्रीमियर तो नहीं करवाया जाने वाला लेकिन इस फिल्म को नेटफ्लिक्स के ऊपर भी जब इस फिल्म को रिलीज़ करवाया गया तो एक साथ हिंदी में भी रिलीज़ हुई थी जी हाँ दोस्तों फाइनली आपको बता दूँ ये फिल्म टेक्स विल पर अवेलेबल है अगर आप दोस्त देखना चाहो तो वहाँ पे फुल एच डी प्रिंट में ऑफिशियली देख सकती हो हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी बाकी सारी साउथ लैंग्वेज में भी देखने को मिल जाएगी तो अगर आप दोस्त मैच बाबू के डाई हार्ट फैन हो उनकी मूवी यानी गुंटूर मूवी को देखना चाहते हो तो वहाँ पर आप जो नेटफ्लिक्स पर जाके ऑफिशियली देख सकती हो क्योंकि अगर आप उसने सब्सक्रिप्शन लिया हो तो फ्रीली इन्जॉय कर सकते हो अगर आप उसने अभी तक इस फिल्म को जो कि नहीं देखा हुआ तो आपको आपने लाजमी फिल्म को एक बार ट्राई के मारना है और एक बार देखना है और ओपिनियन अपना वो जो ओपिनियन है ना कमेंट बॉक्स में बताना है अगर आप उसने ऑलरेडी को देखा हुआ है तो यह फिल्म आपको कैसी लगी और यहां पर महेश बाबू की एक्टिंग कैसी लगी और यहां पर यह स्टोरी लाइन थी जो ना आपको अच्छी लगी या एवरेज लगी वो भी आप उसने अपना ओपिनियन ओपिनियनबॉस में बताना है और यहां पर आज की हमारी जो वीडियो भी अच्छी लगी तो लाजमी लाइक करना है और यहाँ पर इस फिल्म यानी गुंडूर का मूवी से रिलेटेड अपडेट रहने के लिए लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करना है क्योंकि इन से रिलेटेड जो और न्यू अपडेट्स आएंगी टी वी प्रीमियर से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स आएंगी वो इस चैनल पर मिल जाएंगे लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और फिर से आप जिसको बता दूँ अगर आप दोस्ती फिल्म को अभी देखना चाहते हो फुल एच डी प्रिंट फोर के प्रिंट में हिंदी में भी तो ये फिल्म आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी वहां पे आप दो सीम को साउथ लैंग्वेज में भी देख सकते हो हिंदी में भी देख सकते हो वेलकम बैक दी एन अदर वीडियो तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ गुंटूर कारम वूई के बारे में जो कि सुपरस्टार स्टार महेश बाबू की फिल्म रिलीज़ जो लेटेस्ट रिलीज फिल्म है ना गुंटूर कारम ये फिल्म आपको ऑफिशियली हिंदी में कहाँ पे देखने को मिलेगी आप दोस्त कैसे देख सकते हो इस फिल्म को और अगर आप दोस्त इस वीडियो के अंदर इस फिल्म यानी गुंटूर कारम वूई को देखने के लिए आए हैं तो आपको डिस्क्लेमर में बता दो कि इस वीडियो के अंदर आपको कोई भी मूवी देखने को नहीं मिलेगी हाँ लास्ट में बताया जाएगा कि ये मूवी आपको हिंदी में कहाँ पर ऑफिशियली देखने को सकती है और आप दोस्त कैसे वॉच कर सकते हो फ्रीली और साथ ही इस फिल्म का रिव्यू भी किया जाने वाला है और साथ ही इस फिल्म के ऊपर बजट के बारे में बात की जाने वाली है इस के बात की जाएगी और फिल्म की आ, कुछ प्रॉपर डिटेलिंग के साथ इस फिल्म की इंटरेस्टिंग कास्ट के ऊपर भी बातचीत की जाने वाली है अगर आप दोस्त इंटरेस्टेड हो तो अब इस वीडियो को लाइक करके लास्ट तक देखते रहना है और वीडियो को भी लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना है तो यहाँ पर हम बात करें 2024 में रिलीज़ की गई गुनटूरकारा मूवी की तो ये एक एक्शन एक ड्रामा जोनरा की फ़िल्म थी और सिंको सेंसर की तरफ से दो घंटे बयालीस मिनट का रनिंग टाइम मिला हुआ है और यहाँ पर 10 बाय 5.4 की रेटिंग भी मिली हुई है गूगल के ऊपर और यहाँ पर बात करें डायरेक्टर की तो डायरेक्ट किया है सिंको त्रिविक्रम श्रीनिवास ने इससे पहले वो काफ़ी कमाल की सुपरहट ब्लॉक बस्टर फिल्में भी बना चुके हैं और यहाँ पर उन्होंने इससे पहले जो कि सन ऑफ सत्यमूर्ति और यहाँ पर जो कि अल्लू अर्जुन के साथ आला फिकन्तम और भी काफ़ी सारी मूवीज़ जो के बना चुके हैं और यहाँ पर उनकी ये फिल्म जो आई है ना गुंटूर कारम लेकिन इसकी जो स्टोरी थी ना उतनी कुछ ख़ास ना होने की वजह से यह फिल्म जो कि बॉक्सेस पर एक हिट भी जो कि एवरेज बिरो हिट रही और यह फिल्म बॉक्सेस पर इतनी जो कि सही तरह से हिट भी नहीं हो पाई क्योंकि फिल्म की जो स्टोरी थी ना उतनी ख़ास नहीं थी अगर यहाँ पर सुपरस्टार महेश बहू ना होते इस फिल्म में तो ये फिल्म बॉक्स पर पूरी तरह से पिट जाती और अपना बजट भी रिकवर नहीं कर पाती तो यहाँ पर इस फिल्म ने काफ़ी अच्छा भी फिर भी कलेक्शन किया हुआ है ठीक ठाक स्टोरी होने की वजह से लेकिन यहाँ पर हम बात करें गुंटूर कारम टू इंडियन तेलुगु लैंग्वेज फिल्म एक्शन ड्रामा इस फिल्म का जोना था और डायरेक्टर राइट किया था इस फिल्म की स्टोरी तो त्रिविक्रम श्रीनिवास ने और फिल्म को जो कि राधा कृष्णा ने प्रोड्यूस किया हुआ है और यहाँ पर हारिका हास ने क्रिएशंस के थ्रू और यहाँ पर महेश बाबू

ट्वेंटी 2024 में रिलीज की गई थी और स्टैम्प पे काफी सारी मूवीज भी क्लैश हुई थी इसके साथ लेकिन ये फिल्म महेश बाबू की होने की वजह से फिर भी काफी अच्छा कलेक्शन कर गई फिल्म का जो बजट था दो करोड़ था इस फिल्म ने एक करोड़ का कलेक्शन किया और ये फिल्म बॉक्सिस पर एक फ्लॉप फिल्म रही जहाँ से बॉक्स पर फ्लॉप हो चुकी है और यहाँ पर बात करें फिल्म के बारे में दो हज़ार इक्कीस मई में इस फिल्म को अनाउंस किया गया था और यहाँ पर इस टाइम पे इस मूवी का जो टाइटल था ना वो टाइटल अनाउंस नहीं किया गया था एस एस एम बी ट्वेंटी एट के नाम से अनाउंस हुई थी और एक फ़िल्म बन रही है कि अनाउंस किया गया था वो फिल्म बनेगी जो कि त्रिविक्रम श्रीनिवास के साथ और उसमें हमें जो कि महेश बाबू देखने को मिलेंगे तो ये अनाउंस होने के बाद इस फिल्म की जो शूटिंग वगैरह स्टार्ट हुई थी सेप्टेम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू में और इस फिल्म की जो शूटिंग वगैरह हैदराबाद में और भी काफ़ी सारी जो कि चीज़ें जगहों इस फिल्म की शूटिंग वगैरह की गई और गुंटूर जो गांव है ना वहाँ पे भी इस फिल्म की शूटिंग वगैरह की गई और फिल्म की जो शूटिंग वे... दिसंबर 23 में इस फिल्म की जो शूटिंग थी वो पूरी तरह से रैपअप करवाई गई थी और फिल्म की जो एडिटिंग वगैरह का काम कंप्लीट करवा लिया गया और फिल्म को फाइनली बारह जैन टू में थिएटर में रिलीज करवा लिया गया था तो ऑडियंस को इस फिल्म को जो कि मिक्स रिव्यूज़ मिले और क्रिटिक्स की तरफ से भी और यहाँ पर तो श्रीनिवास की डायरेक्शन के ऊपर बातचीत की जाए कि क्योंकि उनके उन्होंने इस फिल्म की जो स्टोरी थी ना वो अच्छी नहीं रखी और साथ ही डायरेक्शन भी उनकी इतनी जो कि ख़ास नहीं लग रही थी लेकिन इस फिल्म के अंदर महेश बाबू ने एक्टिंग काफ़ी अच्छी की हुई थी जैसे पुराने अवतार में देखने को मिलते हैं एक्शन अवतार में तो वो काफ़ी अच्छे इस फिल्म के अंदर एक्टिंग करते हुए दिखाई दिए हैं तो बात करें फिर से कास्ट की तो कास्ट में हमें देखने को मिले हैं महेश बाबू इस फिल्म के अंदर जो कि वीरा वेंकट का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ रमना उनका नाम होता है और यहाँ पर शीला इस फिल्म के अंदर जो कि अमुत का यानी अमू का रोल प्ले करी और यहाँ पर मीनाक्षी चौधरी इस फिल्म राजी की का रोल प्ले करी और यहाँ पर प्रकाश राज के अंदर वैरा वेंकट स्वामी का रोल प्ले करें और यहाँ पर रमया कृष्णन जो कि लॉ मिनिस्टर वैरा यानी जो कि वेंकट स्वामी जी की डॉटर है और यहाँ पर वो इस फिल्म के अंदर जो कि रमना की मदर भी होती है तो यहाँ पर जयराम की बात की जाए तो इस फिल्म के अंदर जयराम भी हैं सत्या सत्यनारायण का रोल प्ले कर करें इस फिल्म के अंदर और यहाँ पर जगह पति बाबू फिल्म के अंदर डोगा मार्क्स का बाबू का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर सुनील डोगा के जो कि ब्रादर होते हैं उनका रोल प्ले कर रहे हैं पर राव रमेश भी हैं पक्का राजू गोपाल के के नाम से फिल्म अंदर उनका भी नाम है और वो इस फिल्म के अंदर गोपाल का नाम रोल प्ले कर रहे हैं गोपाल के नाम से और यहाँ पर मुरली शर्मा इस फिल्म के अंदर बसवा राजू जो के का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर उनका नाम होता है पानी और वो एक वकील होते हैं फिल्म के अंदर राहुल रविंद्रा इस फिल्म के अंदर जो कि वायरा राजा गोपाल का रोल प्ले करें और यहाँ पर अजय फिल्म के अंदर गैलेटन बाजी वाजपेई का रोल प्ले कर, कर रहे हैं और यहाँ पर वनैला किशोर हैं और यहाँ पर वो बबलू का रोल प्ले कर, कर रहे हैं और यहाँ पर पानी के असिस्टेंट हैं और यहाँ पर ऐश्वर्य राव इस फिल्म के अंदर बुज्जी का रोल प्ले कर रही है और यहाँ पर अजय घोष फिल्म के अंदर हरिदास का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पे रविशंकर कट्टा मधु का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर अपोजिशन लीडर हैं और ब्रह्मा जी फिल्म के अंदर सी आई आदि नारायण का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर रघु बाब इस फिल्म के अंदर रंग रंगाम का रोल प्ले, प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर मधुशन राव इस फिल्म के अंदर फेक हरिदास का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर पामिसा इस फिल्म के अंदर याकूब का रोल प्ले कर रहे हैं और भी काफ़ी सारी जो कास्ट है इस फिल्म के अंदर अपना सपोर्टिंग रोल प्ले करती हुई दिखाई दी है यहाँ पर चमक चंद्र अभी कॉन्स्टेबल का रोल प्ले कर रहे हैं जिनका नाम मोहम्मद होता है और यहाँ पर पुना इस फिल्म के अंदर जो कि स्पेशल रोल में हमें देखने को मिली है गेस्ट अपीरियंस में और यहाँ पर रामूला जो सॉन्ग था ना उसके अंदर जो कि कुर्ती मथ मथा पेटी जो सॉन्ग था ना उसमें जो कि कैमियो में देखने को मिली थी तो ये सारी कास्ट थी जो अपना अपना फिल्म के अंदर रोल प्ले कर रही थी तो यहाँ पर सुपर स्टार मैच भावी की एक्टिंग काफ़ी अच्छी थी और उनका जो पुराना स्वैग होता है एक्शन वाला वो हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिला और यहाँ पर बात करें आगे फिल्म की जो के बारे में तो यहाँ पर इस फिल्म के सॉन्ग्स वगैरह की बात करें तो इस फिल्म के सारे सॉन्ग्स वगैरह ऑडियो वीडियो फॉर्मेट सारे के आप जो कि म्यूज़िक वगैरह दिया था थामन एस ने और ये सारे सॉन्ग्स आपको यूट्यूब पर भी देखने को मिल जाएंगे ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में और यहाँ पर आप बात करें इस फिल्म के हिंदी के बारे में तो इस फिल्म के हिंदी राइट्स वगैरह जो कि गोल्ड मैंस ने फिल्म के टी राइट्स वगैरह को ख़रीदा हुआ था लेकिन इस फिल्म को जो कि टी पर प्रीमियर तो नहीं करवाया जाने वाला लेकिन इस फिल्म को नेटफ्लिक्स के ऊपर भी जब इस फिल्म को रिलीज़ करवाया गया तो एक साथ हिंदी में भी रिलीज़ हुई थी जी हाँ दोस्तों फाइनली आपको बता दूँ ये फिल्म नेट्स फिल पर अवेलेबल है अगर आप दोस्त देखना चाहो तो वहाँ पे फुल एच डी प्रिंट में ऑफिशियली देख सकती हो हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी बाकी सारी साउथ लैंग्वेज में भी देखने को मिल जाएगी तो अगर आप दोस्त मैच बाबू के डाई हार्ट फैन हो उनकी मूवी यानी गुंटूर मूवी को देखना चाहते हो तो वहाँ पर आप जो नेटफ्लिक्स पर जाकर ऑफिशियली देख सकती हो क्योंकि अगर आप उसने सब्सक्रिप्शन लिया हो तो फ्रीली एंजॉय कर सकते हो अगर आप उसने अभी तक इस फिल्म को जो कि नहीं देखा हुआ तो आपको आप अपने लाजमी फिल्म को एक बार ट्राई मारना है और एक बार देखना है और ओपिनियन अपना वो जो ओपिनियन है ना कमेंट बॉक्स में बताना है अगर आप उसने ऑलरेडी इस फिल्म को देखा हुआ है तो ये फिल्म आपको कैसी लगी और यहां पर महेश बाबू की एक्टिंग कैसी लगी और यहां पर ये स्टोरी लाइन थी जो ना आपको अच्छी लगी या एवरेज लगी वो भी आप उसने अपना ओपिनियन में बताना है और यहां पर आज की हमारी जो वीडियो भी अच्छी लगी तो लाजम लाइक करना है और यहां पर इस फिल्म यानी गुंटूर गुंडूरकार मूवी से रिलेटेड अपडेट रहने के लिए लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करना है क्योंकि से रिलेटेड जो और न्यू अपडेट्स आएंगी टीवी प्रीमियर से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स आएंगी वो इस चैनल पर मिल जाएंगी तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और फिर से आप उसको बता दू अगर आप दोस्ती फिल्म को अभी देखना चाहते हो फोर एच डी प्रिंट फोर के प्रिंट में हिंदी में भी तो ये फिल्म आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी वहां पे आप साउथ लैंग्वेज में भी देख सकते हो हिंदी में भी देख सकते हो वेलकम बैक दी वीडियो तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ गंटूर कारम वुई के बारे में जो कि सुपरस्टार स्टार महेश भावी की फिल्म रिलीज़ जो लेटेस्ट रिलीज फिल्म है ना गुंटूर कारम ये फिल्म आपको ऑफि हिंदी में कहाँ पे देखने को मिलेगी आप दोस्त कैसे देख सकते हो इस फिल्म को और अगर आप दोस्त इस वीडियो के अंदर इस फिल्म यानी गुंटूर कारम वुई को देखने के लिए आए हैं तो आपको डिस्कलैमर में बता दो कि इस वीडियो के अंदर आपको कोई भी मूवी देखने को नहीं मिलेगी हाँ लास्ट में बताया जाएगा कि ये मूवी आपको हिंदी में कहाँ पर ऑफिशियली देखने को मिल सकती है और आप दोस्त कैसे वॉच कर सकते हो फ्रीली और साथ ही इस फिल्म का रिव्यू भी किया जाने वाला है और साथ ही फिल्म के ऊपर बजट के बारे में बात की जाने वाली है फिल्म के अनॉन फैक्ट्स के ऊपर बात जीट जीट की जाएगी और फिल्म की आ, कुछ प्रॉपर डिटेलिंग के साथ इस की इंटरेस्टिंग कास्ट के ऊपर भी बातचीत की जाने वाली है अगर आप दोस्त इंटरेस्टेड हो तो अभी इस वीडियो को लाइक करके लास्ट तक देखते रहना है और वीडियो को भी लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना है तो यहाँ पर हम बात करें 2024 में रिलीज़ की गई गुनटूरकारा मूवी की तो ये एक एक्शन एक ड्रामा जोनरा की फिल्म थी और सिम को सेंसर की तरफ से दो घंटे बयालीस मिनट का रनिंग टाइम मिला हुआ है और यहाँ पर 10 बाय 5.4 की रेटिंग भी मिली हुई है गूगल के ऊपर और यहाँ पर बात करें डायरेक्टर की तो डायरेक्ट किया है सिम को त्रिविक्रम श्रीनिवास ने इससे पहले वो काफ़ी कमाल की सुपरहिट ब्लॉक बस्टर फिल्में भी बना चुके हैं और यहाँ पर उन्होंने इससे पहले जो कि सन ऑफ सत्यमूर्ति और यहाँ पर जो कि अल्लो अर्जुन के साथ आला फुंतम और भी काफ़ी सारी मूवीज़ जो बना चुके हैं और यहाँ पर उनकी ये फिल्म जो आई है ना गुंटूर कारम लेकिन इसकी जो स्टोरी थी ना उतनी कुछ खास ना होने की वजह से यह फिल्म जो कि बॉक्सेस पर एक हिट भी जो कि एवरेज बिरो हिट रही और यह फिल्म बॉक्सेस पर इतनी जो कि सही तरह से हिट भी नहीं हो पाई क्योंकि इस फिल्म की जो स्टोरी थी ना उतनी खास नहीं थी अगर यहाँ पर सुपरस्टार महेश बहू ना होते इस फिल्म में तो ये फिल्म बॉक्स पर पूरी तरह से पिट जाती और अपना बजट भी रिकवर नहीं कर पाती तो यहाँ पर इस फिल्म ने काफ़ी अच्छा भी फिर भी कलेक्शन किया हुआ है ठीक ठाक स्टोरी होने की वजह से लेकिन यहाँ पर हम बात करें गुंटूर कारम टू इंडियन तेलगू लैंग्वेज फिल्म एक्शन ड्रामा इस फिल्म का जोना था और ट्रैक्टर राइट किया था इस फिल्म की स्टोरी तो त्रिविक्रम श्रीनिवास ने और फिल्म को जो कि राधा कृष्णा ने प्रोड्यूस किया हुआ है और यहाँ पर हारिका हास ने क्रिएशन के थ्रू और यहाँ पर महेश बाबू के थ्रू और यहाँ पर श्रीला इस फिल्म में कास्ट में देखेंगे सुपरस्टार महेश बाबू मीनाक्षी चौधरी है प्रकाश राजमणन एं है एंड जयराम है जगपति बाबू सुनील और रमेश भी काफी सारी जो कि कास्ट स्पोर्टिंग रोल में भी देखने को मिल जाती है तो यहाँ पर सीनेटोग्राफी की बात करें तो मनोज पारासाम हाँ जो कि नए इस फिल्म की जो कि सीनेटोग्राफी की हुई है ऑडिट किया को नवीन नौली ने और म्यूजिक दिया था मनस ने और यहाँ पर इस फिल्म की जो प्रोडक्शन कंपनी है हारिका एंड हंसने क्रेशन है और यहाँ पर इस फिल्म को रिलीज करवाया गया था 12 जनवरी 2024 में और ये जो है 2024 में रिलीज की गई थी और इस टाइम पे काफी सारी मूवीज भी क्लैश हुई थी इसके साथ लेकिन ये फिल्म महेश बाबू की होने की वजह से फिर भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन कर गई इस फिल्म का जो बजट था दो करोड़ था इस फिल्म ने करोड़ का कलेक्शन किया और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप फिल्म रही जी हाँ सो बॉक्स पर फ्लॉप हो चुकी है और यहाँ पर बात करें इस फिल्म के बारे में दो तो मई में, में इस फिल्म को अनाउंस किया गया था और यहाँ पर इस टाइम पे इस मूवी का जो टाइटल था ना वो टाइटल अनाउंस नहीं किया गया था एस एस एम बी ट्वेंटी एट के नाम से अनाउंस हुई थी और एक फिल्म बन रही है कि अनाउंस किया गया था वो फिल्म बनेगी जो कि त्रिविक्रम श्रीनिवास के साथ और फिल्म में चूँकि महेश बाबू देखने को मिलेंगे तो ये अनाउंस होने के बाद इस फिल्म की जो शूटिंग वगैरह स्टार्ट हुई थी सेप्टेम्बर टू में और इस फिल्म की जो शूटिंग वगैरह हैदराबाद और भी काफ़ी सारी जो कि चीज़ें जगहों पर फिल्म की शूटिंग वगैरह की गई और गुंटूर जो गाँव है ना वहाँ पर भी इस फिल्म की शूटिंग वगैरह की गई और फिल्म की जो शूटिंग दिसंबर ट्वेंटी में इस फिल्म की जो शूटिंग थी वो पूरी तरह से रैपअप करवाई गई थी और फिल्म की जो एडिटिंग वगैरह का काम कंप्लीट करवा लिया गया और इस फिल्म को फाइनली 12 जैन 2024 में थिएटर में रिलीज करवा लिया गया था तो ऑडियंस को इस फिल्म को जो कि मिक्स रिव्यूज़ मिले और क्रिटिक्स की तरफ से भी और यहाँ पर त्रिविक्रम श्रीनिवास की डायरेक्शन के ऊपर बातचीत की जाए कि क्योंकि उन्होंने इस फिल्म की जो स्टोरी थी ना वो अच्छी नहीं रखी और साथ ही डायरेक्शन भी उनकी इतनी जो कि ख़ास नहीं लग रही थी लेकिन इस फिल्म के अंदर महेश बाबू ने एक्टिंग काफ़ी अच्छी की हुई थी जैसे पुराने अवतार में देखने को मिलते हैं एक्शन अवतार में तो वो काफ़ी अच्छे इस फिल्म के अंदर एक्टिंग करते हुए दिखाई दिए हैं तो बात करें फिर से कास्ट की तो कास्ट में हमें देखने को मिले हैं महेश बाबू इस फिल्म के अंदर जो कि वीरा वेंकट का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ रमना उनका नाम होता है और यहां पर शिल्ला के अंदर जो कि अमुतगा आ, यानी अमू का रोल प्ले करी और यहाँ पर मीनाक्षी चौधरी इस फिल्म राजी की का रोल प्ले करी और यहाँ पर प्रकाश राज इस फिल्म के अंदर वैरा वेंकट स्वामी का रोल प्ले करें और यहाँ पर रमया कृष्णन जो कि लॉ मिनिस्टर वैरा यानी जो कि वेंकट स्वामी जी की डॉटर है और यहाँ पर वो इस फिल्म के अंदर जो कि रमणा की मदर भी होती है तो यहाँ पर जयराम की बात की जाए तो इस फिल्म के अंदर जयराम भी हैं सत्या सत्यनारायण का रोल प्ले कर रहे हैं इस फिल्म के अंदर और यहाँ पर जगपति बाबू इस फिल्म के अंदर डोगा मार्क्स बाबू का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर सुनील डोगा मार्ग बाबू के जो के ब्रादर होते हैं उनका रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर राव रमेश भी हैं पक्का राजू गोपाल के नाम से फिल्म के अंदर उनका भी नाम है और वो इस फिल्म के अंदर गोपाल का नाम रोल प्ले कर रहे हैं गोपाल के नाम से और यहाँ पर मुरली शर्मा इस फिल्म के अंदर बसवा राजू जो के का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर उनका नाम होता है पानी और वो एक वकील होते हैं फिल्म के अंदर राहुल रविंद्रा इस फिल्म के अंदर जो कि वायरा राजा गोपाल का रोल प्ले कर रहे हो और यहाँ पर अजय फिल्म के अंदर गैलेटन बाजी वाजपाई का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर वनैला कोर हैं और यहाँ पर बबलू का रोल प्ले कर रहे हैं और यहां पर पानी के हैं और यहाँ पर ऐश्वरी राव के अंदर बुज्जी का रोल प्ले कर रही है और यहां पर अजय घोष फिल्म के अंदर हरिदास का रोल प्ले कर रहे हैं यहां पर रविशंकर कट्टा मधु का रोल प्ले कर रहे हैं और यहां पर अपोजिशन लीडर हैं और ब्रह्मा जी फिल्म के अंदर सीआई आदि नारायण का रोल प्ले कर रहे हैं यहां पर रघुबाब फिल्म के अंदर रंग रंगाम का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर मधुशन राव इस फिल्म के अंदर फेक हरिदास का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर पामिसाई इस फिल्म के अंदर याकूब का रोल प्ले कर रहे हैं और भी काफ़ी सारी जो कास्ट है इस फिल्म के अंदर अपना सपोर्टिंग रोल प्ले करती हुई दिखाई दी है यहाँ पर चमक चंद्रा भी कांस्टेबल का रोल प्ले कर रहे हैं जिनका नाम मोहम्मद होता है और यहाँ पर पूना इस फिल्म के अंदर जो कि स्पेशल रोल में हमें देखने को मिली है गेस्ट अपीरियंस में और यहाँ पर रामूला जो सॉन्ग था ना उसके अंदर जो कि कुर्ती मथ मथा पेटी जो सॉन्ग था ना उसमें जो कि कैमियो में देखने को मिली थी तो ये सारी कास्ट थी जो अपना अपना इस फिल्म के अंदर रोल प्ले कर रही थी तो यहाँ पर सुपर स्टार मैच भोभी की एक्टिंग काफ़ी अच्छी थी और उनका जो पुराना स्वैग होता है एक्शन वाला वो हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिला और यहाँ पर यह बात करें आगे फिल्म की जो के बारे में तो यहाँ पर इस फिल्म के सॉन्ग्स वगैरह की बात करें तो इस फिल्म के सारे सॉन्ग्स वगैरह ऑडियो वीडियो फॉर्मेट सारे के आप जो कि म्यूज़िक वगैरह दिया था थामन था, एस ने और ये सारे सॉन्ग्स आपको यूट्यूब पर भी देखने को मिल जाएंगे ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में और यहाँ पर आप बात करें इस फिल्म के हिंदी के बारे में तो इस फिल्म के हिंदी राइट्स वगैरह जो कि गोल्ड मैट ने फिल्म के टी वी राइट्स वगैरह को, को खरीदा हुआ था लेकिन इस फिल्म को जो कि टी पर प्रीमियर तो नहीं करवाया जाने वाला लेकिन इस फिल्म को नेटफ्लिक्स के ऊपर भी जब इस फिल्म को रिलीज़ करवाया गया तो एक साथ हिंदी में भी रिलीज हुई थी जी हाँ दोस्तों फाइनली आपको बता दूँ ये पर अवेलेबल है अगर आप दोस्त देखना चाहो तो वहां पे फुल एच डी प्रिंट ऑफिशियली देख सकती हो हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी बाकी सारी साउथ लैंग्वेज में भी देखने को मिल जाएगी तो अगर आप दोस्त मैच के डाई हार्ट फैन हो उनकी मूवी यानी गुंटूर मूवी को देखना चाहते हो तो वहां पर आप जो नेटफ्लिक्स पर जाकर ऑफिशियली देख सकती हो क्योंकि अगर आप उसने सब्सक्रिप्शन लिया हो तो फ्रीली एंजॉय कर सकते हो अगर आप उसने अभी तक इस फिल्म को जो कि नहीं देखा हुआ तो आपको आपने लाजमी सिम को एक बार ट्राई मारना है और एक बार देखना है और ओपिनियन अपना जो ओपिनियन है ना कमेंट बॉक्स में बताना है अगर आप उसने ऑलरेडी को देखा हुआ है तो ये फिल्म आपको कैसी लगी और यहां पर महेश बाबू की एक्टिंग कैसी लगी और यहां पर ये यह स्टोरी लाइन थी जो ना आपको अच्छी लगी या एवरेज लगी वो भी आप आपने अपना ओपिनियन में बताना है और यहां पर आज की हमारी जो वीडियो भी अच्छी लगी हो तो लाजमी लाइक करना है और यहां पर इस फिल्म यानी गुंटूर का मूवी से रिलेटेड कारडेट रहने के लिए लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करना है क्योंकि इन फिल्म से रिलेटेड जो और न्यू अपडेट्स आएंगी टीवी प्रीमियर से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स आएंगी वो इस चैनल पर मिल जाएंगी तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और फिर से आप उसको बता दूँ अगर आप दोस्तों फिल्म को अभी देखना चाहते हो एच डी प्रिंट फोर के प्रिंट में हिंदी में भी तो ये फिल्म आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी वहां पे आप साउथ लैंग्वेज में भी देख सकते हो हिंदी में भी देख सकते हो वेलकम बैक दी वीडियो तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ गंटूर कारम मूई के बारे में जो कि सुपरस्टार महेश बाबू की फिल्म रिलीज़ जो लेटेस्ट रिलीज फिल्म है ना गुंटूर कारम ये फिल्म आपको ऑफिशियली हिंदी में कहाँ पे देखने को मिलेगी आप दोस्त कैसे देख सकते हो इस फिल्म को और अगर आप दोस्त इस वीडियो के अंदर इस फिल्म यानी गुंटूर कारम मूवी को देखने के लिए आए हैं तो आपको डिस्कलैमर में बता दो कि इस वीडियो के अंदर आपको कोई भी मूवी देखने को नहीं मिलेगी हाँ लास्ट में बताया जाएगा कि ये मूवी आपको हिंदी में कहाँ पर ऑफिशियली देखने को मिल सकती है और आप दोस्त कैसे वॉच कर सकते हो फ्रीली और साथ ही इस फिल्म का रिव्यू भी किया जाने वाला है और साथ ही फिल्म के ऊपर बजट के बारे में बात की जाने वाली है फिल्म के अन फैक्ट्स के ऊपर बातचीत की जाएगी और फिल्म की कुछ प्रॉपर डिटेलिंग के साथ इस की इंटरेस्टिंग कास्ट के ऊपर भी बातचीत की जाने वाली है अगर आप दोस्त इंटरेस्टेड हो तो अभी इस वीडियो को लाइक करके लास्ट तक देखते रहना है और वीडियो को भी लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना है तो यहाँ पर हम बात करें 2024 में रिलीज़ की गई घुनटूर कारा मूवी की तो ये एक एक्शन एक ड्रामा जोनरा की फ़िल्म थी और को सेंसर की तरफ से दो घंटे बयालीस मिनट का रनिंग टाइम मिला हुआ है और यहाँ पर 10 बाय 5.4 की रेटिंग भी मिली हुई है गूगल के ऊपर और यहाँ पर बात करें डायरेक्टर की तो डायरेक्ट किया है सिमको त्रिविक्रम श्रीनिवास ने इससे पहले वो काफ़ी कमाल की सुपरहिट हिट ब्लॉक बस्टर फिल्में भी बना चुके हैं और यहाँ पर उन्होंने इससे पहले जो कि सन ऑफ सत्यमूर्ति और यहाँ पर जो कि अल्लू अर्जुन के साथ आला विकुंतम और भी काफ़ी सारी मूवीज़ के बना चुके हैं और यहाँ पर उनकी ये फिल्म जो आई है ना गुंटूर कारम लेकिन इसकी जो स्टोरी थी ना उतनी कुछ ख़ास ना होने की वजह से यह फिल्म जो कि बॉक्सेस पर एक हिट भी जो कि एवरेज बिरो हिट रही और यह फिल्म बॉक्सेस पर इतनी जो कि सही तरह से हिट भी नहीं हो पाई क्योंकि फिल्म की जो स्टोरी थी ना उतनी ख़ास नहीं थी अगर यहाँ पर सुपरस्टार महेश बहू ना होते इस फिल्म में तो ये फिल्म बॉक्सेज पर पूरी तरह से पिट जाती और अपना बजट भी रिकवर नहीं कर पाती तो यहाँ पर इस फिल्म ने काफ़ी अच्छा भी फिर भी कलेक्शन किया हुआ है ठीक ठाक स्टोरी होने की वजह से लेकिन यहाँ पर हम बात करें गुंटूर कारम टू इंडियन तेलुगु लैंग्वेज फिल्म एक्शन ड्रामा इस फिल्म का जोना था और डायरेक्टर राइट किया था इस फिल्म की स्टोरी तो त्रिविक्रम श्रीनिवास ने और फिल्म को जो कि राधा कृष्णा ने प्रोड्यूस किया हुआ है और यहाँ पर हारिका हास ने क्रिएशंस के थ्रू और यहाँ पर महेश बाबू

ट्वेंटी 2024 में रिलीज की गई थी और पे काफी सारी मूवीज भी क्लैश हुई थी इसके साथ लेकिन ये फिल्म महेश बाबू की होने की वजह से फिर भी काफी अच्छा कलेक्शन कर गई फिल्म का जो बजट था दो करोड़ था इस फिल्म ने एक करोड़ का कलेक्शन किया और ये फिल्म पे एक फ्लॉप फिल्म रही जहाँ से बॉक्स पर फ्लॉप हो चुकी है और यहाँ पर बात करें इस फिल्म के बारे में दो हज़ार मई में इस फिल्म को अनाउंस किया गया था और यहाँ पर इस टाइम पे इस मूवी का जो टाइटल था ना वो टाइटल अनाउंस नहीं किया गया था एस एस के नाम से अनाउंस हुई थी और एक फ़िल्म बन रही है कि अनाउंस किया गया था वो फिल्म बनेगी जो कि त्रिविक्रम श्रीनिवास के साथ और उसमें हमें जो महेश बाबू देखने को मिलेंगे तो ये अनाउंस होने के बाद इस फिल्म की जो शूटिंग वगैरह स्टार्ट हुई थी सेप्टेम्बर टू में और इस फिल्म की जो शूटिंग वगैरह हैदराबाद में और भी काफ़ी सारी जो कि चीज़ें जगहों पे इस फिल्म की शूटिंग वगैरह की गई और गुंटूर जो गांव है ना वहाँ पे भी इस फिल्म की शूटिंग वगैरह की गई और फिल्म की जो शूटिंग दिसंबर 23 में इस फिल्म की जो शूटिंग थी वो पूरी तरह से रैपअप करवाई गई थी और फिल्म की जो एडिटिंग वगैरह का काम कंप्लीट करवा लिया गया और फिल्म को फाइनली बारह जैन टू में थिएटर में रिलीज करवा लिया गया था तो ऑडियंस को इस फिल्म को जो कि मिक्स रिव्यूज़ मिले और क्रिटिक्स की तरफ से भी और यहाँ पर तो विक्रम श्रीनिवास की डायरेक्शन के ऊपर बातचीत की जाए कि क्योंकि उन फिल्म की जो स्टोरी थी ना वो अच्छी नहीं रखी और साथ ही डायरेक्शन भी उनकी इतनी जो कि ख़ास नहीं लग रही थी लेकिन इस फिल्म के अंदर महेश बाबू ने एक्टिंग काफ़ी अच्छी की हुई थी जैसे पुराने अवतार में देखने को मिलते हैं एक्शन अवतार में तो वो काफ़ी अच्छे इस फिल्म के अंदर एक्टिंग करते हुए दिखाई दिए हैं तो बात करें फिर से कास्ट की तो कास्ट में हमें देखने को मिले हैं महेश बाबू इस फिल्म के अंदर जो कि वीरा वेंकट का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ रमना उनका नाम होता है और यहाँ पर शीला इस फिल्म के अंदर जो कि अमुत का यानी अमू का रोल प्ले करी और यहाँ पर मीनाक्षी चौधरी इस फिल्म राजी की का रोल प्ले करी और यहाँ पर प्रकाश राज इस फिल्म के अंदर वैरा वेंकट स्वामी का रोल प्ले करें और यहाँ पर रमया कृष्णन जो कि लॉ मिनिस्टर वैरा यानी जो कि वेंकट स्वामी जी की डॉटर है और यहाँ पर वो इस फिल्म के अंदर जो कि रमना की मदर भी होती है तो यहाँ पर जयराम की बात की जाए तो इस फिल्म के अंदर जयराम भी हैं सत्या सत्यनारायण का रोल प्ले कर करें इस फिल्म के अंदर और यहाँ पर जगह पति बाबू फिल्म के अंदर डोगा मार्क्स का बाबू का रोल प्ले कर रहे हैं और यहां पर सुनील डोगा मार्क्स बाबू के जो कि ब्रदर होते हैं उनका रोल प्ले कर, रो 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 कर रहे हैं यहां पर राव रमेश भी हैं पक्का राजू गोपाल के नाम से फिल्म के अंदर उनका भी नाम है और वो इस फिल्म के अंदर गोपाल का नाम रोल प्ले कर रहे हैं गोपाल के नाम से और यहां पर मुरली शर्मा इस फिल्म के अंदर बसवा राजू जो के का रोल प्ले कर रहे हैं और यहां पर उनका नाम होता है पानी और वो एक वकील होते हैं फिल्म के अंदर राहुल रविंद्रा इस फिल्म के अंदर जो कि वायरा राजा गोपाल का रोल प्ले कर और यहां पर अजय फिल्म के अंदर गैलेटन बाजी भाई का, का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर वनैला कोर हैं और यहाँ पर बबलू का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर पानी के असिस्टेंट हैं और यहाँ पर ऐश्वर्य राव इस फिल्म के अंदर बुज्जी का रोल प्ले कर रही है और यहाँ पर अजय घोष फिल्म के अंदर हरिदास का रोल प्ले कर रहे हो यहाँ पे रविशंकर कट्टा मधु का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर अपोजिशन लीडर हैं और ब्रह्मा जी फिल्म के अंदर सी आई आदि नारायण का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर रघुबाब इस फिल्म के अंदर रंग रंगाम का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर मधुशन राव इस फिल्म के अंदर फेक हरिदास का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर पामिसा इस फिल्म के अंदर याकूब का रोल प्ले कर रहे हैं और भी काफ़ी सारी जो कास्ट है इस फिल्म के अंदर अपना सपोर्टिंग रोल प्ले करती हुई दिखाई दी है यहाँ पर चमक चंद्रा अभी कॉन्स्टेबल का रोल प्ले कर रहे हैं जिनका नाम मोहम्मद होता है और यहाँ पर पुना इस फिल्म के अंदर जो कि स्पेशल रोल में हमें देखने को मिली है गेस्ट अपीरियंस में और यहाँ पर रामूला जो सॉन्ग था ना उसके अंदर जो कि कुर्ती मथ मथा पेटी जो सॉन्ग था ना उसमें जो कि कैमियो में देखने को मिली थी तो ये सारी कास्ट थी जो अपना अपना फिल्म के अंदर रोल प्ले कर रही थी तो यहाँ पर सुपर स्टार मैच की एक्टिंग काफ़ी अच्छी थी और उनका जो पुराना स्वैग होता है एक्शन वाला वो हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिला और यहाँ पर यह बात करें आगे फिल्म की जो के बारे में तो यहाँ पर इस फिल्म के सॉन्ग्स वगैरह की बात करें तो इस फिल्म के सारे सॉन्ग्स वगैरह ऑडियो वीडियो फॉर्मेट सारे के आप जो कि म्यूज़िक वगैरह दिया था थामन एस ने और ये सारे सॉन्ग्स आपको यूट्यूब पर भी देखने को मिल जाएंगे ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में और यहाँ पर आप बात करें इस फिल्म के हिंदी के बारे में तो इस फिल्म के हिंदी राइट्स वगैरह जो कि गोल्ड मैंस ने फिल्म के टी राइट्स वगैरह को, को ख़रीदा हुआ था लेकिन इस फिल्म को जो कि टी पर प्रीमियर तो नहीं करवाया जाने वाला लेकिन इस फिल्म को नेटफ्लिक्स के ऊपर भी जब इस फिल्म को रिलीज़ करवाया गया तो एक साथ हिंदी में भी रिलीज़ हुई थी जी हाँ दोस्तों फाइनली आपको बता दूँ ये फिल्म नेट्स पर अवेलेबल है अगर आप दोस्त देखना चाहो तो वहाँ पे फुल एच डी प्रिंट में ऑफिशियली देख सकती हो हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी बाकी सारी साउथ लैंग्वेज में भी देखने को मिल जाएगी तो अगर आप दोस्त मैच बाबू के डाई हार्ट फैन हो उनकी मूवी यानी गुंटूर मूवी को देखना चाहते हो तो वहाँ पर आप जो नेटफ्लिक्स पर जाकर ऑफिशियली देख सकती हो क्योंकि अगर आप उसने सब्सक्रिप्शन लिया हो तो फ्रीली एंजॉय कर सकते हो अगर आप उसने अभी तक इस फिल्म को जो कि नहीं देखा हो तो आपको आपने लाजमी फिल्म को एक बार ट्राई मारना है और एक बार देखना है और ओपिनियन अपना वो जो ओपिनियन है ना कमेंट बॉक्स में बताना है अगर आप उसने ऑलरेडी इस फिल्म को देखा हुआ है तो यह फिल्म आपको कैसी लगी और यहां पर महेश बाबू की एक्टिंग कैसी लगी और यहां पर यह स्टोरी लाइन थी जो ना आपको अच्छी लगी या एवरेज लगी वो भी आप उसने अपना ओपिनियन ओपिनियनबॉस में बताना है और यहां पर आज की हमारी जो वीडियो भी अच्छी लगी हो तो लाजी लाइक करना है और यहां पर इस फिल्म यानी गुंटूर का मूवी से रिलेटेड अपडेट रहने के लिए लाजी चैनल को सब्सक्राइब करना है क्योंकि से रिलेटेड जो और न्यू अपडेट्स आएंगी टीवी प्रीमियर से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स आएंगी वो इस चैनल पर मिल जाएंगी तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और फिर से आप दोस्तों को बता दूं अगर आप दोस्ती फिल्म को अभी देखना चाहते हो फोर एच डी प्रिंट फोर के प्रिंट में हिंदी में भी तो ये फिल्म आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी वहां पे आप दो सीम को साउथ लैंग्वेज में भी देख सकते हो हिंदी में भी देख सकते हो वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ गुंटूर कारम वुई के बारे में जो कि सुपर स्टार महेश भाई की फिल्म रिलीज़ जो लेटेस्ट रिलीज़ फिल्म है ना गुंटूर कारम ये फिल्म आपको ऑफिशियली हिंदी में कहाँ पे देखने को मिलेगी आप दोस्त कैसे देख सकते हो इस फिल्म को और अगर आप दोस्त इस वीडियो के अंदर इस फिल्म यानी गुंटूर कारम वूई को देखने के लिए आए हैं तो आपको डिस्क्लेमर में बता दो कि इस वीडियो के अंदर आपको कोई भी मूवी देखने को नहीं मिलेगी हाँ लास्ट में बताया जाएगा कि ये मूवी आपको हिंदी में कहाँ पर ऑफिशियली देखने को मिल सकती है और आप दोस्त कैसे वॉच कर सकते हो फ्रीली और साथ ही इस फिल्म का रिव्यू भी किया जाने वाला है और साथ ही इस फिल्म के ऊपर बजट के बारे में बात की जाने वाली है इस फिल्म के अन फैक्ट्स के ऊपर बातचीत की जाएगी और फिल्म की आ, कुछ प्रॉपर डिटेलिंग के साथ इस फिल्म की इंटरेस्टिंग कास्ट के ऊपर भी बातचीत की जाने वाली है अगर आप दोस्त इंटरेस्टेड हो तो अब इस वीडियो को लाइक करके लास्ट तक देखते रहना है और वीडियो को भी लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना है तो यहाँ पर हम बात करें 2024 में रिलीज़ की गई गुनटूरकारा मूवी की तो ये एक एक्शन एक ड्रामा जोनरा की फिल्म थी और सिम को सेंसर की तरफ से दो घंटे बयालीस मिनट का रनिंग टाइम मिला हुआ है और यहाँ पर 10 बाय 5.4 की रेटिंग भी मिली हुई है गूगल के ऊपर और यहाँ पर बात करें डायरेक्टर की तो डायरेक्ट किया है सिम को त्रिविक्रम श्रीनिवास ने इससे पहले वो काफ़ी कमाल की सुपरहिट ब्लॉक बस्टर फिल्में भी बना चुके हैं और यहाँ पर उन्होंने इससे पहले जो कि सन ऑफ़ सत्यमूर्ति और यहाँ पर जो कि अल्लो अर्जुन के साथ आला फुंतम और भी काफ़ी सारी मूवीज़ जो बना चुके हैं और यहाँ पर उनकी ये फिल्म जो आई है ना गुंटूर कारम लेकिन इसकी जो स्टोरी थी ना उतनी कुछ खास ना होने की वजह से यह फिल्म जो कि बॉक्सेस पर एक हिट भी जो कि एवरेज बिरो हिट रही और यह फिल्म बॉक्सेस पर इतनी जो कि सही तरह से हिट भी नहीं हो पाई क्योंकि इस फिल्म की जो स्टोरी थी ना उतनी खास नहीं थी अगर यहाँ पर सुपरस्टार महेश बहू ना होते इस फिल्म में तो ये फिल्म बॉक्सेस पर पूरी तरह से पिट जाती और अपना बजट भी रिकवर नहीं कर पाती तो यहाँ पर इस फिल्म ने काफ़ी अच्छा भी फिर भी कलेक्शन किया हुआ है ठीक ठाक स्टोरी होने की वजह से लेकिन यहाँ पर हम बात करें गुंटूर कारम 2024 इंडियन तेलुगु लैंग्वेज फिल्म एक्शन ड्रामा इस फिल्म का जोना था और डायरेक्टर राइट किया था इस फिल्म की स्टोरी तो त्रिविक्रम श्रीनिवास ने और फिल्म को जो कि राधा कृष्णा ने प्रोड्यूस किया हुआ है और यहाँ पर हारिका हास ने क्रिएशन के थ्रू और यहाँ पर महेश बाबू के थ्रू और यहाँ पर श्रीला इस फिल्म में कास्ट में देखेंगे सुपर स्टार महेश मीनाक्षी चौधरी है प्रकाश राज ने है जगपति बाबू सुनील और रमेश भी काफी सारी जो कि कास्ट स्पोर्टिंग रोल में भी देखने को मिल जाती है तो यहाँ पर सीनेटोग्राफी की बात करें तो मनोज पारासाम हाँ जो कि नए फिल्म की जो कि सीनेटोग्राफी की हुई है ऑडिट किया नवीन नौली ने और म्यूजिक दिया था मनस ने और यहाँ पर इस फिल्म की जो प्रोडक्शन कंपनी है हारिका एंड हसने क्रेशन है और यहाँ पर इस फिल्म को रिलीज करवाया गया था 12 जनवरी 2024 में और फोर जो और क्रांति 2024 में रिलीज की गई थी और टाइम पे काफी सारी मूवीज भी क्लैश हुई थी इसके साथ लेकिन ये फिल्म महेश बाबू की होने की वजह से फिर भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन कर गई फिल्म का जो बजट था दो करोड़ था इस फिल्म ने एक करोड़ का कलेक्शन किया और ये फिल्म बॉक्स पर एक फ्लॉप फिल्म रही जी से बॉक्स पर फ्लॉप हो चुकी है और यहाँ पर बात करें इस फिल्म के बारे में दो तो हज़ार इक्कीस मई में, में इस फिल्म को अनाउंस किया गया था और यहाँ पर इस टाइम पे इस मूवी का जो टाइटल था ना वो टाइटल अनाउंस नहीं किया गया था एस एस एम बी ट्वेंटी एट के नाम से अनाउंस हुई थी और एक फिल्म बन रही है कि अनाउंस किया गया था वो फिल्म बनेगी जो कि त्रिविक्रम श्रीनिवास के साथ और उसमें हमें चूँकि महेश बाबू देखने को मिलेंगे तो ये अनाउंस होने के बाद इस फिल्म की जो शूटिंग वगैरह स्टार्ट हुई थी सेप्टेम्बर टू में और इस फिल्म की जो शूटिंग वगैरह हैदराबाद और भी काफ़ी सारी जो कि चीज़ें जगहों पे इस फिल्म की शूटिंग वगैरह की गई और गुंटूर जो गांव है ना वहाँ पे भी इस फिल्म की शूटिंग वगैरह की गई और फिल्म की जो शूटिंग वगैरह दिसंबर 23 में इस फिल्म की जो शूटिंग थी वो पूरी तरह से रैपअप करवाई गई थी और फिल्म की जो एडिटिंग वगैरह का, 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 का काम कंप्लीट करवा लिया गया और फिल्म को फाइनली बारह जैन टू में थिएटर में रिलीज़ करवा लिया गया था तो ऑडियंस को इस फिल्म को जो कि मिक्स रिव्यूज मिले और क्रिटिक्स की तरफ से भी और यहाँ पर त्रिविक्रम श्रीनिवास की डायरेक्शन के ऊपर बातचीत की जाए कि क्योंकि उन्होंने इस फिल्म की जो स्टोरी थी ना वो अच्छी नहीं रखी और साथ ही डायरेक्शन भी उनकी इतनी जो कि ख़ास नहीं लग रही थी लेकिन इस फिल्म के अंदर महेश बाबू ने एक्टिंग काफ़ी अच्छी की हुई थी जैसे पुराने अवतार में देखने को मिलते हैं एक्शन अवतार में तो वो काफ़ी अच्छे इस फिल्म के अंदर एक्टिंग करते हुए दिखाई दिए हैं तो बात करें फिर से कास्ट की तो कास्ट में हमें देखने को मिले हैं महेश बाबू इस फिल्म के अंदर जो कि वीरा वेंकट का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ

बाबू फिल्म के अंदर डोगा मार्क्स का बाबू का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर सुनील प्ले कर रहे हैं गोपाल के नाम से और यहाँ पर मुरली शर्मा इस फिल्म के अंदर बसवा राजू जो रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर उनका नाम होता है पानी और वो एक वकील होते हैं फिल्म के अंदर राहुल रविंद्रा है फिल्म के अंदर जो कि वायरा राजा गोपाल का रोल प्ले कर और यहाँ पर अजय फिल्म के अंदर गैलेटन बाजी ई का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर वनैला किशोर हैं और यहाँ पर वो बबलू का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर पानी के असिस्टेंट हैं और यहाँ पर ऐश्वर्य राव इस फिल्म के अंदर बुज्जी का रोल प्ले कर रही है और यहाँ पर अजय घोष फिल्म के अंदर हारी का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पे रविशंकर कट्टा मधु का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर अपोजिशन लीडर हैं और ब्रह्मा जी फिल्म के अंदर सीआई आदि आदि नारायण का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर रघु बाब के अंदर रंग रंगाम का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर मधुशन राव इस फिल्म के अंदर फेक हरिदास का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर पामिसाई इस फिल्म के अंदर याकूब का रोल प्ले कर रहे हैं और भी काफ़ी सारी जो कास्ट है इस फिल्म के अंदर अपना सपोर्टिंग रोल प्ले करती हुई दिखाई दी है यहाँ पर चमक चंद्रा भी कॉन्स्टेबल का रोल प्ले कर रहे हैं जिनका नाम मोहम्मद होता है और यहाँ पर पूना इस फिल्म के अंदर जो कि स्पेशल रोल में हमें देखने को मिली है गेस्ट अपीरियंस में और यहाँ पर रामूला जो सॉन्ग था ना उसके अंदर जो कि कुर्ती मथ मथा पेटी जो सॉन्ग था ना उसमें जो कि कैमियो में देखने को मिली थी तो ये सारी कास्ट थी जो अपना अपना इस फिल्म के अंदर रोल प्ले कर रही थी तो यहाँ पर सुपर स्टार मैच भवी की एक्टिंग काफ़ी अच्छी थी और उनका जो पुराना स्वैग होता है एक्शन वाला वो हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिला और यहाँ पर बात करें आगे फिल्म की जो के बारे में तो यहाँ पर इस फिल्म के सॉन्ग्स वगैरह की बात करें तो इस फिल्म के सारे सॉन्ग्स वगैरह ऑडियो वीडियो फॉर्मेट सारे के आप जो कि म्यूज़िक वगैरह दिया था थामन एस ने और ये सारे सॉन्ग्स आपको यूट्यूब पर भी देखने को मिल जाएंगे ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में और यहाँ पर आप बात करें इस फिल्म के हिंदी के बारे में तो इस फिल्म के हिंदी राइट्स वगैरह जो कि गोल्ड मैस ने इस फिल्म के टी राइट्स वगैरह को खरीदा हुआ था लेकिन इस फिल्म को जो कि टी पर प्रीमियर तो नहीं करवाया जाने वाला लेकिन इस फिल्म को नेटफ्लिक्स के ऊपर भी जब इस फिल्म को रिलीज़ करवाया गया तो एक साथ हिंदी में भी रिलीज़ हुई थी जी हाँ दोस्तों फाइनली आपको बता दूँ ये फिल्म नेक्स्ट फिल पर अवेलेबल है अगर आप दोस्त देखना चाहो तो वहां पे फुल एच डी प्रिंट में ऑफिशियली देख सकती हो हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी बाकी सारी साउथ लैंग्वेज में भी देखने को मिल जाएगी तो अगर आप दोस्त मैच के डाई हार्ट फैन हो उनकी मूवी यानी गुंटूर मूवी को देखना चाहते हो तो वहाँ पर आप जो नेटफ्लिक्स पर जाकर ऑफिशियली देख सकती हो क्योंकि अगर आप उसने सब्सक्रिप्शन लिया हो तो फ्रीली एंजॉय कर सकते हो अगर आप उसने अभी तक इस फिल्म को जो कि नहीं देखा हुआ तो आपको अपने लाजमी फिल्म को एक बार ट्राई मारना है और एक बार देखना है और ओपिनियन अपना जो ओपिनियन है ना कमेंट बॉक्स में बताना है अगर आप उसने ऑलरेडी इस को देखा हुआ है तो ये फिल्म आपको कैसी लगी और यहां पर महेश बाबू की एक्टिंग कैसी लगी और यहां पर ये स्टोरी लाइन थी जो ना आपको अच्छी लगी या एवरेज लगी वो भी आप आपने अपना ओपिनियन में बताना है और यहां पर आज की हमारी जो वीडियो भी अच्छी लगी हो तो लाजमी लाइक करना है और यहां पर इस फिल्म यानी गुंडूर का मूवी से रिलेटेड अपडेट रहने के लिए लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करना है क्योंकि इन से रिलेटेड जो और न्यू अपडेट्स आएंगी टीवी प्रीमियर से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स आएंगी वो इस चैनल पर मिल जाएंगी तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और फिर से आप उसको बता दूँ अगर आप दोस्तों फिल्म को अभी देखना चाहते हो एच डी प्रिंट फोर के प्रिंट में हिंदी में भी तो ये फिल्म आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी वहां पे आप दो सकते हो हिंदी में भी देख सकते हो वेलकम बैक दी वीडियो तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ गंटूर कारम मूई के बारे में जो कि सुपरस्टार महेश बाबू की फिल्म रिलीज़ जो लेटेस्ट रिलीज़ फिल्म है ना गुंटूर कारम ये फिल्म आपको ऑफिशियली हिंदी में कहाँ पे देखने को मिलेगी आप दोस्त कैसे देख सकते हो इस फिल्म को और अगर आप दोस्त इस वीडियो के अंदर इस फिल्म यानी गुंटूर कारम मूवी को देखने के लिए आए हैं तो आपको डिस्कलैमर में बता दो कि इस वीडियो के अंदर आपको कोई भी मूवी देखने को नहीं मिलेगी हाँ लास्ट में बताया जाएगा कि ये मूवी आपको हिंदी में कहाँ पर ऑफिशियली देखने को मिल सकती है और आप दोस्त कैसे वॉच कर सकते हो फ्रीली और साथ ही इस का रिव्यू भी किया जाने वाला है और साथ ही फिल्म के ऊपर बजट के बारे में बात की जाने वाली है फिल्म के अन फैक्ट्स के ऊपर बातचीत की जाएगी और फिल्म की कुछ प्रॉपर डिटेलिंग के साथ इस के इंटरेस्टिंग कास्ट के ऊपर भी बातचीत की जाने वाली है अगर आप दोस्त इंटरेस्टेड हो तो अभी इस वीडियो को लाइक करके लास्ट तक देखते रहना है और वीडियो को भी लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना है तो यहाँ पर हम बात करें 2024 में रिलीज़ की गई गुनटूरकारा मूवी की तो ये एक एक्शन एक ड्रामा जोनरा की फ़िल्म थी और सिमको सेंसर की तरफ से दो घंटे बयालीस मिनट का रनिंग टाइम मिला हुआ है और यहाँ पर 10 बाय 5.4 की रेटिंग भी मिली हुई है गूगल के ऊपर और यहाँ पर बात करें डायरेक्टर की तो डायरेक्ट किया है सिमको त्रिविक्रम श्रीनिवास ने इससे पहले वो काफ़ी कमाल की सुपरहिट हट ब्लॉक बस्टर फिल्में भी बना चुके हैं और यहाँ पर उन्होंने इससे पहले जो कि सन ऑफ सत्यमूर्ति और यहाँ पर जो कि अल्लू अर्जुन के साथ आलाविकतम और भी काफ़ी सारी मूवीज़ के बना चुके हैं और यहाँ पर उनकी ये फिल्म जो आई है ना गुंटूर कारम लेकिन इसकी जो स्टोरी थी ना उतनी कुछ खास ना होने की वजह से यह फिल्म जो कि बॉक्सेस पर एक हिट भी जो कि एवरेज बिरो हिट रही और यह फिल्म बॉक्सेस पर इतनी जो कि सही तरह से हिट भी नहीं हो पाई क्योंकि फिल्म की जो स्टोरी थी ना उतनी खास नहीं थी अगर यहाँ पर सुपरस्टार महेश बहू ना होते इस फिल्म में तो ये फिल्म बॉक्सेस पर पूरी तरह से पिट जाती और अपना बजट भी रिकवर नहीं कर पाती तो यहाँ पर इस फिल्म ने काफ़ी अच्छा भी फिर भी कलेक्शन किया हुआ है ठीक ठाक स्टोरी होने की वजह से लेकिन यहाँ पर हम बात करें गुंटूर कारम टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर इंडियन तेलुगू लैंग्वेज फिल्म एक्शन ड्रामा इस फिल्म का जोना था और डायरेक्टर राइट किया था इस फिल्म की स्टोरी तो त्रिविक्रम श्रीनिवास ने और फिल्म को जो कि राधा कृष्णा ने प्रोड्यूस किया हुआ है और यहाँ पर हारिका हास ने क्रिएशंस के थ्रू और यहाँ पर महेश बाबू के थ्रू और यहाँ पर श्री श्रीलास्ट में कास्ट में मीनाक्षी चौधरी प्रकाश राज एंड जयराम है जगपति बाबू सुनील और रमेश भी काफी सारी जो कि कास्ट स्पोर्टिंग रोल में भी देखने को मिल जाती है तो यहाँ पर सीनेटोग्राफी की बात करें तो मनोज पारासाम जो कि नए फिल्म की जो कि सीनेटोग्राफी की हुई है ऑडिट किया को नवीन नौली ने और म्यूजिक दिया था मनस ने और यहाँ पर इस फिल्म की जो प्रोडक्शन कंपनी है हारिका है हंसने कलेक्शंस है और यहाँ पर इस फिल्म को रिलीज़ करवाया गया था बारह जनवरी टू में और ये जंक्रांति ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में रिलीज़ की गई थी और इस टाइम पर काफी सारी मूवीज़ भी क्लैश हुई थी इसके साथ लेकिन ये फिल्म महेश बाबू की होने की वजह से फिर भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन कर गई इस फिल्म का जो बजट था दो करोड़ था इस फिल्म ने एक करोड़ का कलेक्शन किया और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक फ़्लॉप फिल्म रही जहाँ से बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो चुकी है और यहाँ पर बात करें फिल्म के बारे में 2021 हज़ार में इस फिल्म को अनाउंस किया गया था और यहाँ पर इस टाइम पे इस मूवी का जो टाइटल था ना वो टाइटल अनाउंस नहीं किया गया था एस एस एम बी ट्वेंटी एट के नाम से अनाउंस हुई थी और एक फिल्म बन रही है कि अनाउंस किया गया था वो फिल्म बनेगी जो कि त्रिविक्रम श्रीनिवास के साथ और उसमें हमें जो महेश बाबू देखने को मिलेंगे तो ये अनाउंस होने के बाद इस फिल्म की जो शूटिंग वगैरह स्टार्ट हुई थी सेप्टेम्बर टू में और इस फिल्म की जो शूटिंग वगैरह हैदराबाद में और भी काफ़ी सारी जो कि चीज़ें जगहों पर फिल्म की शूटिंग वगैरह की गई और गुंटूर जो गाँव है ना वहाँ पर भी इस फिल्म की शूटिंग वगैरह की गई और फिल्म की जो शूटिंग वगैरह दिसंबर 23 में फिल्म की जो शूटिंग थी वो पूरी तरह से रैप अप करवाई गई थी और फिल्म की जो एडिटिंग वगैरह का काम कंप्लीट करवा लिया गया और फिल्म को फाइनली बारह जैन टू में थिएटर में रिलीज़ करवा लिया गया था तो ऑडियंस को इस फिल्म को जो कि मिक्स रिव्यूज़ मिले और क्रिटिक्स की तरफ से भी और यहाँ पर तो विक्रम श्रीनिवास की डायरेक्शन के ऊपर बातचीत की जाए कि क्योंकि उन्होंने इस की जो स्टोरी थी ना वो अच्छी नहीं रखी और साथ ही डायरेक्शन भी उनकी इतनी जो कि ख़ास नहीं लग रही थी लेकिन इस फिल्म के अंदर महेश बाबू ने एक्टिंग काफ़ी अच्छी की हुई थी जैसे पुराने अवतार में देखने को मिलते हैं एक्शन अवतार में तो वो काफ़ी अच्छे इस फिल्म के अंदर एक्टिंग करते हुए दिखाई दिए हैं तो बात करें फिर से कास्ट की तो कास्ट में हमें देखने को मिले हैं महेश बाबू इस फिल्म के अंदर जो कि वीरा वेंकट का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ रमना उनका नाम होता है और यहाँ पर चिल्लाए के अंदर जो कि का यानी अमू का रोल प्ले करी और यहाँ पर मीनाक्षी चौधरी इस फिल्म राजी की का रोल प्ले करी और यहाँ पर प्रकाश राज के अंदर वैरा वेंकट स्वामी का रोल प्ले करे और यहाँ पर रमया कृष्णन जो कि लॉ मिनिस्टर वैरा यानी जो कि वेंकट स्वामी जी की डॉटर है और यहाँ पर वो इस फ़िल्म के अंदर जो कि रमणा की मदर भी होती है तो यहाँ पर जयराम की बात की जाए तो इस फिल्म के अंदर जयराम भी हैं सत्य सत्यनारायण का रोल प्ले कर रहे हैं इस फिल्म के अंदर और यहाँ पर जगपति बाबू फिल्म के अंदर डोगा मार्क्स बाबू का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर सुनील डोगा मार्क्स बाबू के जो कि ब्रदर होते हैं उनका रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर राव रमेश भी हैं पक्का राजू गोपाल के नाम से फिल्म के अंदर उनका भी नाम है और वो इस फिल्म के अंदर गोपाल का नाम रोल प्ले कर रहे हैं गोपाल के नाम से और यहाँ पर मुराली शर्मा इस फिल्म के अंदर बसवा राजू जो के का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर उनका नाम होता है पानी और वो एक वकील होते हैं फिल्म के अंदर राहुल रविंद्रा है फिल्म के अंदर जो कि वायरा राजा गोपाल का रोल प्ले कर रहे और यहाँ पर अजय फिल्म के अंदर गैलेटन बाजी वाजपाई का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर वनीला किशोर हैं और यहाँ पर वो बबलू का रोल प्ले और यहां पर पानी के असिस्टेंट हैं और यहां पर ऐश्वर्य राव के अंदर बुज्जी का रोल प्ले कर रही है और यहां पर अजय घोष फिल्म के अंदर हरिदास का रोल प्ले कर रहे हैं यहां पर रविशंकर कट्टा मधु का रोल प्ले कर रहे हैं और यहां पर अपोजिशन लीडर हैं और ब्रह्मा जी फिल्म के अंदर सीआई आदि नारायण का रोल प्ले कर रहे हैं यहां पर रघुबाब फिल्म के अंदर रंग आ, रंगाम का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर मधुशन राव इस फिल्म के अंदर फेक हरिदास का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर पामिसा इस फिल्म के अंदर याकूब का रोल प्ले कर रहे हैं और भी काफ़ी सारी जो कास्ट है इस फिल्म के अंदर अपना सपोर्टिंग रोल प्ले करती हुई दिखाई दी है यहाँ पर चमक चंद्रा अभी कॉन्स्टेबल का रोल प्ले कर रहे हैं जिनका नाम मोहम्मद होता है और यहाँ पर पुना इस फिल्म के अंदर जो कि स्पेशल रोल में हमें देखने को मिली है गेस्ट अपीरियंस में और यहाँ पर रामूला जो सॉन्ग था ना उसके अंदर जो कि कुर्ती मथ पेटी जो सॉन्ग था ना उसमें जो कि कैमियो में देखने को मिली थी तो ये सारी कास्ट थी जो अपना अपना फिल्म के अंदर रोल प्ले कर रही थी तो यहाँ पर सुपर स्टार की एक्टिंग काफ़ी अच्छी थी और उनका जो पुराना स्वैग होता है एक्शन वाला वो हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिला और यहाँ पर यह बात करें आगे फिल्म की जो के बारे में तो यहाँ पर इस फिल्म के सॉन्ग्स वगैरह की बात करें तो इस फिल्म के सारे सॉन्ग्स वगैरह ऑडियो वीडियो फॉर्मेट सारे के आप जो कि म्यूजिक वगैरह दिया था एस ने और ये सारे सॉन्ग्स आपको यूट्यूब पर भी देखने को मिल जाएंगे ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में और यहाँ पर आप बात करें इस फिल्म के हिंदी के बारे में तो इस फिल्म के हिंदी राइट्स वगैरह जो कि गोल्ड मैंस ने फिल्म के टी राइट्स वगैरह को, को ख़रीदा हुआ था लेकिन इस फिल्म को जो कि टी पर प्रीमियर तो नहीं करवाया जाने वाला लेकिन इस फिल्म को नेटफ्लिक्स के ऊपर भी जब इस फिल्म को रिलीज़ करवाया गया तो एक साथ हिंदी में भी रिलीज़ हुई थी जी हाँ दोस्तों फाइनली आपको बता दूँ ये फिल्म नेट्स पर अवेलेबल है अगर आप दोस्त देखना चाहो तो वहाँ पे फुल एच डी प्रिंट में ऑफिशियली देख सकती हो हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी बाकी सारी साउथ लैंग्वेज में भी देखने को मिल जाएगी तो अगर आप दोस्त मैश बाबू के डाई हार्ट फैन हो उनकी मूवी यानी गुंटूर मूवी को देखना चाहते हो तो वहाँ पर आप जो नेटफ्लिक्स पर जाकर ऑफिशियली देख सकती हो क्योंकि अगर आप उसने सब्सक्रिप्शन लिया हो तो फ्रीली एंजॉय कर सकते हो अगर आप उसने अभी तक इस फिल्म को जो कि नहीं देखा हो तो आपको आपने लाजमी फिल्म को एक बार ट्राई मारना है और एक बार देखना है और ओपिनियन अपना वो जो ओपिनियन है ना कमेंट बॉक्स में बताना है अगर आप उसने ऑलरेडी इस फिल्म को देखा हुआ है तो यह फिल्म आपको कैसी लगी और यहां पर महेश बाबू की एक्टिंग कैसी लगी और यहां पर यह स्टोरी लाइन थी जो ना आपको अच्छी लगी या एवरेज लगी वो भी आप उसने अपना ओपिनियन ओपिनियनबॉस में बताना है और यहां पर आज की हमारी जो वीडियो भी अच्छी लगी हो तो लाजी लाइक करना है और यहां पर इस फिल्म यानी गुंटूर का मूवी से रिलेटेड अपडेट रहने के लिए लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करना है क्योंकि इन से रिलेटेड जो और न्यू अपडेट्स आएंगी टीवी प्रीमियर से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स आएंगी वो इस चैनल पर मिल जाएंगी तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और फिर से आप दोस्तों को बता दूँ अगर आप दोस्ती फिल्म को अभी देखना चाहते हो फोर एच डी प्रिंट फोर के प्रिंट में हिंदी में भी तो ये फिल्म आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी वहां पे आप साउथ लैंग्वेज में भी देख सकते हो हिंदी में भी देख सकते हो वेलकम बैक वीडियो तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ गंटूर कारम वुई के बारे में जो कि सुपरस्टार स्टार महेश भावी की फिल्म रिलीज़ जो लेटेस्ट रिलीज फिल्म है ना गुंटूर कारम ये फिल्म आपको ऑफि हिंदी में कहाँ पे देखने को मिलेगी आप दोस्त कैसे देख सकते हो इस फिल्म को और अगर आप दोस्त इस वीडियो के अंदर इस फिल्म यानी गुंटूर कारम वुई को देखने के लिए आए हैं तो आपको डिस्कलैमर में बता दो कि इस वीडियो के अंदर आपको कोई भी मूवी देखने को नहीं मिलेगी हाँ लास्ट में बताया जाएगा कि ये मूवी आपको हिंदी में कहाँ पर ऑफिशियली देखने को मिल सकती है और आप दोस्त कैसे वॉच कर सकते हो फ्रीली और साथ ही इस फिल्म का रिव्यू भी किया जाने वाला है और साथ ही के ऊपर बजट के बारे में बात की जाने वाली है फिल्म के अननॉन फैक्ट्स के ऊपर बातचीत की जाएगी और फ़िल्म की कुछ प्रॉपर डिटेलिंग के साथ इस की इंटरेस्टिंग कास्ट के ऊपर भी बातचीत की जाने वाली है अगर आप दोस्त इंटरेस्टेड हो तो अब इस वीडियो को लाइक करके लास्ट तक देखते रहना है और वीडियो को भी लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना है तो यहाँ पर हम बात करें 2024 में रिलीज़ की गई कारा मूवी की तो ये एक एक्शन एक ड्रामा जोनरा की फिल्म थी और इस फिल्म को सेंसर की तरफ से दो घंटे बयालीस मिनट का रनिंग टाइम मिला हुआ है और यहाँ पर 10 बाय 5.4 की रेटिंग भी मिली हुई है गूगल के ऊपर और यहाँ पर बात करें डायरेक्टर की तो डायरेक्ट किया है फिल्म को त्रिविक्रम श्रीनिवास ने इससे पहले वो काफ़ी कमाल की सुपरहिट ब्लॉक बस्टर फिल्में भी बना चुके हैं और यहाँ पर उन्होंने इससे पहले जो कि सन ऑफ सत्यमूर्ति और यहाँ पर जो कि अल्लो अर्जुन के साथ आला फुंतम और भी काफ़ी सारी मूवीज़ जो बना चुके हैं और यहाँ पर उनकी ये फिल्म जो आई है ना गुंटूर कारम लेकिन इसकी जो स्टोरी थी ना उतनी कुछ खास ना होने की वजह से यह फिल्म जो कि बॉक्सेस पर एक हिट भी जो कि एवरेज बिरो हिट रही और यह फिल्म बॉक्सेस पर इतनी जो कि सही तरह से हिट भी नहीं हो पाई क्योंकि इस फिल्म की जो स्टोरी थी ना उतनी खास नहीं थी अगर यहाँ पर सुपरस्टार महेश बहू ना होते इस फिल्म में तो ये फ़िल्म बॉक्सेस पर पूरी तरह से पिट जाती और अपना बजट भी रिकवर नहीं कर पाती तो यहाँ पर इस फिल्म में काफ़ी अच्छा भी फिर भी कलेक्शन किया हुआ है ठीक ठाक स्टोरी होने की वजह से लेकिन यहाँ पर हम बात करें गुंटूर कारम 2024 इंडियन तेलगू लैंग्वेज फिल्म एक्शन ड्रामा इस फिल्म का जोना था और डायरेक्टर राइट किया था इस फिल्म की स्टोरी तो त्रिविक्रम श्रीनिवास ने और फिल्म को जो कि राधा कृष्णा ने प्रोड्यूस किया हुआ है और यहाँ पर हारिका हास ने क्रिएशंस के थ्रू और यहाँ पर महेश बाबू एंटरटेनमेंट के थ्रू और यहाँ पर श्रीला इस फिल्म में कास्ट में देखने देखेंगे उन्हें सुपरस्टार महेश बाबू मीनाक्षी चौधरी प्रकाश राज राजमणन है एंड जयराम है जगपति बाबू सुनील और रमेश भी काफ़ी सारी जो कि कास्ट स्पोर्टिंग रोल में भी देखने को मिल जाती है तो यहाँ पर सिनमोटोग्राफी की बात करें तो मनोज पारासाम हाँ जो कि नए इस फिल्म की जो कि नोटोग्राफी की हुई है ऑडिट किया है फिल्म को नवीन नोली ने और म्यूजिक दिया था मनस ने और यहाँ पर इस फिल्म की जो प्रोडक्शन कंपनी है हारिका है हंसने क्रेशन है और यहाँ पर फिल्म को रिलीज़ करवाया गया था बारह जनवरी टू में और ये जो, जो कि संक्रांति ट्वेंटी में रिलीज़ की गई थी और इस टाइम पर काफी सारी मूवीज भी क्लैश हुई थी इसके साथ लेकिन ये फिल्म महेश बाबू की होने की वजह से फिर भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन कर गई फिल्म का जो बजट था दो करोड़ था फिल्म ने एक करोड़ का कलेक्शन किया और ये फिल्म बॉक्स पर एक फ्लॉप फिल्म रही he <laughs> जी हाँ बॉक्स पर फ्लॉप हो चुकी है और यहाँ पर बात करें इस फिल्म के बारे में दो तो हज़ार इक्कीस मई में, में इस फिल्म को अनाउंस किया गया था और यहाँ पर इस टाइम पे इस मूवी का जो टाइटल था ना वो टाइटल अनाउंस नहीं किया गया था एस एस एम बी ट्वेंटी एट के नाम से अनाउंस हुई थी और एक फ़िल्म बन रही है कि अनाउंस किया गया था वो फिल्म बनेगी जो कि त्रिविक्रम श्रीनिवास के साथ और उसमें जो कि महेश बाबू देखने को मिलेंगे तो ये अनाउंस होने के बाद इस फिल्म की जो शूटिंग वगैरह स्टार्ट हुई थी सेप्टेम्बर टू में और इस फिल्म की जो शूटिंग वगैरह हैदराबाद और भी काफ़ी सारी जो कि चीज़ें जगहों पे इस फिल्म की शूटिंग वगैरह की गई और गुंटूर जो गांव है ना वहाँ पे भी इस फिल्म की शूटिंग वगैरह की गई और फिल्म की जो शूटिंग वगैरह दिसंबर 23 में इस फिल्म की जो शूटिंग थी वो पूरी तरह से रैपअप करवाई गई थी और फिल्म की जो एडिटिंग वगैरह का काम कंप्लीट करवा लिया गया और फिल्म को फाइनली बारह जैन टू में थिएटर में रिलीज़ करवा लिया गया था तो ऑडियंस को इस फिल्म को जो कि मिक्स रिव्यूज मिले और क्रिटिक्स की तरफ से भी और यहाँ पर त्रिविक्रम तो विक्रम श्रीनिवास की डायरेक्शन के ऊपर बातचीत की जाए कि क्योंकि उन्होंने इस फिल्म की जो स्टोरी थी ना वो अच्छी नहीं रखी और साथ ही डायरेक्शन भी उनकी इतनी जो कि खास नहीं लग रही थी लेकिन इस फिल्म के अंदर महेश बाबू ने एक्टिंग काफ़ी अच्छी की हुई थी जैसे पुराने अवतार में देखने को मिलते हैं एक्शन अवतार में तो वो काफ़ी अच्छे इस फिल्म के अंदर एक्टिंग करते हुए दिखाई दिए हैं तो बात करें फिर से कास्ट की तो कास्ट में हमें देखने को मिले हैं महेश बाबू इस फिल्म के अंदर जो कि वीरा वेंकट का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ

बाबू फिल्म के अंदर बाबू का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर सुनील डोगा के अंदर गोपाल का नाम रोल प्ले कर रहे हैं गोपाल के नाम से और यहाँ पर मुरली शर्मा के अंदर बसवा राजू जो रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर उनका नाम होता है पानी और एक वकील होते हैं फिल्म के अंदर राहुल रविंद्रा है फिल्म के अंदर जो कि वायरा राजा गोपाल का रोल प्ले कर और यहां पर अजय फिल्म के अंदर गैलेटन बाजी ई का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर वनैला किशोर हैं और यहाँ पर वो बबलू का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर पानी के असिस्टेंट हैं और यहाँ पर ऐश्वर्य राव इस फिल्म के अंदर बुज्जी का रोल प्ले कर रही है और यहाँ पर अजय घोष फिल्म के अंदर हरिदास का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पे रविशंकर कट्टा मधु का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर अपोजिशन लीडर हैं और ब्रह्मा जी फिल्म के अंदर सीआई आदि आदि नारायण का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर रघु फिल्म के अंदर रंग रंगाम का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर मधुशन राव इस फिल्म के अंदर फेक हरिदास का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर पामिसाई इस फिल्म के अंदर याकूब का रोल प्ले कर रहे हैं और भी काफ़ी सारी जो कास्ट है इस फिल्म के अंदर अपना सपोर्टिंग रोल प्ले करती हुई दिखाई दी है यहाँ पर चमक चंद्रा भी कांस्टेबल का रोल प्ले कर रहे हैं जिनका नाम मोहम्मद होता है और यहाँ पर पूना इस फिल्म के अंदर जो कि स्पेशल रोल में हमें देखने को मिली है गेस्ट अपीरियंस में और यहाँ पर रामूला जो सॉन्ग था ना उसके अंदर जो कि कुर्ती मथ मथा पेटी जो सॉन्ग था ना उसमें जो कि कैमियो में देखने को मिली थी तो ये सारी कास्ट थी जो अपना अपना इस के अंदर रोल प्ले कर रही थी तो यहाँ पर सुपर स्टार मैच भवी की एक्टिंग काफ़ी अच्छी थी और उनका जो पुराना स्वैग होता है एक्शन वाला वो हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिला और यहाँ पर बात करें आगे इसम की जो के बारे में तो यहाँ पर इस फिल्म के सॉन्ग्स वगैरह की बात करें तो इस फिल्म के सारे सॉन्ग्स वगैरह ऑडियो वीडियो फॉर्मेट सारे के आप जो कि म्यूज़िक वगैरह दिया था थामन एस ने और ये सारे सॉन्ग्स आपको यूट्यूब पर भी देखने को मिल जाएंगे ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में और यहाँ पर आप बात करें इस फिल्म के हिंदी के बारे में तो इस फिल्म के हिंदी राइट्स वगैरह जो कि गोल्ड मैंस ने इसके टी वी राइट्स वगैरह को ख़रीदा हुआ था लेकिन इस फिल्म को जो कि टी पर प्रीमियर तो नहीं करवाया जाने वाला लेकिन इस फिल्म को नेटफ्लिक्स के ऊपर भी जब इस फिल्म को रिलीज़ करवाया गया तो एक साथ हिंदी में भी रिलीज़ हुई थी जी हाँ दोस्तों फाइनली आपको बता दूँ ये फिल्म टेक्सविल पर अवेलेबल है अगर आप दोस्त देखना चाहो तो वहाँ पे फुल एच डी प्रेट में ऑफिशियली देख सकती हो हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी बाकी सारी साउथ लैंग्वेज में भी देखने को मिल जाएगी तो अगर आप दोस्त मैच बाबू के डाई हार्ट फैन हो उनकी मूवी यानी गुंटूर मूवी को देखना चाहते हो तो वहाँ पर आप जो नेटफ्लिक्स पर जाके ऑफिशियली देख सकती हो क्योंकि अगर आप उसने सब्सक्रिप्शन लिया हो तो फ्रीली इंजॉय कर सकते हो अगर आप उसने अभी तक इस फिल्म को जो कि नहीं देखा हो तो आपको आपने लाजमी फिल्म को एक बार ट्राई मारना है और एक बार देखना है और ओपिनियन अपना वो जो ओपिनियन है ना कमेंट बॉक्स में बताना है अगर आप उसने ऑलरेडी को देखा हुआ है तो ये फिल्म आपको कैसी लगी और यहां पर महेश बाबू की एक्टिंग कैसी लगी और यहां पर ये स्टोरी लाइन थी जो ना आपको अच्छी लगी या एवरेज लगी वो भी आप आपने अपना ओपिनियन वॉस में बताना है और यहां पर आज की हमारी जो वीडियो भी अच्छी लगी हो तो लाजमी लाइक करना है और यहां पर इस फिल्म यानी गुंडू का मूवी से रिलेटेड अपडेट रहने के लिए लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करना है क्योंकि इन फिल्म से रिलेटेड जो और न्यू अपडेट्स आएंगी टी वी प्रीमियर से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स आएंगी वो इस चैनल पर मिल जाएंगे तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और फिर से आप उसको बता दूं अगर आप दोस्तों फिल्म को अभी देखना चाहते हो फुल एच डी प्रिंट फोर के प्रिंट में हिंदी में भी तो ये फिल्म आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी वहां पे आप साउथ लैंग्वेज में भी देख सकते हो हिंदी में भी देख सकते हो वेलकम बैक वीडियो तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ गंटूर कारम मूवी के बारे में जो कि सुपरस्टार महेश बाबू की फिल्म रिलीज़ जो लेटेस्ट रिलीज फिल्म है ना गुंटूर कारम ये फिल्म आपको ऑफिशियली हिंदी में कहाँ पे देखने को मिलेगी आप दोस्त कैसे देख सकते हो इस फिल्म को और अगर आप दोस्त इस वीडियो के अंदर इस फिल्म यानी गुंटूर कारम मूवी को देखने के लिए आए हैं तो आपको डिस्कलैमर में बता दो कि इस वीडियो के अंदर आपको कोई भी मूवी देखने को नहीं मिलेगी हाँ लास्ट में बताया जाएगा कि ये मूवी आपको हिंदी में कहाँ पर ऑफिशियली देखने को मिल सकती है और आप दोस्त कैसे वॉच कर सकते हो फ्रीली और साथ ही इस फिल्म का रिव्यू भी किया जाने वाला है और साथ ही फिल्म के ऊपर बजट के बारे में बात की जाने वाली है फिल्म के अन फैक्ट्स के ऊपर बातचीत की जाएगी और फिल्म की कुछ प्रॉपर डिटेलिंग के साथ इस के इंटरेस्टिंग कास्ट के ऊपर भी बातचीत की जाने वाली है अगर आप दोस्त इंटरेस्टेड हो तो अब इस वीडियो को लाइक करके लास्ट तक देखते रहना है और वीडियो को भी लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना है तो यहाँ पर हम बात करें 2024 में रिलीज़ की गई गुनटूरकारा मूवी की तो ये एक एक्शन एक ड्रामा जोनरा की फ़िल्म थी और सिमको सेंसर की तरफ से दो घंटे बयालीस मिनट का रनिंग टाइम मिला हुआ है और यहाँ पर 10 बाय फाइव पन्न फोर की रेटिंग भी मिली हुई है गूगल के ऊपर और यहाँ पर बात करें डायरेक्टर की तो डायरेक्ट किया है सिमको त्रिविक्रम श्रीनिवास ने इससे पहले वो काफ़ी कमाल की सुपरहिट हिट ब्लॉक बस्टर फिल्में भी बना चुके हैं और यहाँ पर उन्होंने इससे पहले जो कि सन ऑफ सत्यमूर्ति और यहाँ पर जो कि अल्लू अर्जुन के साथ आला विकुंतम और भी काफ़ी सारी मूवीज़ जो बना चुके हैं और यहाँ पर उनकी ये फिल्म जो आई है ना गुंटूर कारम लेकिन इसकी जो स्टोरी थी ना उतनी कुछ खास ना होने की वजह से यह फिल्म जो कि बॉक्सेस पर एक हिट भी जो कि एवरेज बिरो हिट रही और यह फिल्म बॉक्सेस पर इतनी जो कि सही तरह से हिट भी नहीं हो पाई क्योंकि फिल्म की जो स्टोरी थी ना उतनी खास नहीं थी अगर यहाँ पर सुपरस्टार महेश बहू ना होते इस फिल्म में तो ये फिल्म बॉक्स पर पूरी तरह से पिट जाती और अपना बजट भी रिकवर नहीं कर पाती तो यहाँ पर इस फिल्म ने काफ़ी अच्छा भी फिर भी कलेक्शन किया हुआ है ठीक ठाक स्टोरी होने की वजह से लेकिन यहाँ पर हम बात करें गुंटूर कारम टू इंडियन तेलुगू लैंग्वेज फिल्म एक्शन ड्रामा इस फिल्म का जोना था और डायरेक्टर राइट किया था इस फिल्म की स्टोरी तो त्रिविक्रम श्रीनिवास ने और फिल्म को जो कि राधा कृष्णा ने प्रोड्यूस किया हुआ है और यहाँ पर हारिका हास ने क्रिएशंस के थ्रू और यहाँ पर महेश बाबू

अनाउंस किया गया था वो फिल्म बनेगी जो कि त्रिविक्रम श्रीनिवास के साथ और उसमें हमें जो कि महेश बाबू देखने को मिलेंगे तो ये अनाउंस होने के बाद इस फिल्म की जो शूटिंग वगैरह स्टार्ट हुई थी सेप्टेम्बर टू में और इस फिल्म की जो शूटिंग वगैरह हैदराबाद और भी काफ़ी सारी जो कि चीज़ें जगहों पर इस फिल्म की शूटिंग वगैरह की गई और गुंटूर जो गाँव है ना वहाँ पर भी इस फिल्म की शूटिंग वगैरह की गई और फिल्म की जो शूटिंग दिसंबर ट्वेंटी में इस फिल्म की जो शूटिंग थी वो पूरी तरह से रैपअप करवाई गई थी और फिल्म की जो एडिटिंग वगैरह का काम कंप्लीट करवा लिया गया और फिल्म को फाइनली 12 जैन 2024 में थिएटर में रिलीज़ करवा लिया गया था तो ऑडियंस को इस फिल्म को जो कि मिक्स रिव्यूज़ मिले और क्रिटिक्स की तरफ से भी और यहाँ पर त्रिविक्रम तो यह विक्रम श्रीनिवास की डायरेक्शन के ऊपर बातचीत की जाए कि क्योंकि उन, इस की जो स्टोरी थी ना वो अच्छी नहीं रखी और साथ ही डायरेक्शन भी उनकी इतनी जो कि ख़ास नहीं लग रही थी लेकिन इस फिल्म के अंदर महेश बाबू ने एक्टिंग काफ़ी अच्छी की हुई थी जैसे पुराने अवतार में देखने को मिलते हैं एक्शन अवतार में तो वो काफ़ी अच्छे इस फिल्म के अंदर एक्टिंग करते हुए दिखाई दिए हैं तो बात करें फिर से कास्ट की तो कास्ट में हमें देखने को मिले हैं महेश बाबू इस फिल्म के अंदर जो कि वीरा वेंकट का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ रमना उनका नाम होता है और यहाँ पर चिल्लाय के अंदर जो कि अमूत का यानी अमू का रोल प्ले करी और यहाँ पर मीनाक्षी चौधरी इस फिल्म राजी की का रोल प्ले करी और यहाँ पर प्रकाश राज के अंदर वैरा वेंकट स्वामी का रोल प्ले करे और यहाँ पर रमया कृष्णन जो कि लॉ मिनिस्टर वैरा यानी जो कि वेंकट स्वामी जी की डॉटर है और यहाँ पर वो इस फिल्म के अंदर जो कि रमणा की मदर भी होती है तो यहाँ पर जयराम की बात की जाए तो इस फिल्म के अंदर जयराम भी हैं सत्या सत्यनारायण का रोल प्ले कर रहे हैं इस फिल्म के अंदर और यहाँ पर जगपति बाबू फिल्म के अंदर डोगा मार्क्स बाबू का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर सुनील डोगा मार्ग बाबू के जो कि ब्रदर होते हैं उनका रोल प्ले कर रहा हैं और यहाँ पर राव रमेश भी हैं पक्का राजू गोपाल के नाम से फिल्म के अंदर उनका भी नाम है और वो इस फिल्म के अंदर गोपाल का नाम रोल प्ले कर रहे हैं गोपाल के नाम से और यहाँ पर मुरली शर्मा इस फिल्म के अंदर बसवा राजू जो के का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर उनका नाम होता है पानी और वो एक वकील होते हैं फिल्म के अंदर राहुल रविंद्रा इस फिल्म के अंदर जो कि वायरा राजा गोपाल का रोल प्ले कर रहे और यहाँ पर अजय इस फिल्म के अंदर गैलेटन बाजी बाजपाई का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर वनैला शोर हैं और यहाँ पर वो बबलू का रोल प्ले और यहां पर पानी के हैं और यहाँ पर ऐश्वर्य राव के अंदर बुज्जी का रोल प्ले कर रही है और यहां पर अजय घोष फिल्म के अंदर हरिदास का रोल प्ले कर रहे हैं यहां पर रविशंकर कट्टा मधु का रोल प्ले कर रहे हैं और यहां पर अपोजिशन लीडर हैं और ब्रह्मा जी फिल्म दीद के अंदर सीआई आदि नारायण का रोल प्ले कर रहे हैं यहां पर रघुबाब फिल्म के अंदर रंग रंगाम का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर मधुशन राव इस फिल्म के अंदर फेक हरिदास का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर पामिसा इस फिल्म के अंदर याकूब का रोल प्ले कर रहे हैं और भी काफ़ी सारी जो कास्ट है इस फिल्म के अंदर अपना सपोर्टिंग रोल प्ले करती हुई दिखाई दी है यहाँ पर चमक चंद्रा अभी कॉन्स्टेबल का रोल प्ले कर रहे हैं जिनका नाम मोहम्मद होता है और यहाँ पर पुना इस फिल्म के अंदर जो कि स्पेशल रोल में हमें देखने को मिली है गेस्ट अपीरियंस में और यहाँ पर रामूला जो सॉन्ग था ना उसके अंदर जो कि कुर्ती मथ मथा पेटी जो सॉन्ग था ना उसमें जो कि कैप में देखने को मिली थी तो ये सारी कास्ट थी जो अपना अपना इस फिल्म के अंदर रोल प्ले कर रही थी तो यहाँ पर सुपर स्टार की एक्टिंग काफ़ी अच्छी थी और उनका जो पुराना स्वैग होता है एक्शन वाला वो हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिला और यहाँ पर यह बात करें आगे फिल्म की जो के बारे में तो यहाँ पर इस फिल्म के सॉन्ग्स वगैरह की बात करें तो इस फिल्म के सारे सॉन्ग्स वगैरह ऑडियो वीडियो फॉर्मेट सारे के आप जो कि म्यूजिक वगैरह दिया था एस ने और ये सारे सॉन्ग्स आपको यूट्यूब पर भी देखने को मिल जाएंगे ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में और यहाँ पर आप बात करें इस फिल्म के हिंदी के बारे में तो इस फिल्म के हिंदी राइट्स वगैरह जो कि गोल्ड मैंस ने फिल्म के टी राइट्स को वगैरह को ख़रीदा हुआ था लेकिन इस फिल्म को जो कि टी वी पर प्रीमियर तो नहीं करवाया जाने वाला लेकिन इस फिल्म को नेटफ्लिक्स के ऊपर भी जब इस फिल्म को रिलीज़ करवाया गया तो एक साथ हिंदी में भी रिलीज़ हुई थी जी हाँ दोस्तों फाइनली आपको बता दूँ ये फिल्म नेट्स फिले पर अवेलेबल है अगर आप दोस्त देखना चाहो तो वहाँ पे फुल एच डी प्रिंट में ऑफिशियली देख सकती हो हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी बाकी सारी साउथ लैंग्वेज में भी देखने को मिल जाएगी तो अगर आप दोस्त मैच बाबू के डाई हार्ट फैन हो उनकी मूवी यानी गुंटूर मूवी को देखना चाहते हो तो वहाँ पर आप जो नेटफ्लिक्स पर जाकर ऑफिशियली देख सकती हो क्योंकि अगर आप उसने सब्सक्रिप्शन लिया हो तो फ्रीली इंजॉय कर सकते हो अगर आप उसने अभी तक इस फिल्म को जो कि नहीं देखा हुआ तो आपको आपने लाजमी फिल्म को एक बार ट्राई मारना है और एक बार देखना है और ओपिनियन अपना वो ओपिनियन है ना कमेंट बॉक्स में बताना है अगर आप उसने ऑलरेडी फिल्म को देखा हुआ है तो ये फिल्म आपको कैसी लगी और यहां पर महेश बाबू की एक्टिंग कैसी लगी और यहां पर ये यह स्टोरी लाइन थी जो ना आपको अच्छी लगी या एवरेज लगी वो भी आप आपने अपना ओपिनियन में बताना है और यहां पर आज की हमारी जो वीडियो भी अच्छी लगी हो तो लाजमी लाइक करना है और यहां पर इस फिल्म यानी गुंटूर का मूवी से रिलेटेड अपडेट रहने के लिए लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करना है क्योंकि इन से रिलेटेड जो और न्यू अपडेट्स आएंगी टीवी प्रीमियर से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स आएंगी वो चैनल पर मिल जाएंगी तो लाजी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और फिर से आप उसको बता दूँ अगर आप दोस्ती फिल्म को अभी देखना चाहते हो एच डी प्रिंट फोर के प्रिंट में हिंदी में भी तो ये फिल्म आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी वहां पे आप दो साउथ लैंग्वेज में भी देख सकते हो हिंदी में भी देख सकते हो वेलकम बैक दर वीडियो तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ गंटूर कारम वुई के बारे में जो कि सुपरस्टार स्टार महेश भावी की फिल्म रिलीज़ जो लेटेस्ट रिलीज़ फिल्म है ना गुंटूर कारम ये फिल्म आपको ऑफि हिंदी में कहाँ पे देखने को मिलेगी आप दोस्त कैसे देख सकते हो इस फिल्म को और अगर आप दोस्त इस वीडियो के अंदर इस फिल्म यानी गुंटूर कारम वुई को देखने के लिए आए हैं तो आपको डिस्कलैमर में बता दो कि इस वीडियो के अंदर आपको कोई भी मूवी देखने को नहीं मिलेगी हाँ लास्ट में बताया जाएगा कि ये मूवी आपको हिंदी में कहाँ पर ऑफिशियली देखने को मिल सकती है और आप दोस्त कैसे वॉच कर सकते हो फ्रीली और साथ ही इस फिल्म का रिव्यू भी किया जाने वाला है और साथ ही फिल्म के ऊपर तो बजट के बारे में बात की जाने वाली तो 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 देख 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 है फिल्म के अन फैक्ट्स के ऊपर बात की जाएगी और फिल्म की कुछ प्रॉपर डिटेलिंग के साथ इस की इंटरेस्टिंग कास्ट के ऊपर भी बातचीत की जाने वाली है अगर आप दोस्त इंटरेस्टेड हो तो अब इस वीडियो को लाइक करके लास्ट तक देखते रहना है और वीडियो को भी लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना है तो यहाँ पर हम बात करें 2024 में रिलीज़ की गई गुनटूर कारा मूवी की तो ये एक एक्शन एक ड्रामा जोनरा की फिल्म थी और इस फिल्म को सेंसर की तरफ से दो घंटे बयालीस मिनट का रनिंग टाइम मिला हुआ है और यहाँ पर 10 बाय 5.4 की रेटिंग भी मिली हुई है गूगल के ऊपर और यहाँ पर बात करें डायरेक्टर की तो डायरेक्ट किया है फिल्म को त्रिविक्रम श्रीनिवास ने इससे पहले वो काफ़ी कमाल की सुपरहिट ब्लॉक बस्टर फिल्में भी बना चुके हैं और यहाँ पर उन्होंने इससे पहले जो कि सन ऑफ सत्यमूर्ति और यहाँ पर जो कि अल्लो अर्जुन के साथ आला फुंतम और भी काफ़ी सारी मूवीज़ जो बना चुके हैं और यहाँ पर उनकी ये फिल्म जो आई है ना गुंटूर कारम लेकिन इसकी जो स्टोरी थी ना उतनी कुछ खास ना होने की वजह से यह फिल्म जो कि बॉक्सेस पर एक हिट भी जो कि एवरेज बिरो हिट रही और यह फिल्म बॉक्सेस पर इतनी जो कि सही तरह से हिट भी नहीं हो पाई क्योंकि इस फिल्म की जो स्टोरी थी ना उतनी खास नहीं थी अगर यहाँ पर सुपरस्टार महेश बहू ना होते इस फिल्म में तो ये फिल्म बॉक्स पर पूरी तरह से पिट जाती और अपना बजट भी रिकवर नहीं कर पाती तो यहाँ पर इस फिल्म ने काफ़ी अच्छा भी फिर भी कलेक्शन किया हुआ है ठीक ठाक स्टोरी होने की वजह से लेकिन यहाँ पर हम बात करें गुंटूर कारम हम टू इंडियन तेलगु लैंग्वेज फिल्म एक्शन ड्रामा इस फिल्म का जोना था और डायरेक्टर राइट किया था इस फिल्म की स्टोरी तो त्रिविक्रम श्रीनिवास ने और फिल्म को जो कि राधा कृष्णा ने प्रोड्यूस किया हुआ है और यहाँ पर हारिका हास ने क्रिएशन के थ्रू और यहाँ पर महेश बाबू के थ्रू तो और यहाँ पर श्रीला इस फिल्म में कास्ट में देखेंगे सुपर स्टार महेश मीनाक्षी चौधरी है प्रकाश राज है जगपति बाबू सुनील और, और भी काफी सारी जो कि कास्ट स्पोर्टिंग रोल में भी देखने को मिल जाती है तो यहाँ पर सिनेटोग्राफी की बात करें तो मनोज पारासाम जो नए फिल्म की जो कि सीनेटोग्राफी की हुई है ऑडिट किया है फिल्म को नवीन नौली ने और म्यूजिक दिया था मनस ने और यहाँ पर इस फिल्म की जो प्रोडक्शन कंपनी है हारिका एंड हसने कलेशन है और यहाँ पर फिल्म को रिलीज करवाया गया था बारह जनवरी टू में और ये जो और 2024 में रिलीज की गई थी और पे काफी सारी मूवीज भी क्लैश हुई थी इसके साथ लेकिन ये फिल्म महेश बाबू की होने की वजह से फिर भी काफी अच्छा कलेक्शन कर गई फिल्म का जो बजट था दो करोड़ था इस फिल्म ने एक करोड़ का कलेक्शन किया और ये फिल्म पे एक फ्लॉप फिल्म रही जहाँ से बॉक्स पर फ्लॉप हो चुकी है और यहाँ पर बात करें फिल्म के बारे में दो तो हज़ार मई में इस फिल्म को अनाउंस किया गया था और यहाँ पर इस टाइम पे इस मूवी का जो टाइटल था ना वो टाइटल अनाउंस नहीं किया गया था एस एस एम बी ट्वेंटी एट के नाम से अनाउंस हुई थी और एक फिल्म बन रही है कि अनाउंस किया गया था वो फिल्म बनेगी जो कि त्रिविक्रम श्रीनिवास के साथ और उसमें हमें चूँकि महेश बाबू देखने को मिलेंगे तो ये अनाउंस होने के बाद इस फिल्म की जो शूटिंग वगैरह स्टार्ट हुई थी सेप्टेम्बर टू में और इस फिल्म की जो शूटिंग वगैरह हैदराबाद में और भी काफ़ी सारी जो कि चीज़ें जगहों पे इस फिल्म की शूटिंग वगैरह की गई और गुंटूर जो गांव है ना वहाँ पे भी इस फिल्म की शूटिंग वगैरह की गई और फिल्म की जो शूटिंग वगैरह दिसंबर 23 में इस फिल्म की जो शूटिंग थी वो पूरी तरह से रैपअप करवाई गई थी और फिल्म की जो एडिटिंग वगैरह का काम कंप्लीट करवा लिया गया और फिल्म को फाइनली बारह जैन टू में थिएटर में रिलीज़ करवा लिया गया था तो ऑडियंस को इस फिल्म को जो कि मिक्स रिव्यूज मिले और क्रिटिक्स की तरफ से भी और यहाँ पर त्रिविक्रम तो विक्रम श्रीनिवास की डायरेक्शन के ऊपर बातचीत की जाए कि क्योंकि उन्होंने इस फिल्म की जो स्टोरी थी ना वो अच्छी नहीं रखी और साथ ही डायरेक्शन भी उनकी इतनी जो कि ख़ास नहीं लग रही थी लेकिन इस फिल्म के अंदर महेश बाबू ने एक्टिंग काफ़ी अच्छी की हुई थी जैसे पुराने अवतार में देखने को मिलते हैं एक्शन अवतार में तो वो काफ़ी अच्छे इस फिल्म के अंदर एक्टिंग करते हुए दिखाई दिए हैं तो बात करें फिर से कास्ट की तो कास्ट में हमें देखने को मिले हैं महेश बाबू इस फिल्म के अंदर जो कि वीरा वेंकट का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ

बाबू फिल्म के अंदर डोगा मार्क्स का बाबू का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर सुनील मार्क्स बाबू के जो कि ब्रदर होते हैं 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 उनका रोल प्ले कर रहे पर रमेश भी पक्का राजू गोपाल के के नाम से फिल्म अंदर उनका भी नाम है और वो इस फिल्म के अंदर गोपाल का नाम रोल प्ले कर रहे हैं गोपाल के नाम से और यहाँ पर मुरली शर्मा इस फिल्म के अंदर बसवा राजू जो के का रोल प्ले कर रहे हैं और यहां पर उनका नाम होता है पानी और वो एक वकील होते हैं फिल्म है, के अंदर राहुल रविंद्रा इस फिल्म के अंदर जो कि वायरा राजा गोपाल का रोल प्ले कर और यहां पर अजय फिल्म के अंदर गैलेटन बाजी वाजपाई का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर वनेला किशोर हैं और यहाँ पर वो बबलू का रोल प्ले कर रहे हैं तो और यहाँ पर पानी के असिस्टेंट हैं और यहाँ पर ऐश्वर्य राव इस फिल्म के अंदर बुज्जी का रोल प्ले कर रही है और यहाँ पर अजय घोष फिल्म के अंदर हरिदास का रोल प्ले तो 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 कर रहे हैं यहाँ पे रविशंकर कट्टा मधु का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर अपोजिशन लीडर हैं और ब्रह्मा जी फिल्म के अंदर सी आई आदि आदि नारायण का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर रघु बाब इस फिल्म के अंदर रंग आ, रंगाम का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर मधुशन राव इस फिल्म के अंदर फेक हरिदास का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर पामिसाई इस फिल्म के अंदर याकूब का रोल प्ले कर रहे हैं और भी काफ़ी सारी जो कास्ट है इस फिल्म के अंदर अपना सपोर्टिंग रोल प्ले करती हुई दिखाई दी है यहाँ पर चमक चंद्रा भी कॉन्स्टेबल का रोल प्ले कर रहे हैं जिनका नाम मोहम्मद होता है और यहाँ पर पूना इस फिल्म के अंदर जो कि स्पेशल रोल में हमें देखने को मिली है गेस्ट अपीरियंस में और यहाँ पर रामूला जो सॉन्ग था ना उसके अंदर जो कि कुर्ती मथ माथा पेटी जो सॉन्ग था ना उसमें जो कि कैमियो में देखने को मिली थी तो ये सारी कास्ट थी जो अपना अपना इस फिल्म के अंदर रोल प्ले कर रही थी तो यहाँ पर सुपर स्टार मैच भाभी की एक्टिंग काफ़ी अच्छी थी और उनका जो पुराना स्वैग होता है एक्शन वाला वो हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिला और यहाँ पर यह बात करें आगे फिल्म की जो के बारे में तो यहाँ पर इस फिल्म के सॉन्ग्स वगैरह की बात करें तो इस फिल्म के सारे सॉन्ग्स वगैरह ऑडियो वीडियो फॉर्मेट सारे के आप जो कि म्यूज़िक वगैरह दिया था थामन एस ने और ये सारे सॉन्ग्स आपको यूट्यूब पर भी देखने को मिल जाएंगे ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में और यहाँ पर आप बात करें इस फिल्म के हिंदी के बारे में तो इस फिल्म के हिंदी राइट्स वगैरह जो कि गोल्ड मैंस ने इसके टी वी राइट्स को वगैरह को ख़रीदा हुआ था लेकिन इस फिल्म को जो कि टी पर प्रीमियर तो नहीं करवाया जाने वाला लेकिन इस फिल्म को नेटफ्लिक्स के ऊपर भी जब इस फिल्म को रिलीज़ करवाया गया तो एक साथ हिंदी में भी रिलीज़ हुई थी जी हाँ दोस्तों फाइनली आपको बता दूँ ये फिल्म पर अवेलेबल है अगर आप दोस्त देखना चाहो तो वहाँ पे फुल एच डी प्रेन्ट में ऑफिशियली देख सकती हो हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी बाकी सारी साउथ लैंग्वेज में भी देखने को मिल जाएगी तो अगर आप दोस्त मैच बाबू के डाई हार्ट फैन हो उनकी मूवी यानी गुंटूर मूवी को देखना चाहते हो तो वहाँ पर आप जो नेटफ्लिक्स पर जाकर ऑफिशियली देख सकती हो क्योंकि अगर आप उसने सब्सक्रिप्शन लिया हो तो फ्रीली इंजॉय कर सकते हो अगर आप उसने अभी तक इस फिल्म को जो कि नहीं देखा हो तो आपको अपने लाजमी फिल्म को एक बार ट्राई के मारना है और एक बार देखना है और ओपिनियन अपना वो जो ओपिनियन है ना कमेंट बॉक्स में बताना है अगर आप उसने ऑलरेडी को देखा हुआ है तो यह फिल्म आपको कैसी लगी और यहां पर महेश बाबू की एक्टिंग कैसी लगी और यहां पर यह स्टोरी लाइन थी जो ना आपको अच्छी लगी या एवरेज लगी वो भी आप उसने अपना ओपिनियन कन्बॉस में बताना है और यहां पर आज की हमारी जो वीडियो भी अच्छी लगी हो तो लाजमी लाइक करना है और यहां पर इस फिल्म यानी गुंडूर कारम मूवी से रिलेटेड अपडेट रहने के लिए लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करना है क्योंकि इन फिल्म से रिलेटेड जो और न्यू अपडेट्स आएंगी टीवी प्रीमियर से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स आएंगी वो इस चैनल पर मिल जाएंगी तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और फिर से आप उसको बता दूं अगर आप दोस्ती फिल्म को अभी देखना चाहते हो फुल के प्रिंट में हिंदी में भी तो यह फिल्म आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी वहां पे आप दो सिंह को साउथ लैंग्वेज में भी देख सकते हो हिंदी में भी देख सकते हो वेलकम बैक दी एन अदर वीडियो तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ गुंटूर कारम वूई के बारे में जो कि सुपरस्टार स्टार महेश भाई की फिल्म रिलीज़ जो लेटेस्ट रिलीज फिल्म है ना गुंटूर कारम ये फिल्म आपको ऑफिशियली हिंदी में कहाँ पे देखने को मिलेगी आप दोस्त कैसे देख सकते हो इस फिल्म को और अगर आप दोस्त इस वीडियो के अंदर इस फिल्म यानी गुंटूर कारम मूवी को देखने के लिए आए हैं तो आपको डिस्क्लेमर में बता दो कि इस वीडियो के अंदर आपको कोई भी मूवी देखने को नहीं मिलेगी हाँ लास्ट में बताया जाएगा कि ये मूवी आपको हिंदी में कहाँ पर ऑफिशियली देखने को सकती है और आप दोस्त कैसे वॉच कर सकते हो फ्रीली और साथ ही इस फिल्म का रिव्यू भी किया जाने वाला है और साथ ही फिल्म के ऊपर बजट के बारे में बात की जाने वाली है फिल्म के के फैक्ट्स ऊपर बातचीत की जाएगी और फिल्म की आ, कुछ प्रॉपर डिटेलिंग के साथ इस फिल्म की इंटरेस्टिंग कास्ट के ऊपर भी बातचीत की जाने वाली है अगर आप दोस्त इंटरेस्टेड हो तो अब इस वीडियो को लाइक करके लास्ट तक देखते रहना है और वीडियो को भी लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना है तो यहाँ पर हम बात करें 2024 में रिलीज़ की गई गुनटूरकारा मूवी की तो ये एक एक्शन एक ड्रामा जोनरा की फ़िल्म थी और इस को सेंसर की तरफ से दो घंटे बयालीस मिनट का रनिंग टाइम मिला हुआ है और यहाँ पर 10 बाय 5.4 की रेटिंग भी मिली हुई है गूगल के ऊपर और यहाँ पर बात करें डायरेक्टर की तो डायरेक्ट किया है सिमको त्रिविक्रम श्रीनिवास ने इससे पहले वो काफ़ी कमाल की सुपरहिट हिट ब्लॉक, ब्लॉक बस्टर फिल्में भी बना चुके हैं और यहाँ पर उन्होंने इससे पहले जो कि सन ऑफ सत्यमूर्ति और यहाँ पर जो कि अल्लू अर्जुन के साथ आला विकुन्तम और भी काफ़ी सारी मूवीज़ बना चुके हैं और यहाँ पर उनकी ये फिल्म जो आई है ना गुंटूर कारम लेकिन इसकी जो स्टोरी थी ना उतनी कुछ ख़ास ना होने की वजह से ये फिल्म जो कि बॉक्सेस पर एक हिट भी जो कि एवरेज बिरो हिट रही और ये फिल्म बॉक्सेस पर इतनी जो कि सही तरह से हिट भी नहीं हो पाई क्योंकि की जो स्टोरी थी ना उतनी ख़ास नहीं थी अगर यहाँ पर सुपरस्टार महेश बहू ना होते इस फिल्म में तो ये फिल्म बॉक्सेस पर पूरी तरह से पिट जाती और अपना बजट भी रिकवर नहीं कर पाती तो यहाँ पर इस फिल्म ने काफ़ी अच्छा भी फिर भी कलेक्शन किया हुआ है ठीक ठाक स्टोरी होने की वजह से लेकिन यहाँ पर हम बात करें गुंटूर कारम टू इंडियन तेलुगू लैंग्वेज फिल्म एक्शन ड्रामा इस फिल्म का जोना था और डायरेक्टर राइट किया था इस फिल्म की स्टोरी तो त्रिविक्रम श्रीनवास ने और फिल्म को जो कि राधा कृष्णा ने प्रोड्यूस किया हुआ है और यहाँ पर हारिका हास ने क्रिएशंस के थ्रू और यहाँ पर महेश बाबू के थ्रू और यहाँ पर श्रीला में कास्ट में देखने को सुपर स्टार महेश मीनाक्षी चौधरी है प्रकाश राजमणन एं है एंड जयराम है जगपति बाबू सुनील और रमेश भी काफी सारी जो कि कास्ट स्पोर्टिंग रोल में भी देखने को मिल जाती है तो यहाँ पर सीनेटोग्राफी की बात करें तो मनोज पारासाम हाँ जो कि नए इसम की जो कि सनेटोग्राफी की हुई है ऑडिट किया इसम को नवीन नौली ने और म्यूजिक दिया था मनस ने और यहाँ पर इस फिल्म की जो प्रोडक्शन कंपनी है हारिका है हसने कलेक्शन है और यहाँ पर इस फिल्म को रिलीज़ करवाया गया था 12 जनवरी 2024 में और ये जो, जो कि संक्रांति 2024 में रिलीज़ की गई थी और इस टाइम पे काफ़ी सारी मूवीज़ भी क्लैश हुई थी इसके साथ लेकिन ये फिल्म महेश बाबू की होने की वजह से फिर भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन कर गई इस फिल्म का जो बजट था दो करोड़ था इस फिल्म ने एक करोड़ का कलेक्शन किया और ये फिल्म बॉक्सिस पर एक फ्लॉप फिल्म रही जहाँ से बॉक्स पर फ्लॉप हो चुकी है और यहाँ पर बात करें फिल्म के बारे में दो हज़ार इक्कीस मई में इस फिल्म को अनाउंस किया गया था और यहाँ पर इस टाइम पे इस मूवी का जो टाइटल था ना वो टाइटल अनाउंस नहीं किया गया था एस एस एम बी ट्वेंटी एट के नाम से अनाउंस हुई थी और एक फिल्म बन रही है कि अनाउंस किया गया था वो फिल्म बनेगी जो कि त्रिविक्रम श्रीनिवास के साथ और उसमें हमें चूँकि महेश बाबू देखने को मिलेंगे तो ये अनाउंस होने के बाद इस फिल्म की जो शूटिंग वगैरह स्टार्ट हुई थी सेप्टेम्बर टू में और इस फिल्म की जो शूटिंग वगैरह हैदराबाद और भी काफ़ी सारी जो कि चीज़ें जगहों पे इस फिल्म की शूटिंग वगैरह की गई और गुंटूर जो गांव है ना वहाँ पे भी इस फिल्म की शूटिंग वगैरह की गई और फिल्म की जो शूटिंग दिसंबर 23 में इस फिल्म की जो शूटिंग थी वो पूरी तरह से रैप अप करवाई गई थी और फिल्म की जो एडिटिंग वगैरह का काम का कंप्लीट करवा लिया गया और फिल्म को फाइनली बारह जैन टू में थिएटर में रिलीज़ करवा लिया गया था तो ऑडियंस को इस फिल्म को जो कि मिक्स रिव्यूज़ मिले और क्रिटिक्स की तरफ से भी और यहाँ पर त्रिविक्रम विक्रम श्रीनिवास की डायरेक्शन के ऊपर बातचीत की जाए कि क्योंकि उन उन्होंने इस फिल्म की जो स्टोरी थी ना वो अच्छी नहीं रखी और साथ ही डायरेक्शन भी उनकी इतनी जो कि ख़ास नहीं लग रही थी लेकिन इस फिल्म के अंदर महेश बाबू ने एक्टिंग काफ़ी अच्छी की हुई थी जैसे पुराने अवतार में देखने को मिलते हैं एक्शन अवतार में तो वो काफ़ी अच्छे इस फिल्म के अंदर एक्टिंग करते हुए दिखाई दिए हैं तो बात करें फिर से कास्ट की तो कास्ट में हमें देखने को मिले हैं महेश बाबू इस फिल्म के अंदर जो कि वीरा वेंकट का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ रमना उनका नाम होता है और यहाँ पर शिला इस फिल्म के अंदर जो कि अमुत का यानी अमू का रोल प्ले करी और यहाँ पर मीनाक्षी चौधरी इस फिल्म कर राजीगी का रोल प्ले करी और यहाँ पर प्रकाश राज इस फिल्म के अंदर वैरा वेंकट स्वामी का रोल प्ले करें और यहाँ पर रमया कृष्णन जो कि लॉ मिनिस्टर वैरा यानी जो कि वेंकट स्वामी जी की डॉटर है और यहाँ पर वो इस फिल्म के अंदर जो कि रमना की मदर भी होती है तो यहाँ पर जयराम की बात की जाए तो इस फिल्म के अंदर जयराम भी हैं सत्या सत्यनारायण का रोल प्ले कर रहे हैं फिल्म के अंदर और यहाँ पर जगपति बाबू फिल्म के अंदर डोगा मार्क्स का बाबू का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर सुनील डोगा मार्क्स बाबू के जो कि ब्रदर होते हैं उनका रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर राव रमेश भी हैं पक्का राजू गोपाल के नाम से फिल्म के अंदर उनका भी नाम है और वो इस फिल्म के अंदर गोपाल का नाम रोल प्ले कर रहे हैं गोपाल के नाम से और यहाँ पर मुरली शर्मा इस फिल्म के अंदर बसवा राजू जो के का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर उनका नाम होता है पानी और वो एक वकील होते हैं फिल्म के अंदर राहुल रविंद्रा इस फिल्म के अंदर जो कि वायरा राजा गोपाल का रोल प्ले करें और यहाँ पर अजय फिल्म के अंदर गैलेटन बाजी वाजपेई का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर वनैला कोर हैं और यहाँ पर वो बबलू का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर पानी के असिस्टेंट हैं और यहाँ पर ऐश्वर्य राव इस फिल्म के अंदर बुज्जी का रोल प्ले कर रही है और यहाँ पर अजय घोष फिल्म के अंदर हरिदास का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पे रविशंकर कट्टा मधु का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर अपोजिशन लीडर हैं और ब्रह्मा जी फिल्म के अंदर सी आई आदि नारायण का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर रघुबाब इस फिल्म के अंदर रंग रंगाम का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर मधुशन राव इस फिल्म के अंदर फेक हारी का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर पामिसा इस फिल्म के अंदर याकूब का रोल प्ले कर रहे हैं और भी काफ़ी सारी जो कास्ट है इस फिल्म के अंदर अपना सपोर्टिंग रोल प्ले करती हुई दिखाई दी है यहाँ पर चमक चंद्रा भी कॉन्स्टेबल का रोल प्ले कर रहे हैं जिनका नाम मोहम्मद होता है और यहाँ पर पुना इस फिल्म के अंदर जो कि स्पेशल रोल में हमें देखने को मिली है गेस्ट अपीरियंस में और यहाँ पर रामूला जो सॉन्ग था ना उसके अंदर जो कि कुर्ती मथ माथा पेटी जो सॉन्ग था ना उसमें जो कि कैमियो में देखने को मिली थी तो ये सारी कास्ट थी जो अपना अपना फिल्म के अंदर रोल प्ले कर रही थी तो यहाँ पर सुपर स्टार मैच की एक्टिंग काफ़ी अच्छी थी और उनका जो पुराना स्वैग होता है एक्शन वाला वो हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिला और यहाँ पर बात करें आगे फिल्म की जो के बारे में तो यहाँ पर इस फिल्म के सॉन्ग्स वगैरह की बात करें तो इस फिल्म के सारे सॉन्ग्स वगैरह ऑडियो वीडियो फॉर्मेट सारे के आप जो कि म्यूज़िक वगैरह दिया था एस ने और ये सारे सॉन्ग्स आपको यूट्यूब पर भी देखने को मिल जाएंगे ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में और यहाँ पर आप बात करें इस फिल्म के हिंदी के बारे में तो इस फिल्म के हिंदी राइट्स वगैरह जो कि गोल्ड मैंस ने फिल्म के टी राइट्स वगैरह को, को ख़रीदा हुआ था लेकिन इस फिल्म को जो कि टी वी पर प्रीमियर तो नहीं करवाया जाने वाला लेकिन इस फिल्म को नेटफ्लिक्स के ऊपर भी जब इस फिल्म को रिलीज़ करवाया गया तो एक साथ हिंदी में भी रिलीज़ हुई थी जी हाँ दोस्तों फाइनली आपको बता दूँ ये फिल्म नेक्सिल पर अवेलेबल है अगर आप दोस्त देखना चाहो तो वहाँ पे फुल एच डी प्रिंट में ऑफिशियली देख सकती हो हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी बाकी सारी साउथ लैंग्वेज में भी देखने को मिल जाएगी तो अगर आप दोस्त मैच बाबू के डाई हार्ट फैन हो उनकी मूवी यानी गुंटूर मूवी को देखना चाहते हो तो वहाँ पर आप जो नेटफ्लिक्स पर जाकर ऑफिशियली देख सकती हो क्योंकि अगर आप उसने सब्सक्रिप्शन लिया हो तो फ्रीली इंजॉय कर सकते हो अगर आप उसने अभी तक इस फिल्म को जो कि नहीं देखा हुआ तो आपको आपने लाजमी फिल्म को एक बार ट्राई के मारना है और एक बार देखना है और ओपिनियन अपना वो ओपिनियन है ना कमेंट बॉक्स में बताना है अगर आप उसने ऑलरेडी फिल्म को देखा हुआ है तो ये फिल्म आपको कैसी लगी और यहां पर महेश बाबू की एक्टिंग कैसी लगी और यहां पर ये स्टोरी लाइन थी जो ना आपको अच्छी लगी या एवरेज लगी वो भी आप आपने अपना ओपिनियन में बताना है और यहां पर आज की हमारी जो वीडियो भी अच्छी लगी हो तो लाजमी लाइक करना है और यहां पर इस फिल्म यानी गुंटूर का मूवी से रिलेटेड अपडेट रहने के लिए लाजी चैनल को सब्सक्राइब करना है क्योंकि इन से रिलेटेड जो और न्यू अपडेट्स आएंगी टीवी प्रीमियर से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स आएंगी वो इस चैनल पर मिल जाएंगी तो लाजी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और फिर से आप उसको बता दूँ अगर आप दोस्ती फिल्म को अभी देखना चाहते हो एच डी प्रिंट फोर के प्रिंट में हिंदी में भी तो ये फिल्म आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी वहां पे आप दो साउथ लैंग्वेज में भी देख सकते हो हिंदी में भी देख सकते हो वेलकम बैक दर वीडियो तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ गंटूर कारम मूवी के बारे में जो कि सुपरस्टार महेश भावी की फिल्म रिलीज़ जो लेटेस्ट रिलीज़ फिल्म है ना गुंटूर कारम ये फिल्म आपको ऑफिशियली हिंदी में कहाँ पे देखने को मिलेगी आप दोस्त कैसे देख सकते हो इस फिल्म को और अगर आप दोस्त इस वीडियो के अंदर इस फिल्म यानी गुंटूर कारम मूवी को देखने के लिए आए हैं तो आपको डिस्कलैमर में बता दो कि इस वीडियो के अंदर आपको कोई भी मूवी देखने को नहीं मिलेगी हाँ लास्ट में बताया जाएगा कि ये मूवी आपको हिंदी में कहाँ पर ऑफिशियली देखने को मिल सकती है और आप दोस्त कैसे वॉच कर सकते हो फ्रीली और साथ ही इस फिल्म का रिव्यू भी किया जाने वाला है और साथ ही फिल्म के ऊपर बजट के बारे में बात की जाने वाली है फिल्म के अन फैक्ट्स के ऊपर बातचीत की जाएगी और फिल्म की आ, कुछ प्रॉपर डिटेलिंग के साथ इस की इंटरेस्टिंग कास्ट के ऊपर भी बातचीत की जाने वाली है अगर आप दोस्त इंटरेस्टेड हो तो अब इस वीडियो को लाइक करके लास्ट तक देखते रहना है और वीडियो को भी लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना है तो यहाँ पर हम बात करें 2024 में रिलीज़ की गई गुनटूरकारा मूवी की तो ये एक एक्शन एक ड्रामा जोनरा की फ़िल्म थी और सिम को सेंसर की तरफ से दो घंटे बयालीस मिनट का रनिंग टाइम मिला हुआ है और यहाँ पर 10 बाई फाइव की रेटिंग भी मिली हुई है गूगल के ऊपर और यहाँ पर बात करें डायरेक्टर की तो डायरेक्ट किया है सिम को त्रिविक्रम श्रीनिवास ने इससे पहले वो काफ़ी कमाल की सुपरहिट ब्लॉक बस्टर फिल्में भी बना चुके हैं और यहाँ पर उन्होंने इससे पहले जो कि सन ऑफ़ सत्यमूर्ति और यहाँ पर जो कि अल्लो अर्जुन के साथ आला फुंतम और भी काफ़ी सारी मूवीज़ जो बना चुके हैं और यहाँ पर उनकी ये फिल्म जो आई है ना गुंटूर कारम लेकिन इसकी जो स्टोरी थी ना उतनी कुछ खास ना होने की वजह से यह फिल्म जो कि बॉक्सेस पर एक हिट भी जो कि एवरेज बिरो हिट रही और यह फिल्म बॉक्सेस पर इतनी जो कि सही तरह से हिट भी नहीं हो पाई क्योंकि इस फिल्म की जो स्टोरी थी ना उतनी खास नहीं थी अगर यहाँ पर सुपरस्टार महेश बहू ना होते इस फिल्म में तो ये फिल्म बॉक्स पर पूरी तरह से पिट जाती और अपना बजट भी रिकवर नहीं कर पाती तो यहाँ पर इस फिल्म ने काफ़ी अच्छा भी फिर भी कलेक्शन किया हुआ है ठीक ठाक स्टोरी होने की वजह से लेकिन यहाँ पर हम बात करें गुंटूर कारम हम टू इंडियन तेलुगु लैंग्वेज फिल्म एक्शन ड्रामा इस फिल्म का जोना था और डायरेक्टर राइट किया था इस फिल्म की स्टोरी तो त्रिविक्रम श्रीनिवास ने और फिल्म को जो कि राधा कृष्णा ने प्रोड्यूस किया हुआ है और यहाँ पर हारिका हास ने क्रिएशंस के थ्रू और यहाँ पर महेश बाबू

ट्वेंटी 2024 में रिलीज की गई थी और कलेक्शन कर दो सौ करोड़ था। इस ने एक सौ इकहत्तर करोड़ का कलेक्शन किया और ये फिल्म पर एक फ्लॉप फिल्म रही जहाँ से फ्लॉप हो चुकी है और यहाँ पर बात करें फिल्म के बारे में दो तो मई में फिल्म को अनाउंस किया गया था और यहाँ पर इस टाइम इस मूवी का जो टाइटल था ना वो टाइटल नहीं किया गया था एस एस एम बी ट्वेंटी एट के नाम से अनाउंस हुई थी और एक फिल्म बन रही है अनाउंस किया गया था वो फिल्म बनेगी जो कि त्रिविक्रम श्रीनिवास के साथ और उसमें में अमित महेश बाबू देखने को मिलेंगे तो ये अनाउंस होने के बाद इस फिल्म की जो शूटिंग वगैरह स्टार्ट हुई थी सेप्टेम्बर टू में और इस फिल्म की जो शूटिंग वगैरह हैदराबाद में और भी काफ़ी सारी जो कि चीज़ें हैं जगहों पर फिल्म की शूटिंग वगैरह की गई और गुंटूर जो गाँव है ना वहाँ पर भी इस फिल्म की शूटिंग वगैरह की गई और फिल्म की जो शूटिंग दिसंबर ट्वेंटी में इस फिल्म की जो शूटिंग थी वो पूरी तरह से रैपअप करवाई गई थी और फिल्म की जो एडिटिंग वगैरह का काम कंप्लीट करवा लिया गया और इस फिल्म को फाइनली 12 जैन 2024 में थिएटर में रिलीज करवा लिया गया था तो ऑडियंस को इस फिल्म को जो कि मिक्स रिव्यूज मिले और क्रिटिक्स की तरफ से भी और यहाँ पर त्रिविक्रम तो विक्रम श्रीनिवास की डायरेक्शन के ऊपर बातचीत की जाए कि क्योंकि उन्होंने इस फिल्म की जो स्टोरी थी ना वो अच्छी नहीं रखी और साथ ही डायरेक्शन भी उनकी इतनी जो कि ख़ास नहीं लग रही थी लेकिन इस फिल्म के अंदर महेश बाबू ने एक्टिंग काफ़ी अच्छी की हुई थी जैसे पुराने अवतार में देखने को मिलते हैं एक्शन अवतार में तो वो काफ़ी अच्छे इस फिल्म के अंदर एक्टिंग करते हुए दिखाई दिए हैं तो बात करें फिर से कास्ट की तो कास्ट में हमें देखने को मिले हैं महेश बाबू इस फिल्म के अंदर जो कि वीरा वेंकट का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ रमना उनका नाम होता है और यहां पर शिल्ला के अंदर जो कि अमुतगा यानी अमू का रोल प्ले करिए और यहाँ पर मीनाक्षी चौधरी इस फिल्म का की का रोल प्ले करी और यहाँ पर प्रकाश राज के अंदर वैरा वेंकट स्वामी का रोल प्ले करे और यहाँ पर रमया कृष्णन जो कि लॉ मिनिस्टर वैरा यानी जो कि वेंकट स्वामी जी, जी की डॉटर है और यहाँ पर वो इस फिल्म के अंदर जो कि रमणा की मदर भी होती है तो यहाँ पर जयराम की बात की जाए तो इस फिल्म के अंदर जयराम भी हैं सत्या सत्यनारायण का रोल प्ले कर रहे हैं इस फिल्म के अंदर और यहाँ पर जगपति बाबू फिल्म के अंदर डोगा मार्क्स बाबू का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर सुनील डोगा मार्क्स बाबू के जो के ब्रादर होते हैं उनका रोल प्ले कर रहे हो यहाँ पर राव रमेश भी हैं पक्का राजू गोपाल के नाम से फिल्म के अंदर उनका भी नाम है और वो इस फिल्म के अंदर गोपाल का नाम रोल प्ले कर रहे हैं गोपाल के नाम से और यहाँ पर मुराली शर्मा इस फिल्म के अंदर बसवा राजू जो के का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर उनका नाम होता है पानी और वो एक वकील होते हैं फिल्म के अंदर राहुल रविंद्रा इस फिल्म के अंदर जो कि वायरा राजा गोपाल का रोल प्ले कर रहे और यहाँ पर अजय फिल्म के अंदर गैलेटन बाजी बाजपाई का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर वनैला कशोर हैं और यहाँ पर वो बबलू का रोल प्ले करें हैं और यहां पर पानी के असिस्टेंट हैं और यहां पर ऐश्वर्या राव के अंदर बुज्जी का रोल प्ले कर रही है और यहां पर अजय घोष फिल्म के अंदर हरिदास का रोल प्ले कर रहे हैं यहां पर रविशंकर कट्टा मधु का रोल प्ले कर रहे हैं और यहां पर अपोजिशन लीडर हैं और ब्रह्मा जी फिल्म के अंदर सीआई आदि आधी आधी नारायण का रोल प्ले कर रहे हैं यहां पर रघुबाब फिल्म के अंदर रंग रंगाम का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर मधुशन राव इस फिल्म के अंदर फेक हरिदास का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर पामिसाई इस फिल्म के अंदर याकूब का रोल प्ले कर रहे हैं और भी काफ़ी सारी जो कास्ट है इस फिल्म के अंदर अपना सपोर्टिंग रोल प्ले करती हुई दिखाई दी है यहाँ पर चमक चंद्रा भी कॉन्स्टेबल का रोल प्ले कर रहे हैं जिनका नाम मोहम्मद होता है और यहाँ पर पुना इस फिल्म के अंदर जो कि स्पेशल रोल में हमें देखने को मिली है गेस्ट अपीरियंस में और यहाँ पर रामूला जो सॉन्ग था ना उसके अंदर जो कि कुर्ती मथ मथा पेटी जो सॉन्ग था ना उसमें जो कि कैमियो में देखने को मिली थी तो ये सारी कास्ट थी जो अपना अपना फिल्म के अंदर रोल प्ले कर रही थी तो यहाँ पर सुपर स्टार मैच भोभी की एक्टिंग काफ़ी अच्छी थी और उनका जो पुराना स्वैग होता है एक्शन वाला वो हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिला और यहाँ पर यह बात करें आगे फिल्म की जो के बारे में तो यहाँ पर इस इनके सॉन्ग्स वगैरह की बात करें तो इस इनके सारे सॉन्ग्स वगैरह ऑडियो वीडियो फॉर्मेट सारे के आप जो कि म्यूज़िक वगैरह दिया था थामन एस ने और ये सारे सॉन्ग्स आपको यूट्यूब पर भी देखने को मिल जाएंगे ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में और यहाँ पर आप बात करें इसम के हिंदी के बारे में तो इस फिल्म के हिंदी राइट्स वगैरह जो कि गोल्ड मैस ने इसम के टी वी राइट्स वगैरह को, को खरीदा हुआ था लेकिन इस फिल्म को जो कि टी पर पी तो नहीं करवाया जाने वाला लेकिन इस फिल्म को नेटफ्लिक्स के ऊपर भी जब इस इनको रिलीज़ करवाया गया तो एक साथ हिंदी में भी रिलीज़ हुई थी जी हाँ दोस्तों फाइनली आपको बता दूँ ये फिल्म नेक्स्ट फिल पर अवेलेबल है अगर आप दोस्त देखना चाहो तो वहां पे फुल एच डी प्रिंट में ऑफिशियली देख सकती हो हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी बाकी सारी साउथ लैंग्वेज में भी देखने को मिल जाएगी तो अगर आप दोस्त मैच बाबू के डाई हार्ट फैन हो उनकी मूवी यानी गुंटूर मूवी को देखना चाहते हो तो वहां पर आप जो नेटफ्लिक्स पर जाकर ऑफिशियली देख सकती हो क्योंकि अगर आप उसने सब्सक्रिप्शन लिया हो तो फ्रीली एंजॉय कर सकते हो अगर आप उसने अभी तक इस फिल्म को जो कि नहीं देखा हुआ तो आपको अपने लाजमी फिल्म को एक बार ट्राई मारना है और एक बार देखना है और ओपिनियन अपना वो जो ओपिनियन है ना कमेंट बॉक्स में बताना है अगर आप उसने ऑलरेडी इस को देखा हुआ है तो यह फिल्म आपको कैसी लगी और यहां पर महेश बाबू की एक्टिंग कैसी लगी और यहां पर ये स्टोरी लाइन थी जो ना आपको अच्छी लगी या एवरेज लगी वो भी आप ने अपना ओपिनियन आपने ओपिनियनबॉस में बताना है और यहां पर आज की हमारी जो वीडियो भी अच्छी लगी तो लाजमी लाइक करना है और यहां पर इस फिल्म यानी गुंडूर का मूवी से रिलेटेड अपडेट रहने के लिए लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करना है क्योंकि इन से रिलेटेड जो और न्यू अपडेट्स आएंगी टीवी प्रीमियर से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स आएंगी वो इस चैनल पर मिल जाएंगी तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और फिर से आप जिसको बता दूँ अगर आप दोस्तों फिल्म को अभी देखना चाहते हो एच डी प्रिंट फोर के प्रिंट में हिंदी में भी तो ये फिल्म आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी वहां पे आप साउथ लैंग्वेज में भी देख सकते हो हिंदी में भी देख सकते हो वेलकम बैक दी एन अदर वीडियो तो दोस्तों आज की में बात करने वाला हूँ गंटूर कारम मूवी के बारे में जो कि सुपरस्टार महेश भाई की फिल्म रिलीज़ जो लेटेस्ट रिलीज़ फिल्म है ना गुंटूर कारम ये फिल्म आपको ऑफिशियली हिंदी में कहाँ पे देखने को मिलेगी आप दोस्त कैसे देख सकते हो इस फिल्म को और अगर आप दोस्त इस वीडियो के अंदर इस फिल्म यानी गुंटूर कारम मूवी को देखने के लिए आए हैं तो आपको डिस्कलैमर में बता दो कि इस वीडियो के अंदर आपको कोई भी मूवी देखने को नहीं मिलेगी हाँ लास्ट में बताया जाएगा कि ये मूवी आपको हिंदी में कहाँ पर ऑफिशियली देखने को मिल सकती है और आप दोस्त कैसे वॉच कर सकते हो फ्रीली और साथ ही इस फिल्म का रिव्यू भी किया जाने वाला है और साथ ही फिल्म के ऊपर बजट के बारे में बात की जाने वाली इस फिल्म के अन फैक्ट्स के ऊपर बातचीत की जाएगी और फिल्म की आ, कुछ प्रॉपर डिटेलिंग के साथ इस की इंटरेस्टिंग कास्ट के ऊपर भी बातचीत की जाने वाली है अगर आप दोस्त इंटरेस्टेड हो तो अब इस वीडियो को लाइक करके लास्ट तक देखते रहना है और वीडियो को भी लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना है तो यहाँ पर हम बात करें 2024 में रिलीज़ की गई गुनटूरकारा मूवी की तो ये एक एक्शन एक ड्रामा जोनरा की फिल्म थी और इस फिल्म को सेंसर की तरफ से दो घंटे बयालीस मिनट का रनिंग टाइम मिला हुआ है और यहाँ पर 10 बाय 5.4 की रेटिंग भी मिली हुई है गूगल के ऊपर और यहाँ पर बात करें डायरेक्टर की तो डायरेक्ट किया है इस को त्रिविक्रम श्रीनिवास ने इससे पहले वो काफ़ी कमाल की सुपरहिट हिट ब्लॉक बस्टर फिल्में भी बना चुके हैं और यहाँ पर उन्होंने इससे पहले जो कि सन ऑफ सत्यमूर्ति और यहाँ पर जो कि अल्लो अर्जुन के साथ आला विकतम और भी काफ़ी सारी मूवीज़ बना चुके हैं और यहाँ पर उनकी ये फिल्म जो आई है ना गुंटूर कारम लेकिन इसकी जो स्टोरी थी ना उतनी कुछ ख़ास ना होने की वजह से यह फिल्म जो कि बॉक्सेस पर एक हिट भी जो कि एवरेज बिरो हिट रही और यह फिल्म बॉक्सेस पर इतनी जो कि सही तरह से हिट भी नहीं हो पाई क्योंकि फिल्म की जो स्टोरी थी ना उतनी ख़ास नहीं थी अगर यहाँ पर सुपरस्टार महेश बहू ना होते इस फिल्म में तो ये फ़िल्म बॉक्सेस पर पूरी तरह से पिट जाती और अपना बजट भी रिकवर नहीं कर पाती तो यहाँ पर फिल्म ने काफ़ी अच्छा भी फिर भी कलेक्शन किया हुआ है ठीक ठाक स्टोरी होने की वजह से लेकिन यहाँ पर हम बात करें गुंटूर कारम 2024 इंडियन तेलुगु लैंग्वेज फिल्म एक्शन ड्रामा इस फिल्म का जोना था और डायरेक्टर राइट किया था इस फिल्म की स्टोरी तो त्रिविक्रम श्रीनिवास ने और फिल्म को जो कि कृष्णा ने प्रोड्यूस किया हुआ है और यहां पर हारिका हास ने क्रिएशंस के थ्रू और यहां पर महेश बाबू एंटरटेनमेंट के थ्रू और यहाँ पर श्रीला इस फिल्म में कास्ट में देखने के देखेंगे सुपरस्टार महेश बाबू मीनाक्षी चौधरी है प्रकाश राजमणन है एंड जयराम है जगपति बाबू सुनील और रमेश भी काफ़ी सारी जो कि कास्ट स्पोर्टिंग रोल में भी देखने को मिल जाती है तो यहाँ पर सीमाटोग्राफी की बात करें तो मनोज पारासाम हाँ जो कि नए इस फिल्म की जो कि नोटोग्राफी की हुई है ऑडिट किया इसम को नवीन नोली ने और म्यूजिक दिया था मनस ने और यहाँ पर इस फिल्म की जो प्रोडक्शन कंपनी है हारिका है हंसने कलेक्शन है और यहाँ पर इस फिल्म को रिलीज़ करवाया गया था 12 जनवरी 2024 में और ये जो कि संक्रांति 2024 में रिलीज़ की गई थी और इस टाइम पे काफी सारी मूवीज भी क्लैश हुई थी इसके साथ लेकिन ये फिल्म महेश बाबू की होने की वजह से फिर भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन कर गई इस फिल्म का जो बजट था दो करोड़ था इस फिल्म ने एक करोड़ का कलेक्शन किया और ये फिल्म बॉक्सिस पर एक फ्लॉप फिल्म रही जी से बॉक्स पर फ्लॉप हो चुकी है और यहां पर बात करें दो हज़ार इक्कीस मई में इस फिल्म को अनाउंस किया गया था और यहाँ पर इस टाइम पर जो टाइटल था ना वो टाइटल अनाउंस नहीं किया गया था एस एस एम बी ट्वेंटी एट के नाम से अनाउंस हुई थी और एक फिल्म बन रही है कि अनाउंस किया गया था वो फिल्म बनेगी जो कि त्रिविक्रम श्रीनिवास के साथ और उसमें जो महेश बाबू देखने को मिलेंगे तो ये अनाउंस होने के बाद इस फिल्म की जो शूटिंग वगैरह स्टार्ट हुई थी सेप्टेम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू में और इस फिल्म की जो शूटिंग वगैरह हैदराबाद और भी काफ़ सारी जो कि चीज़ें हैं जगहों पर फिल्म की शूटिंग वगैरह की गई और गुंटूर जो गाँव है ना वहाँ पर भी इस फिल्म की शूटिंग वगैरह की गई और फिल्म की जो शूटिंग वह दिसंबर ट्वेंटी थ्री में इस फिल्म की जो शूटिंग थी वो पूरी तरह से रैप अप करवाई गई थी और फिल्म की जो एडिटिंग वगैरह का काम कम्प्लीट करवा लिया गया और इस फिल्म को फाइनली बारह जैन टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर में थिएटर में रिलीज़ करवा लिया गया था तो ऑडियंस को इस फिल्म को जो कि मिक्स रिव्यूज़ मिले और क्रिटिक्स की तरफ से भी और यहाँ पर तो ये विक्रम श्रीनिवास की डायरेक्शन के ऊपर बातचीत की जाए कि क्योंकि उन उन्होंने इस फिल्म की जो स्टोरी थी ना वो अच्छी नहीं रखी और साथ ही डायरेक्शन भी उनकी इतनी जो कि ख़ास नहीं लग रही थी लेकिन इस फिल्म के अंदर महेश बाबू ने एक्टिंग काफ़ी अच्छी की हुई थी जैसे पुराने अवतार में देखने को मिलते हैं एक्शन अवतार में तो वो काफ़ी अच्छे इस फिल्म के अंदर एक्टिंग करते हुए दिखाई दिए हैं तो बात करें फिर से कास्ट की तो कास्ट में हमें देखने को मिले हैं महेश बाबू इस फिल्म के अंदर जो कि वीरा वेंकट का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर रमना उनका नाम होता है और यहाँ पर शिला इस फिल्म के अंदर जो कि अमुत का यानी अमू का रोल प्ले करी और यहाँ पर मीनाक्षी चौधरी इस फिल्म राजी की का रोल प्ले करी और यहाँ पर प्रकाश राज के अंदर वैरा वेंकट स्वामी का रोल प्ले करे और यहाँ पर रमया कृष्णन जो कि लॉ मिनिस्टर वैरा यानी जो कि वेंकट स्वामी जी की डॉटर है और यहाँ पर वो इस फिल्म के अंदर जो कि रमना की मदर भी होती है तो यहाँ पर जयराम की बात की जाए तो इस फिल्म के अंदर जयराम भी हैं सत्या सत्यनारायण का रोल प्ले कर रहे हैं इस फिल्म के अंदर और यहाँ पर बाबू फिल्म के अंदर डोगा मार्क्स का बाबू का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर सुनील डोगा के के ब्रदर होते हैं उनका रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर राव रमेश भी हैं पक्का राजू गोपाल के के नाम से फिल्म अंदर उनका भी नाम है और वो इस फिल्म के अंदर गोपाल का नाम रोल प्ले कर रहे हैं गोपाल के नाम से और यहाँ पर मुरली शर्मा इस फिल्म के अंदर बसवा राजू जो के का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर उनका नाम होता है पानी और वो एक वकील होते हैं फिल्म के अंदर राहुल रविंद्रा इस फिल्म के अंदर जो कि वायरा राजा गोपाल का रोल प्ले करें और यहाँ पर अजय फिल्म के अंदर गैलेटन बाजी वाजपेई का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर वनैला कशोर हैं और यहाँ पर बबलू का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर पानी के असिस्टेंट हैं और यहाँ पर ऐश्वर्य राव इस फिल्म के अंदर बुज्जी का रोल प्ले कर रही है और यहाँ पर अजय घोष फिल्म के अंदर हरिदास का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पे रविशंकर कट्टा मधु का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर अपोजिशन लीडर हैं और ब्रह्मा जी फिल्म के अंदर सी आई आदि नारायण का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर रघुबाब इस फिल्म के अंदर रंग रंगाम का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर मधुशन राव इस फिल्म के अंदर फेक हरिदास का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर पामिसा इस फिल्म के अंदर याकूब का रोल प्ले कर रहे हैं और भी काफ़ी सारी जो कास्ट है इस फिल्म के अंदर अपना सपोर्टिंग रोल प्ले करती हुई दिखाई दी है यहाँ पर चमक चंद्रा अभी कॉन्स्टेबल का रोल प्ले कर रहे हैं जिनका नाम मोहम्मद होता है और यहाँ पर पुना इस फिल्म के अंदर जो कि स्पेशल रोल में हमें देखने को मिली है गेस्ट अपीरियंस में और यहाँ पर रामूला जो सॉन्ग था ना उसके अंदर जो कि कुर्ती मथ मथा पेटी जो सॉन्ग था ना उसमें जो कि कैमियो में देखने को मिली थी तो ये सारी कास्ट थी जो अपना अपना फिल्म के अंदर रोल प्ले कर रही थी तो यहाँ पर सुपर स्टार मैच भावी की एक्टिंग काफ़ी अच्छी थी और उनका जो पुराना स्वैग होता है एक्शन वाला वो हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिला और यहाँ पर बात करें आगे फिल्म की जो के बारे में तो यहाँ पर इस फिल्म के सॉन्ग्स वगैरह की बात करें तो इस फिल्म के सारे सॉन्ग्स वगैरह ऑडियो वीडियो फॉर्मेट सारे के आप जो कि म्यूज़िक वगैरह दिया था एस ने और ये सारे सॉन्ग्स आपको यूट्यूब पर भी देखने को मिल जाएंगे ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में और यहाँ पर आप बात करें इस फिल्म के हिंदी के बारे में तो इस फिल्म के हिंदी राइट्स वगैरह जो कि गोल्ड मैट ने फिल्म के टी राइट्स को वगैरह को ख़रीदा हुआ था लेकिन इस फिल्म को जो कि टी वी पर प्रीमियर तो नहीं करवाया जाने वाला लेकिन इस फिल्म को नेटफ्लिक्स के ऊपर भी जब इस फिल्म को रिलीज़ करवाया गया तो एक साथ हिंदी में भी रिलीज़ हुई थी जी हाँ दोस्तों फाइनली आपको बता दूँ ये फिल्म नैक्सिल पर अवेलेबल है अगर आप दोस्त देखना चाहो तो वहाँ पे फुल एच डी प्रिंट में ऑफिशियली देख सकती हो हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी बाकी सारी साउथ लैंग्वेज में भी देखने को मिल जाएगी तो अगर आप दोस्त मैच बाबू के डाई हार्ट फैन हो उनकी मूवी यानी गुंटूर मूवी को देखना चाहते हो तो वहाँ पर आप जो नेटफ्लिक्स पर जाकर ऑफिशियली देख सकती हो क्योंकि अगर आप उसने सब्सक्रिप्शन लिया हो तो फ्रीली इन्जॉय कर सकते हो अगर आप उसने अभी तक इस फिल्म को जो कि नहीं देखा हो तो आपको आपने लाजमी फिल्म को एक बार ट्राई मारना है और एक बार देखना है और ओपिनियन अपना वो ओपिनियन है ना कमेंट बॉक्स में बताना है अगर आप उसने ऑलरेडी इस फिल्म को देखा हुआ है तो ये फिल्म आपको कैसी लगी और यहां पर महेश बाबू की एक्टिंग कैसी लगी और यहां पर ये स्टोरी लाइन थी जो ना आपको अच्छी लगी या एवरेज लगी वो भी आप उसने अपना ओपिनियन ओपिनियनबॉस में बताना है और यहां पर आज की हमारी जो वीडियो भी अच्छी लगी हो तो लाजमी लाइक करना है और यहां पर इस फिल्म यानी गुंटूर का मूवी से रिलेटेड अपडेट रहने के लिए लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करना है क्योंकि फिल्म से रिलेटेड जो और न्यू अपडेट्स आएंगी टीवी पीमियड से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स आएंगी वो इस चैनल पर मिल जाएंगे तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और फिर से आप उसको बता दूं अगर आप दूसरी सिम को अभी देखना चाहते हो फुल एच डी प्रिंट फोर के प्रिंट में हिंदी में भी तो यह फिल्म आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी वहां पे आप दो सिंह को साउथ लैंग्वेज में भी देख सकते हो हिंदी में भी देख सकते हो वेलकम बैक दी एन अदर वीडियो तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ गुंटूर कारम वुई के बारे में जो कि सुपर स्टार महेश भाई की फिल्म रिलीज़ जो लेटेस्ट रिलीज फिल्म है ना गुंटूर कारम ये फिल्म आपको ऑफिशियली हिंदी में कहाँ पे देखने को मिलेगी आप दोस्त कैसे देख सकते हो इस फिल्म को और अगर आप दोस्त इस वीडियो के अंदर इस फिल्म यानी गुंटूर कारम वूई को देखने के लिए आए हैं तो आपको डिस्कलैमर में बता दो कि इस वीडियो के अंदर आपको कोई भी मूवी देखने को नहीं मिलेगी हाँ लास्ट में बताया जाएगा कि ये मूवी आपको हिंदी में कहाँ पर ऑफिशियली देखने को मिल सकती है और आप दोस्त कैसे वॉच कर सकते हो फ्रीली और साथ ही इस फिल्म का रिव्यू भी किया जाने वाला है और साथ ही इस फिल्म के ऊपर बजट के बारे में बात की जाने वाली है इसलिए अन नॉन फैक्ट्स के ऊपर फैक्ट बातचीत की जाएगी और फिल्म की कुछ प्रॉपर डिटेलिंग के साथ इस फिल्म इसकी इंटरेस्टिंग कास्ट के ऊपर भी बातचीत की जाने वाली है अगर आप दोस्त इंटरेस्टेड हो तो अब इस वीडियो को लाइक करके लास्ट तक देखते रहना है और वीडियो को भी लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना है तो यहाँ पर हम बात करें 2024 में रिलीज़ की गई गुंटूर कारा मूवी की तो ये एक एक्शन एक ड्रामा जोनरा की फ़िल्म थी और इस फिल्म को सेंसर की तरफ से दो घंटे बयालीस मिनट का रनिंग टाइम मिला हुआ है और यहाँ पर 10 बाय 5.4 की रेटिंग भी मिली हुई है गूगल के ऊपर और यहाँ पर बात करें डायरेक्टर की तो डायरेक्ट किया है फिल्म को त्रिविक्रम श्रीनिवास ने इससे पहले वो काफ़ी कमाल की सुपरहिट हिट ब्लॉक बस्टर फिल्में भी बना चुके हैं और यहाँ पर उन्होंने इससे पहले जो कि सन ऑफ सत्यमूर्ति और यहाँ पर जो कि अल्लो अर्जुन के साथ आला फिकन्तम और भी काफ़ी सारी मूवीज़ जो बना चुके हैं और यहाँ पर उनकी ये फिल्म जो आई है ना गुंटूर कारम लेकिन इसकी जो स्टोरी थी ना उतनी कुछ खास ना होने की वजह से यह फिल्म जो कि बॉक्सेस पर एक हिट भी जो कि एवरेज बिरो हिट रही और यह फिल्म बॉक्सेस पर इतनी जो कि सही तरह से हिट भी नहीं हो पाई क्योंकि इस फिल्म की जो स्टोरी थी ना उतनी खास नहीं थी अगर यहाँ पर सुपरस्टार महेश बहू ना होते इस फिल्म में तो ये फ़िल्म बॉक्स पर पूरी तरह से पिट जाती और अपना बजट भी रिकवर नहीं कर पाती तो यहाँ पर इस फिल्म ने काफ़ी अच्छा भी फिर भी कलेक्शन किया हुआ है ठीक ठाक स्टोरी होने की वजह से लेकिन यहाँ पर हम बात करें गुंटूर कारम टू इंडियन तेलुगु लैंग्वेज फिल्म एक्शन ड्रामा इस फिल्म का जोना था और ट्रैक्टर राइट किया था इस फिल्म की स्टोरी तो त्रिविक्रम श्रीनिवास ने और फिल्म को जो कि राधा कृष्णा ने प्रोड्यूस किया हुआ है और यहाँ पर हारिका हास ने क्रिएशंस के थ्रू और यहाँ पर महेश बाबू

क्रांति 2024 में रिलीज की गई थी और स्टैम्प पे काफी सारी मूवीज़ भी क्लैश हुई थी इसके साथ लेकिन ये फिल्म महेश बाबू की होने की वजह से फिर भी काफी अच्छा कलेक्शन कर गई फिल्म का जो बजट था दो करोड़ था इस फिल्म ने एक करोड़ का कलेक्शन किया और ये फिल्म बॉक्स पर एक फ्लॉप फिल्म रही जहाँ से बॉक्स पर फ्लॉप हो चुकी है और यहाँ पर बात करें फिल्म के बारे में दो तो हज़ार में, में इस फिल्म को अनाउंस किया गया था और यहाँ पर इस टाइम पर इस मूवी का जो टाइटल था ना वो टाइटल अनाउंस नहीं किया गया था एस एस के नाम से अनाउंस हुई थी और एक फिल्म बन रही है कि अनाउंस किया गया था वो फिल्म बनेगी जो कि त्रिविक्रम श्रीनिवास के साथ और उसमें हमें चूँकि महेश बाबू देखने को मिलेंगे तो ये अनाउंस होने के बाद इस फिल्म की जो शूटिंग वगैरह स्टार्ट हुई थी सितंबर 2022 में और इस फिल्म की जो शूटिंग वगैरह हैदराबाद और भी काफ़ी सारी जो कि चीज़ें जगहों पे इस फिल्म की शूटिंग वगैरह की गई और गुंटूर जो गांव है ना वहाँ पे भी इस फिल्म की शूटिंग वगैरह की गई और फिल्म की जो शूटिंग वगैरह दिसंबर 23 में इस फिल्म की जो शूटिंग थी वो पूरी तरह से रैपअप करवाई गई थी और फिल्म की जो एडिटिंग वगैरह का काम कंप्लीट करवा लिया गया और फिल्म को फाइनली बारह जैन टू में थिएटर में रिलीज़ करवा लिया गया था तो ऑडियंस को इस फिल्म को जो कि मिक्स रिव्यूज़ मिले और क्रिटिक्स की तरफ से भी और यहाँ पर त्रिविक्रम तो विक्रम श्रीनिवास की डायरेक्शन के ऊपर बातचीत की जाए कि क्योंकि उन उन्होंने इस फिल्म की जो स्टोरी थी ना वो अच्छी नहीं रखी और साथ ही डायरेक्शन भी उनकी इतनी जो कि ख़ास नहीं लग रही थी लेकिन इस फिल्म के अंदर महेश बाबू ने एक्टिंग काफ़ी अच्छी की हुई थी जैसे पुराने अवतार में देखने को मिलते हैं एक्शन अवतार में तो वो काफ़ी अच्छे इस फिल्म के अंदर एक्टिंग करते हुए दिखाई दिए हैं तो बात करें फिर से कास्ट की तो कास्ट में हमें देखने को मिले हैं महेश बाबू इस फिल्म के अंदर जो कि वीरा वेंकट का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ

बाबू फिल्म के अंदर डोगा मार्क्स का बाबू का रोल प्ले कर रहे हैं और यहां पर सुनील बाबू के नाम से और यहाँ पर मुरली शर्मा के अंदर बसवा राजू जो रोल प्ले कर रहे हैं और यहां पर उनका नाम होता है पानी और वो एक वकील होते हैं फिल्म के अंदर राहुल रविंद्रा इस फिल्म के अंदर जो कि वायरा राजा गोपाल का रोल प्ले कर और यहां पर अजय फिल्म के अंदर गैलेटन बाजी ई का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर वनेला किशोर हैं और यहाँ पर वो बबलू का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर पानी के असिस्टेंट हैं और यहाँ पर ऐश्वर्य राव उस फिल्म के अंदर बुज्जी का रोल प्ले कर रही है और यहाँ पर अजय घोष फिल्म के अंदर हरिदास का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पे रविशंकर कट्टा मधु का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर अपोजिशन लीडर हैं और ब्रह्मा जी फिल्म के अंदर सी आई आदि आदि नारायण का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर रघुबाब इस फिल्म के अंदर रंग रंगाम का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर मधुशन राव इस फिल्म के अंदर फेक हारीदास का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर पामिसा इस फिल्म के अंदर याकूब का रोल प्ले कर रहे हैं और भी काफ़ी सारी जो कास्ट है इस फिल्म के अंदर अपना सपोर्टिंग रोल प्ले करती हुई दिखाई दी है यहाँ पर चमक चंद्रा भी कॉन्स्टेबेबल का रोल प्ले कर रहे हैं जिनका नाम मोहम्मद होता है और यहाँ पर पूना इस फिल्म के अंदर जो कि स्पेशल रोल में हमें देखने को मिली है गेस्ट अपीरियंस में और यहाँ पर रामूला जो सॉन्ग था ना उसके अंदर जो कि कुर्ती मथ मथा पेटी जो सॉन्ग था ना उसमें जो कि कैप में देखने को मिली थी तो ये सारी कास्ट थी जो अपना अपना फिल्म के अंदर रोल प्ले कर रही थी तो यहाँ पर सुपर स्टार की एक्टिंग काफ़ी अच्छी थी और उनका जो पुराना स्वैग होता है एक्टिंग वाला वो हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिला और यहाँ पर यह बात करें आगे फिल्म की जो के बारे में तो यहाँ पर इसम के सॉन्ग्स वगैरह की बात करें तो इसम के सारे सॉन्ग्स वगैरह ऑडियो वीडियो फॉर्मेट सारे के आप जो कि म्यूज़िक वगैरह दिया था थामनस ने और ये सारे सॉन्ग्स आपको यूट्यूब पर भी देखने को मिल जाएंगे ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में और यहाँ पर आप बात करें फिल्म के हिंदी के बारे में तो इस फिल्म के हिंदी राइट्स वगैरह जो कि गोल्ड मैस ने इसम के टी वी राइट्स वगैरह को खरीदा हुआ था लेकिन इस फिल्म को जो कि टी पर पी तो नहीं करवाया जाने वाला लेकिन इस इसको नेटफ्लिक्स के ऊपर भी जब इस इनको रिलीज़ करवाया गया तो एक साथ हिंदी में भी रिलीज़ हुई थी जी हाँ दोस्तों फाइनली आपको बता दूँ ये फिल्म Next पर अवेलेबल है अगर आप दोस्त देखना चाहो तो वहां पे फुल एच डी प्रिंट में ऑफिशियली देख सकते हो हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी बाकी सारी साउथ लैंग्वेज में भी देखने को मिल जाएगी तो अगर आप दोस्त मैच बाबू के डाई हार्ट फैन हो उनकी मूवी यानी गुंटूर मूवी को देखना चाहते हो तो वहां पर आप जो नेटफ्लिक्स पर जाकर ऑफिशियली देख सकती हो क्योंकि अगर आप उसने सब्सक्रिप्शन लिया हो तो फ्रीली एंजॉय कर सकते हो अगर आप उसने अभी तक इस फिल्म को जो कि नहीं देखा हो तो आपको आपने लाजमी फिल्म को एक बार ट्राई मारना है और एक बार देखना है और ओपिनियन अपना वो जो ओपिनियन है ना कम बॉक्स में बताना है अगर आप उसने ऑलरेडी इस फिल्म को देखा हुआ है तो ये फिल्म आपको कैसी लगी और यहां पर महेश बाबू की एक्टिंग कैसी लगी और यहां पर ये यह स्टोरी लाइन थी जो ना आपको अच्छी लगी या एवरेज लगी वो भी आप ने अपना आपने ओपिनियनबॉक्स में बताना है और यहां पर आज की हमारी जो वीडियो भी अच्छी लगी तो लाजमी लाइक करना है और यहां पर इस फिल्म यानी गुंडूर का राम मूवी से रिलेटेड अपडेट रहने के लिए लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करना है क्योंकि इन से रिलेटेड जो और न्यू अपडेट्स आएंगी टीवी प्रीमियर से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स आएंगी वो इस चैनल पर मिल जाएंगे तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और फिर से आप उसको बता दूं अगर आप दोस्तों को अभी देखना चाहते हो फिर एच डी प्रिंट फोर के प्रिंट में हिंदी में भी तो ये फिल्म आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी वहां पे आप साउथ लैंग्वेज में भी देख सकते हो हिंदी में भी देख सकते हो वेलकम बैक वीडियो तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ गुंटूर कारम वूई के बारे में जो कि सुपरस्टार महेश भावी की फिल्म रिलीज़ जो लेटेस्ट रिलीज़ फिल्म है ना गुंटूर कारम ये फ़िल्म आपको ऑफिशियली हिंदी में कहाँ पे देखने को मिलेगी आप दोस्त कैसे देख सकते हो इस फिल्म को और अगर आप दोस्त इस वीडियो के अंदर इस फिल्म यानी गुंटूर कारम मूवी को देखने के लिए आए हैं तो आपको डिस्कलैमर में बता दो कि इस वीडियो के अंदर आपको कोई भी मूवी देखने को नहीं मिलेगी हाँ लास्ट में बताया जाएगा कि ये मूवी आपको हिंदी में कहाँ पर ऑफिशियली देखने को मिल सकती है और आप दोस्त कैसे वॉच कर सकते हो फ्रीली और साथ ही इस फिल्म का रिव्यू भी किया जाने वाला है और साथ ही इस फिल्म के ऊपर बजट के बारे में बात की जाने वाली इस फिल्म के अननॉन फैक्ट्स के ऊपर बातचीत की जाएगी और फिल्म की कुछ प्रॉपर डिटेलिंग के साथ इस की इंटरेस्टिंग कास्ट के ऊपर भी बातचीत की जाने वाली है अगर आप दोस्त इंटरेस्टेड हो तो अब इस वीडियो को लाइक करके लास्ट तक देखते रहना है और वीडियो को भी लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना है तो यहाँ पर हम बात करें 2024 में रिलीज़ की गई गुनटूरकारा मूवी की तो ये एक एक्शन एक ड्रामा जोनरा की फिल्म थी और इस फिल्म को सेंसर की तरफ से दो घंटे बयालीस मिनट का रनिंग टाइम मिला हुआ है और यहाँ पर 10 बाय 5.4 की रेटिंग भी मिली हुई है गूगल के ऊपर और यहाँ पर बात करें डायरेक्टर की तो डायरेक्ट किया है को त्रिविक्रम श्रीनिवास ने इससे पहले वो काफ़ी कमाल की सुपरहिट ब्लॉक बस्टर फिल्में भी बना चुके हैं और यहाँ पर उन्होंने इससे पहले जो कि सन ऑफ सत्यमूर्ति और यहाँ पर जो कि अल्लो अर्जुन के साथ आला विकुंतम और भी काफ़ी सारी मूवीज़ जो बना चुके हैं और यहाँ पर उनकी ये फिल्म जो आई है ना गुंटूर कारम लेकिन इसकी जो स्टोरी थी ना उतनी कुछ ख़ास ना होने की वजह से ये फिल्म जो कि बॉक्सेस पर एक हिट भी जो कि एवरेज बिरो हिट रही और ये फिल्म बॉक्सेस पर इतनी जो कि सही तरह से हिट भी नहीं हो पाई क्योंकि फिल्म की जो स्टोरी थी ना उतनी खास नहीं थी अगर यहाँ पर सुपरस्टार महेश बहू ना होते इस फिल्म में तो ये फिल्म बॉक्स पर पूरी तरह से पिट जाती और अपना बजट भी रिकवर नहीं कर पाती तो यहाँ पर इस फिल्म ने काफ़ी अच्छा भी फिर भी कलेक्शन किया हुआ है ठीक ठाक स्टोरी होने की वजह से लेकिन यहाँ पर हम बात करें गुंटूर कारम टू इंडियन तेलगू लैंग्वेज फिल्म एक्शन ड्रामा इस फिल्म का जोना था और डायरेक्टर राइट किया था इस फिल्म की स्टोरी तो त्रिविक्रम श्रीनवास ने और फिल्म को जो कि राधा कृष्णा ने प्रोड्यूस किया हुआ है और यहाँ पर हारिका हास ने क्रिएशंस के थ्रू और यहाँ पर महेश बाबू के थ्रू और यहाँ पर श्री श्रीलास्ट में कास्ट में देखने देखेंगे सुपर स्टार महेश मीनाक्षी चौधरी है प्रकाश राजमणन एंड जयराम है जगपति बाबू सुनील और रमेश भी काफी सारी जो कि कास्ट स्पोर्टिंग रोल में भी देखने को मिल जाती है तो यहाँ पर सीनेटोग्राफी की बात करें तो मनोज पारासाम जो कि नए इसम की जो कि सनेटोग्राफी की हुई है ऑडिट किया इसम को नवीन नोली ने और म्यूजिक दिया था मनस ने और यहाँ पर इस फिल्म की जो प्रोडक्शन कंपनी है हारिका है हंसने कलेक्शंस है और यहाँ पर इस फिल्म को रिलीज़ करवाया गया था बारह जनवरी टू में और ये जो, जो कि संक्रांति ट्वेंटी में रिलीज़ की गई थी और इस टाइम पर काफी सारी मूवीज़ भी क्लैश हुई थी इसके साथ लेकिन ये फिल्म महेश बाबू की होने की वजह से फिर भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन कर गई फिल्म का जो बजट था दो करोड़ था इस फिल्म ने एक करोड़ का कलेक्शन किया और ये फिल्म बॉक्सिस पर एक फ्लॉप फिल्म रही जहाँ से बॉक्स पर फ्लॉप हो चुकी है और यहाँ पर बात करें फिल्म के बारे में दो हज़ार इक्कीस मई में इस फिल्म को अनाउंस किया गया था और यहाँ पर इस टाइम पे इस मूवी का जो टाइटल था ना वो टाइटल अनाउंस नहीं किया गया था एस एस एम बी ट्वेंटी एट के नाम से अनाउंस हुई थी और एक फिल्म बन रही है कि अनाउंस किया गया था वो फिल्म बनेगी जो कि त्रिविक्रम श्रीनिवास के साथ और उसमें हमें जो महेश बाबू देखने को मिलेंगे तो ये अनाउंस होने के बाद इस फिल्म की जो शूटिंग वगैरह स्टार्ट हुई थी सेप्टेम्बर टू में और इस फिल्म की जो शूटिंग वगैरह हैदराबाद और भी काफ़ी सारी जो कि चीज़ें जगहों पे इस फिल्म की शूटिंग वगैरह की गई और गुंटूर जो गांव है ना वहाँ पे भी इस फिल्म की शूटिंग वगैरह की गई और फिल्म की जो शूटिंग वगैरह दिसंबर ट्वेंटी थ्री में इस फिल्म की जो शूटिंग थी वो पूरी तरह से रैपअप करवाई गई थी और फिल्म की जो एडिटिंग वगैरह का काम कंप्लीट करवा लिया गया और इस फिल्म को फाइनली बारह जैन टू में थिएटर में रिलीज़ करवा लिया गया था तो ऑडियंस को इस फिल्म को जो कि मिक्स रिव्यूज़ मिले और क्रिटिक्स की तरफ से भी और यहाँ पर त्रिविक्रम विक्रम श्रीनिवास की डायरेक्शन के ऊपर बातचीत की जाए कि क्योंकि उन उन्होंने इस फिल्म की जो स्टोरी थी ना वो अच्छी नहीं रखी और साथ ही डायरेक्शन भी उनकी इतनी जो कि खास नहीं लग रही थी लेकिन इस फिल्म के अंदर महेश बाबू ने एक्टिंग काफ़ी अच्छी की हुई थी जैसे पुराने अवतार में देखने को मिलते हैं एक्शन अवतार में तो वो काफ़ी अच्छे इस फिल्म के अंदर एक्टिंग करते हुए दिखाई दिए हैं तो बात करें फिर से कास्ट की तो कास्ट में हमें देखने को मिले हैं महेश बाबू इस फिल्म के अंदर जो कि वीरा वेंकट का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर रमना उनका नाम होता है और यहां पर शिल्ला इसम के अंदर जो कि अमूत का यानी अमू का रोल प्ले करिए और यहाँ पर मीनाक्षी चौधरी इस फिल्म राजी की का रोल प्ले करी और यहाँ पर प्रकाश राज इस के अंदर वैरा वेंकट स्वामी का रोल प्ले करे और यहाँ पर रमया कृष्णन जो कि लॉ मिनिस्टर वैरा यानी जो कि वेंकट स्वामी जी की डॉटर है और यहाँ पर वो इस फ़िल्म के अंदर जो कि रमणा की मदर भी होती है तो यहाँ पर जयराम की बात की जाए तो इस फिल्म के अंदर जयराम भी हैं सत्या सत्यनारायण का रोल प्ले कर रहे हैं इस फिल्म के अंदर और यहाँ पर जगपति बाबू फिल्म के अंदर डोगा मार्क्स बाबू का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर सुनील डोगा मार्ग बाबू के जो कि ब्रदर होते हैं उनका रोल प्ले कर रहे और यहाँ पर राव रमेश भी हैं पक्का राजू गोपाल के नाम से फिल्म के अंदर उनका भी नाम है और वो इस फिल्म के अंदर गोपाल का नाम रोल प्ले कर रहे हैं गोपाल के नाम से और यहाँ पर मुरली शर्मा इस फिल्म श्रुम के अंदर बसवा राजू जो के का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर उनका नाम होता है पानी और वो एक वकील होते हैं फिल्म के अंदर राहुल रविंद्रा इस फिल्म के अंदर जो कि वायरा राजा गोपाल का रोल प्ले कर और यहाँ पर अजय फिल्म के अंदर गैलेटन बाजी बाजपाई का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर वेला कशोर हैं और यहाँ पर वो बबलू का रोल प्ले कर हैं और यहां पर पानी के असिस्टेंट हैं और यहां पर ऐश्वरी राव फिल्म के अंदर बुज्जी का रोल प्ले कर रही है और यहां पर अजय गोश फिल्म के अंदर हारीदास का रोल प्ले कर रहे हैं और यहां पर रविशंकर कट्टा मधु का रोल प्ले कर रहे हैं और यहां पर अपोजिशन लीडर हैं और ब्रह्मा जी फिल्म के अंदर सीआई आदिम आदि का रोल प्ले कर रहे हैं यहां पर रघुबाबू फिल्म के अंदर रंग रंगाम का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर मधुशन राव इस फिल्म के अंदर फेक हरिदास का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर पामिसा इस फिल्म के अंदर याकूब का रोल प्ले कर रहे हैं और भी काफ़ी सारी जो कास्ट है इस फिल्म के अंदर अपना सपोर्टिंग रोल प्ले करती हुई दिखाई दी है यहाँ पर चमक चंद्रा अभी कॉन्स्टेबल का रोल प्ले कर रहे हैं जिनका नाम मोहम्मद होता है और यहाँ पर पुना इस फिल्म के अंदर जो कि स्पेशल रोल में हमें देखने को मिली है गेस्ट अपीरियंस में और यहाँ पर रामूला जो सॉन्ग था ना उसके अंदर जो कि कुर्ती मथ मथा चपेटी जो सॉन्ग था ना उसमें जो कि कैमियो में देखने को मिली थी तो ये सारी कास्ट थी जो अपना अपना इस फिल्म के अंदर रोल प्ले कर रही थी तो यहाँ पर सुपर स्टार मैच की एक्टिंग काफ़ी अच्छी थी और उनका जो पुराना स्वैग होता है एक्शन वाला वो हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिला और यहाँ पर यह बात करें आगे फिल्म की जो के बारे में तो, तो यहाँ पर इस फिल्म के सॉन्ग्स वगैरह की बात करें तो इस फिल्म के सारे सॉन्ग्स वगैरह ऑडियो वीडियो फॉर्मेट सारे के आप जो कि म्यूजिक वगैरह दिया था थामनेस ने और ये सारे सॉन्ग्स आपको यूट्यूब पर भी देखने को मिल जाएंगे ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में और यहाँ पर आप बात करें इस फिल्म के हिंदी के बारे में तो इस फिल्म के हिंदी राइट्स वगैरह जो कि गोल्ड मैट ने फिल्म के टी राइट्स को वगैरह को ख़रीदा हुआ था लेकिन इस फिल्म को जो कि टी पर प्रीमियर तो नहीं करवाया जाने वाला लेकिन इस फिल्म को नेटफ्लिक्स के ऊपर भी जब इस फिल्म को रिलीज़ करवाया गया तो एक साथ हिंदी में भी रिलीज़ हुई थी जी हाँ दोस्तों फाइनली आपको बता दूँ ये फिल्म नेक्स्ट फिल पर अवेलेबल है अगर आप दोस्त देखना चाहो तो वहाँ पे फुल एच डी प्रिंट में ऑफिशियली देख सकती हो हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी बाकी सारी साउथ लैंग्वेज में भी देखने को मिल जाएगी तो अगर आप दोस्त मैच बाबू के डाई हार्ट फैन उनकी मूवी यानी गुंटूर मूवी को देखना चाहते हो तो वहाँ पर आप जो नेटफ्लिक्स पर जाकर ऑफिशियली देख सकती हो क्योंकि अगर आप उसने सब्सक्रिप्शन लिया हो तो फ्रीली इन्जॉय कर सकते हो अगर आप उसने अभी तक इस फिल्म को जो कि नहीं देखा हो तो आपको आपने लाजमी फिल्म को एक बार ट्राई मारना है और एक बार देखना है और ओपिनियन अपना वो ओपिनियन है ना कमेंट बॉक्स में बताना है अगर आप उसने ऑलरेडी फिल्म को देखा हुआ है तो यह फिल्म आपको कैसी लगी और यहां पर महेश बाबू की एक्टिंग कैसी लगी और यहां पर यह स्टोरी लाइन थी जो ना आपको अच्छी लगी या एवरेज लगी वो भी आप उसने अपना ओपिनियन कॉन्बॉस में बताना है और यहां पर आज की हमारी जो वीडियो भी अच्छी लगी हो तो लाजी लाइक करना है और यहां पर इस फिल्म यानी गुंडूर कार मूवी से रिलेटेड अपडेट रहने के लिए लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करना है क्योंकि इन फिल्म से रिलेटेड जो और न्यू अपडेट्स आएंगी टीवी प्रीमियर से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स आएंगी वो इस चैनल पर मिल जाएंगी तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और फिर से आप उसको बता दूँ अगर आप दोस्तों फिल्म को अभी देखना चाहते हो फुल एच डी प्रिंट फोर के प्रिंट में हिंदी में भी तो ये फिल्म आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी वहां पे आप साउथ लैंग्वेज में भी देख सकते हो हिंदी में भी देख सकते हो वेलकम बैक दी एन अदर वीडियो तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ गंटूर कारम मूवी के बारे में जो कि सुपरस्टार महेश भाई की फिल्म रिलीज़ जो लेटेस्ट रिलीज़ फिल्म है ना गुंटूर कारम ये फिल्म आपको ऑफि हिंदी में कहाँ पे देखने को मिलेगी आप दोस्त कैसे देख सकते हो इस फिल्म को और अगर आप दोस्त इस वीडियो के अंदर इस फिल्म यानी गुंटूर कारम मूवी को देखने के लिए आए हैं तो आपको डिस्कलैमर में बता दो कि इस वीडियो के अंदर आपको कोई भी मूवी देखने को नहीं मिलेगी हाँ लास्ट में बताया जाएगा कि ये मूवी आपको हिंदी में कहाँ पर ऑफिशियली देखने को मिल सकती है और आप दोस्त कैसे वॉच कर सकते हो फ्रीली और साथ ही इस फिल्म का रिव्यू भी किया जाने वाला है और साथ ही फिल्म के ऊपर बजट के बारे में बात की जाने वाली है फिल्म अन अननोन फैक्ट्स के ऊपर फैक्ट बातचीत की जाएगी और फिल्म की आ, कुछ प्रॉपर डिटेलिंग के साथ इस फिल्म के इंटरेस्टिंग कास्ट के ऊपर भी बातचीत की जाने वाली है अगर आप दोस्त इंटरेस्टेड हो तो अब इस वीडियो को लाइक करके लास्ट तक देखते रहना है और वीडियो को भी लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना है तो यहाँ पर हम बात करें 2024 में रिलीज़ की गई घुटूरकारा मूवी की तो ये एक एक्शन एक ड्रामा जोनरा की फ़िल्म थी और इस को सेंसर की तरफ से दो घंटे बयालीस मिनट का रनिंग टाइम मिला हुआ है और यहाँ पर 10 बाय 5.4 की रेटिंग भी मिली हुई है गूगल के ऊपर और यहाँ पर बात करें डायरेक्टर की तो डायरेक्ट किया है सिमको त्रिविक्रम श्रीनिवास ने इससे पहले वो काफ़ी कमाल की सुपरहिट हिट ब्लॉक बस्टर फिल्में भी बना चुके हैं और यहाँ पर उन्होंने इससे पहले जो कि सन ऑफ सत्यमूर्ति और यहाँ पर जो कि अल्लो अर्जुन के साथ आला फिकन्तम और भी काफ़ी सारी मूवीज़ जो बना चुके हैं और यहाँ पर उनकी ये फिल्म जो आई है ना गुंटूर कारम लेकिन इसकी जो स्टोरी थी ना उतनी कुछ खास ना होने की वजह से यह फिल्म जो कि बॉक्सेस पर एक हिट भी जो कि एवरेज बिरो हिट रही और यह फिल्म बॉक्सेस पर इतनी जो कि सही तरह से हिट भी नहीं हो पाई क्योंकि इस फिल्म की जो स्टोरी थी ना उतनी खास नहीं थी अगर यहाँ पर सुपरस्टार महेश बहू ना होते इस फिल्म में तो ये फ़िल्म बॉक्स पर पूरी तरह से पिट जाती और अपना बजट भी रिकवर नहीं कर पाती तो यहाँ पर इस फिल्म ने काफ़ी अच्छा भी फिर भी कलेक्शन किया हुआ है ठीक ठाक स्टोरी होने की वजह से लेकिन यहाँ पर हम बात करें गुंटूर कारम हम टू इंडियन तेलुगु लैंग्वेज फिल्म एक्शन ड्रामा इस फिल्म का जोना था और डायरेक्टर राइट किया था इस फिल्म की स्टोरी तो त्रिविक्रम श्रीनिवास ने और फिल्म को जो कि राधा कृष्णा ने प्रोड्यूस किया हुआ है और यहाँ पर हारिका हास ने क्रिएशंस के थ्रू और यहाँ पर महेश बाबू

क्रांति 2024 में रिलीज की गई थी और स्टैम्प पे काफी सारी मूवीज़ भी क्लैश हुई थी इसके साथ लेकिन ये फिल्म महेश बाबू की होने की वजह से फिर भी काफी अच्छा कलेक्शन कर गई फिल्म का जो बजट था दो करोड़ था इस फिल्म ने एक करोड़ का कलेक्शन किया और ये फिल्म बॉक्स पर एक फ्लॉप फिल्म रही जहाँ से बॉक्स पर फ्लॉप हो चुकी है और यहाँ पर बात करें इस फिल्म के बारे में दो हज़ार इक्कीस मई में इस फिल्म को अनाउंस किया गया था और यहाँ पर इस टाइम पे इस मूवी का जो टाइटल था ना वो टाइटल अनाउंस नहीं किया गया था एस एस एम बी ट्वेंटी एट के नाम से अनाउंस हुई थी और एक फिल्म बन रही है कि अनाउंस किया गया था वो फिल्म बनेगी जो कि त्रिविक्रम श्रीनिवास के साथ और उसमें हमें चूँकि महेश बाबू देखने को मिलेंगे तो ये अनाउंस होने के बाद इस फिल्म की जो शूटिंग वगैरह स्टार्ट हुई थी सेप्टेम्बर टू में और इस फिल्म की जो शूटिंग वगैरह हैदराबाद और भी काफ़ी सारी जो कि चीज़ें जगहों पे इस फिल्म की शूटिंग वगैरह की गई और गुंटूर जो गांव है ना वहाँ पे भी इस फिल्म की शूटिंग वगैरह की गई और फिल्म की जो शूटिंग दिसंबर 23 में इस फिल्म की जो शूटिंग थी वो पूरी तरह से रैपअप करवाई गई थी और फिल्म की जो एडिटिंग वगैरह का काम कंप्लीट करवा लिया गया और फिल्म को फाइनली बारह जैन टू में थिएटर में रिलीज़ करवा लिया गया था तो ऑडियंस को इस फिल्म को जो कि मिक्स रिव्यूज़ मिले और क्रिटिक्स की तरफ से भी और यहाँ पर तो विक्रम श्रीनिवास की डायरेक्शन के ऊपर बातचीत की जाए कि क्योंकि उन उन्होंने इस फिल्म की जो स्टोरी थी ना वो अच्छी नहीं रखी और साथ ही डायरेक्शन भी उनकी इतनी जो कि ख़ास नहीं लग रही थी लेकिन इस फिल्म के अंदर महेश बाबू ने एक्टिंग काफ़ी अच्छी की हुई थी जैसे पुराने अवतार में देखने को मिलते हैं एक्शन अवतार में तो वो काफ़ी अच्छे इस फिल्म के अंदर एक्टिंग करते हुए दिखाई दिए हैं तो बात करें फिर से कास्ट की तो कास्ट में हमें देखने को मिले हैं महेश बाबू इस फिल्म के अंदर जो कि वीरा वेंकट का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ

बाबू फिल्म के अंदर डोगा मार्क्स का बाबू का रोल प्ले कर रहे हैं और यहां पर सुनील डोगा के जो कि ब्रदर होते हैं 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 उनका रोल प्ले कर रहे पर रमेश भी पक्का राजू गोपाल के के नाम से फिल्म अंदर उनका भी नाम है और वो इस फिल्म के अंदर गोपाल का नाम रोल प्ले कर रहे हैं गोपाल के नाम से और यहां पर मुरली शर्मा इस फिल्म के अंदर बसवा राजू जो के का रोल प्ले कर रहे हैं और यहां पर उनका नाम होता है पानी और वो एक वकील होते हैं फिल्म के अंदर राहुल रविंद्रा इस फिल्म के अंदर जो कि वायरा राजा गोपाल का रोल प्ले कर और यहां पर अजय फिल्म के अंदर गैलेटन बाजी जपाई का रोल प्ले कर, कर रहे हैं और यहाँ पर वनेला किशोर हैं और यहाँ पर बबलू का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर पानी के असिस्टेंट हैं और यहाँ पर ऐश्वर्य राव इस फिल्म के अंदर बुज्जी का रोल प्ले कर रही है और यहाँ पर अजय घोष फिल्म के अंदर हरिदास का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पे रविशंकर कट्टा मधु का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर अपोजिशन लीडर हैं और ब्रह्मा जी फिल्म के अंदर सी आई आदि आदि नारायण का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर रघुबाब इस फिल्म के अंदर रंग आ, रंगाम का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर मधुशन राव इस फिल्म के अंदर फेक हारीदास का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर पामिसा इस फिल्म के अंदर याकूब का रोल प्ले कर रहे हैं और भी काफ़ी सारी जो कास्ट है इस फिल्म के अंदर अपना सपोर्टिंग रोल प्ले करती हुई दिखाई दी है यहाँ पर चमक चंद्रा भी कॉन्स्टेबेबल का रोल प्ले कर रहे हैं जिनका नाम मोहम्मद होता है और यहाँ पर पुना इस फिल्म के अंदर जो कि स्पेशल रोल में हमें देखने को मिली है गेस्ट अपीरियंस में और यहाँ पर रामूला जो सॉन्ग था ना उसके अंदर जो कि कुर्ती मथ मथा पेटी जो सॉन्ग था ना उसमें जो कि कैमियो में देखने को मिली थी तो ये सारी कास्ट थी जो अपना अपना फिल्म के अंदर रोल प्ले कर रही थी तो यहाँ पर सुपरस्टार महेश भवी की एक्टिंग काफ़ी अच्छी थी और उनका जो पुराना स्वैग होता है एक्शन वाला वो हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिला और यहाँ पर यह बात करें आगे फिल्म की जो के बारे में तो यहाँ पर इस के सॉन्ग्स वगैरह की बात करें तो इस के सारे सॉन्ग्स वगैरह ऑडियो वीडियो फॉर्मेट सारे के आप जो कि म्यूज़िक वगैरह दिया था थामन एस ने और ये सारे सॉन्ग्स आपको यूट्यूब पर भी देखने को मिल जाएंगे ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में और यहाँ पर आप बात करें इस के हिंदी के बारे में तो इसम के हिंदी राइट्स वगैरह जो कि गोल्ड मैं इसके टी के राइड्स राइट्स वगैरह को ख़रीदा हुआ था लेकिन इस को जो कि टी पर प्रीमियर तो नहीं करवाया जाने वाला लेकिन इस को नेटफ्लिक्स के ऊपर भी जब इस को रिलीज़ करवाया गया तो एक साथ हिंदी में भी रिलीज़ हुई थी जी हाँ दोस्तों फाइनली आपको बता दूँ ये फिल्म टेक्सविल पर अवेलेबल है अगर आप दोस्त देखना चाहो तो वहाँ पे फुल एच डी प्रेट में ऑफिशियली देख सकती हो हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी बाकी सारी साउथ लैंग्वेज में भी देखने को मिल जाएगी तो अगर आप दोस्त मैच बाबू के डाई हार्ट फैन हो उनकी मूवी यानी गुंटूर मूवी को देखना चाहते हो तो वहाँ पर आप जो नेटफ्लिक्स पर जाकर ऑफिशियली देख सकती हो क्योंकि अगर आप उसने सब्सक्रिप्शन लिया हो तो फ्रीली इंजॉय कर सकते हो अगर आप उसने अभी तक इस फिल्म को जो कि नहीं देखा हो तो आपको अपने लाजमी फिल्म को एक बार ट्राई के मारना है और एक बार देखना है और ओपिनियन अपना वो जो ओपिनियन है ना कमेंट बॉक्स में बताना है अगर आप उसने ऑलरेडी को देखा हुआ है तो यह फिल्म आपको कैसी लगी और यहां पर महेश बाबू की एक्टिंग कैसी लगी और यहां पर यह स्टोरी लाइन थी जो ना आपको अच्छी लगी या एवरेज लगी वो भी आप उसने अपना ओपिनियन ओपिनियनबॉस में बताना है और यहां पर आज की हमारी जो वीडियो भी अच्छी लगी हो तो लाजमी लाइक करना है और यहां पर इस फिल्म यानी गुंटूर कार मूवी से रिलेटेड अपडेट रहने के लिए लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करना है क्योंकि इन फिल्म से रिलेटेड जो और न्यू अपडेट्स आएंगी टीवी प्रीमियर से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स आएंगी वो इस चैनल पर मिल जाएंगी तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और फिर से आप उसको बता दूँ अगर आप दोस्ती फिल्म को अभी देखना चाहते हो फोर एच डी प्रिंट फोर के प्रिंट में हिंदी में भी तो ये फिल्म आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी वहां पे आप को साउथ लैंग्वेज में भी देख सकते हो हिंदी में भी देख सकते हो वेलकम बैक दर वीडियो तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ गुंटूर कारम मूवी के बारे में जो कि सुपरस्टार महेश भावी की फिल्म रिलीज़ जो लेटेस्ट रिलीज़ फिल्म है ना गुंटूर कारम ये फिल्म आपको ऑफिशियली हिंदी में कहाँ पे देखने को मिलेगी आप दोस्त कैसे देख सकते हो इस फिल्म को और अगर आप दोस्त इस वीडियो के अंदर इस फिल्म यानी गुंटूर कारम मूवी को देखने के लिए आए हैं तो आपको डिस्कलैमर में बता दो कि इस वीडियो के अंदर आपको कोई भी मूवी देखने को नहीं मिलेगी हाँ लास्ट में बताया जाएगा कि ये मूवी आपको हिंदी में कहाँ पर ऑफिशियली देखने को मिल सकती है और आप दोस्त कैसे वॉच कर सकते हो फ्रीली और साथ ही इस फिल्म का रिव्यू भी किया जाने वाला है और साथ ही इस फिल्म के ऊपर बजट के बारे में बात की जाने वाली इस फिल्म के अननॉन फैक्ट्स के ऊपर बातचीत की जाएगी और फिल्म की आ, कुछ प्रॉपर डिटेलिंग के साथ इस की इंटरेस्टिंग कास्ट के ऊपर भी बातचीत की जाने वाली है अगर आप दोस्त इंटरेस्टेड हो तो अब इस वीडियो को लाइक करके लास्ट तक देखते रहना है और वीडियो को भी लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना है तो यहाँ पर हम बात करें 2024 में रिलीज़ की गई घुटूरकारा मूवी की तो ये एक एक्शन एक ड्रामा जोनरा की फिल्म थी और इस फिल्म को सेंसर की तरफ से दो घंटे बयालीस मिनट का रनिंग टाइम मिला हुआ है और यहाँ पर 10 बाय 5.4 की रेटिंग भी मिली हुई है गूगल के ऊपर और यहाँ पर बात करें डायरेक्टर की तो डायरेक्ट किया है को त्रिविक्रम श्रीनिवास ने इससे पहले वो काफ़ी कमाल की सुपरहिट ब्लॉक बस्टर फिल्में भी बना चुके हैं और यहाँ पर उन्होंने इससे पहले जो कि सन ऑफ सत्यमूर्ति और यहाँ पर जो कि अल्लो अर्जुन के साथ आलाविकतम और भी काफ़ी सारी मूवीज़ जो बना चुके हैं और यहाँ पर उनकी ये फिल्म जो आई है ना गुंटूर कारम लेकिन इसकी जो स्टोरी थी ना उतनी कुछ ख़ास ना होने की वजह से यह फिल्म जो कि बॉक्सेस पर एक हिट भी जो कि एवरेज बिरो हिट रही और यह फिल्म बॉक्सेस पर इतनी जो कि सही तरह से हिट भी नहीं हो पाई क्योंकि इस फिल्म की जो स्टोरी थी ना उतनी खास नहीं थी अगर यहाँ पर सुपरस्टार महेश बहू ना होते इस फिल्म में तो ये फिल्म बॉक्सेस पर पूरी तरह से पिट जाती और अपना बजट भी रिकवर नहीं कर पाती तो यहाँ पर इस फिल्म ने काफ़ी अच्छा भी फिर भी कलेक्शन किया हुआ है ठीक ठाक स्टोरी होने की वजह से लेकिन यहाँ पर हम बात करें गुंटूर कारम टू इंडियन तेलगु लैंग्वेज फिल्म एक्शन ड्रामा इस फिल्म का जोना था और ट्रैक्टर राइट किया था इस फिल्म की स्टोरी तो त्रिविक्रम श्रीनिवास ने और फिल्म को जो कि राधा कृष्णा ने प्रोड्यूस किया हुआ है और यहाँ पर हारिका हास ने क्रिएशंस के थ्रू और यहाँ पर महेश बाबू

2024 में रिलीज की गई थी और इस टाइम पे काफी सारी मूवीज भी क्लैश हुई थी इसके साथ लेकिन ये फिल्म महेश बाबू की होने की वजह से फिर भी काफी अच्छा कलेक्शन कर गई फिल्म का जो बजट था 200 करोड़ था इस फिल्म ने 171 करोड़ का कलेक्शन किया और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक फ्लॉप फिल्म रही जहां से बॉक्स पर फ्लॉप हो चुकी है और यहां पर बात करें इस फिल्म के बारे में तो 2021 में, में इस फिल्म को अनाउंस किया गया था और यहां पर इस टाइम पे मूवी का जो टाइटल था ना वो टाइटल अनाउंस नहीं किया गया था एसएसएमबी28 के नाम से अनाउंस हुई थी और एक फिल्म बन रही है के अनाउंस किया गया था वो फिल्म बनेगी जो कि त्रिविक्रम श्रीनिवास के साथ और उसमें महेश बाबू देखने को मिलेंगे तो ये अनाउंस होने के बाद इस फिल्म की जो शूटिंग वगैरह स्टार्ट हुई थी सेप्टेम्बर टू में और इस फिल्म की जो शूटिंग वगैरह हैदराबाद और भी काफ़ी सारी जो कि चीज़ें जगहों पर इस फिल्म की शूटिंग वगैरह की गई और गुंटूर जो गाँव है ना वहां पर भी इस फिल्म की शूटिंग वगैरह की गई और फिल्म की जो शूटिंग दिसंबर ट्वेंटी में इस फिल्म की जो शूटिंग थी वो पूरी तरह से रैप रैपअप करवाई गई थी और फिल्म की जो एडिटिंग वगैरह का काम कंप्लीट करवा लिया गया और इस फिल्म को फाइनली 12 जैन 2024 में थिएटर में रिलीज करवा लिया गया था तो ऑडियंस को इस फिल्म को जो कि मिक्स रिव्यूज़ मिले और क्रिटिक्स की तरफ से भी और यहाँ पर त्रिविक्रम विक्रम की डायरेक्शन के ऊपर बातचीत की जाए कि क्योंकि उनने इस फिल्म की जो स्टोरी थी ना वो अच्छी नहीं रखी और साथ ही डायरेक्शन भी उनकी इतनी जो कि ख़ास नहीं लग रही थी लेकिन इस फिल्म के अंदर महेश बाबू ने एक्टिंग काफ़ी अच्छी की हुई थी जैसे पुराने अवतार में देखने को मिलते हैं एक्शन अवतार में तो वो काफ़ी अच्छे इस फिल्म के अंदर एक्टिंग करते हुए दिखाई दिए हैं तो बात करें फिर से कास्ट की तो कास्ट में हमें देखने को मिले हैं महेश बाबू इस फिल्म के अंदर जो कि वीरा वेंकट का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर रमना उनका नाम होता है और यहां पर शिल्लाइस के अंदर जो कि अमूत का यानी अमू का रोल प्ले करिए और यहाँ पर मीनाक्षी चौधरी इस फिल्म राजी की का रोल प्ले करी और यहाँ पर, कर पर प्रकाश राज इस के अंदर वैरा वेंकट स्वामी का रोल प्ले करे और यहाँ पर रमया कृष्णन जो कि लॉ मिनिस्टर वैरा यानी जो कि वेंकट स्वामी जी की डॉटर है और यहाँ पर वो इस फिल्म के अंदर जो कि रमणा की मदर भी होती है तो यहाँ पर जयराम की बात की जाए तो इस फिल्म के अंदर जयराम भी हैं सत्या सत्यनारायण का रोल प्ले कर रहे हैं इस फिल्म के अंदर और यहाँ पर जगपति बाबू फिल्म के अंदर डोगा मार्क्स बाबू का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर सुनील डोगा बाबू के जो कि ब्रादर होते हैं उनका रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर राव रमेश भी हैं पक्का राजू गोपाल के नाम से फिल्म के अंदर उनका भी नाम है और वो इस फिल्म के अंदर गोपाल का नाम रोल प्ले कर रहे हैं गोपाल के नाम से और यहाँ पर मुराली शर्मा इस फिल्म के अंदर बसवा राजू जो के का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर उनका नाम होता है पानी और वो एक वकील होते हैं फिल्म के अंदर राहुल रविंद्रा इस फिल्म के अंदर जो कि वायरा राजा गोपाल का रोल प्ले कर रहे हो और यहाँ पर अजय फिल्म के अंदर गैलेटन बाजी बाजपाई का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर वनैला कोर हैं और यहाँ पर वो बबलू का रोल प्ले कर हैं और यहां पर पानी के असिस्टेंट हैं और यहां पर ऐश्वरी राव फिल्म के अंदर बुज्जी का रोल प्ले कर रही है और यहां पर अजय घोष फिल्म के अंदर हरिदास का रोल प्ले कर रहे हैं और पर रविशंकर कट्टा मधु का रोल प्ले कर रहे हैं और यहां पर अपोजिशन लीडर हैं और ब्रह्मा जी फिल्म के अंदर सीआई आदिम आदि नारायण का रोल प्ले कर रहे हैं यहां पर रघुबाबू फिल्म के अंदर रंग रंगाम का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर मधुशन राव इस फिल्म के अंदर फेक हारी का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर पामिसा इस फिल्म के अंदर याकूब का रोल प्ले कर रहे हैं और भी काफ़ी सारी जो कास्ट है इस फिल्म के अंदर अपना सपोर्टिंग रोल प्ले करती हुई दिखाई दी है यहाँ पर चमक चंद्रा अभी कॉन्स्टेबल का रोल प्ले कर रहे हैं जिनका नाम मोहम्मद होता है और यहाँ पर पुना इस फिल्म के अंदर जो कि स्पेशल रोल में हमें देखने को मिली है गेस्ट अपीरियंस में और यहाँ पर रामूला जो सॉन्ग था ना उसके अंदर जो कि कुर्ती मथ मथा पेटी जो सॉन्ग था ना उसमें जो कि कैमियो में देखने को मिली थी तो ये सारी कास्ट थी जो अपना अपना इस फिल्म के अंदर रोल प्ले कर रही थी तो यहाँ पर सुपर स्टार की एक्टिंग काफ़ी अच्छी थी और उनका जो पुराना स्वैग होता है एक्शन वाला वो हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिला और यहाँ पर यह बात करें आगे फिल्म की जो के बारे में तो यहाँ पर इस फिल्म के सॉन्ग्स वगैरह की बात करें तो इस फिल्म के सारे सॉन्ग्स वगैरह ऑडियो वीडियो फॉर्मेट सारे के आप जो कि म्यूजिक वगैरह दिया था थामन एस ने और ये सारे सॉन्ग्स आपको यूट्यूब पर भी देखने को मिल जाएंगे ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में और यहाँ पर आप बात करें इस फिल्म के हिंदी के बारे में तो इस फिल्म के हिंदी राइट्स वगैरह जो कि गोल्ड मैंस ने फिल्म के टी राइट्स को वगैरह को खरीदा हुआ था लेकिन इस फिल्म को जो कि टी पर प्रीमियर तो नहीं करवाया जाने वाला लेकिन इस फिल्म को नेटफ्लिक्स के ऊपर भी जब इस फिल्म को रिलीज़ करवाया गया तो एक साथ हिंदी में भी रिलीज़ हुई थी जी हाँ दोस्तों फाइनली आपको बता दूँ ये नेट्सफिल पर अवेलेबल है अगर आप दोस्त देखना चाहो तो वहां पे फुल एच डी प्रिंट में ऑफिशियली देख सकती हो हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी बाकी सारी साउथ लैंग्वेज में भी देखने को मिल जाएगी तो अगर आप दोस्त मैच भाव के डाई हार्ट फैन उनकी मूवी यानी गुंटूर मूवी को देखना चाहते हो तो वहां पर आप जो नेटफ्लिक्स पर जाकर ऑफिशियली देख सकती हो क्योंकि अगर आप उसने सब्सक्रिप्शन लिया हो तो फ्रीली एंजॉय कर सकते हो अगर आप उसने अभी तक इस फिल्म को जो कि नहीं देखा हो तो आपको अपने लाजमी फिल्म को एक बार ट्राई के मारना है और एक बार देखना है और ओपिनियन अपना वो जो ओपिनियन है ना कमेंट बॉक्स में बताना है अगर आप उसने ऑलरेडी को देखा हुआ है तो यह फिल्म आपको कैसी लगी और यहां पर महेश बाबू की एक्टिंग कैसी लगी और यहां पर ये स्टोरी लाइन थी जो ना आपको अच्छी लगी या एवरेज लगी वो भी आप आपने अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताना है और यहां पर आज की हमारी जो वीडियो भी अच्छी लगी हो तो लाइम लाइक करना है और यहां पर इस फिल्म यानी गुंटूर का रम से रिलेटेड अपडेट रहने के लिए लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करना है क्योंकि इन से रिलेटेड जो और न्यू अपडेट्स आएंगी टीवी प्रीमियर से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स आएंगी वो इस चैनल पर मिल जाएंगी तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और फिर से आप उसको बता दूँ अगर आप इस फिल्म को अभी देखना चाहते हो एच डी प्रिंट फोर के प्रिंट में हिंदी में भी तो ये फिल्म आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी वहां पे आप सीजन को साउथ लैंग्वेज में भी देख सकते हो हिंदी में भी देख सकते हो वेलकम बैक दी अदर वीडियो तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ गंटूर कारम मूवी के बारे में जो कि सुपरस्टार महेश भाई की फिल्म रिलीज़ जो लेटेस्ट रिलीज फिल्म है ना गुंटूर कारम ये फिल्म आपको ऑफि हिंदी में कहाँ पे देखने को मिलेगी आप दोस्त कैसे देख सकते हो इस फिल्म को और अगर आप दोस्त इस वीडियो के अंदर इस फिल्म यानी गुंटूर कारम मूवी को देखने के लिए आए हैं तो आपको डिस्कलैमर में बता दो कि इस वीडियो के अंदर आपको कोई भी मूवी देखने को नहीं मिलेगी हाँ लास्ट में बताया जाएगा कि ये मूवी आपको हिंदी में कहाँ पर ऑफिशियली देखने को मिल सकती है और आप दोस्त कैसे वॉच कर सकते हो फ्रीली और साथ ही इस फिल्म का रिव्यू भी किया जाने वाला है और साथ ही फिल्म के ऊपर बजट के बारे में बात की जाने वाली है फिल्म के अननॉन फैक्ट्स के ऊपर बातचीत की जाएगी और फिल्म की कुछ प्रॉपर डिटेलिंग के साथ इस की इंटरेस्टिंग कास्ट के ऊपर भी बातचीत की जाने वाली है अगर आप दोस्त इंटरेस्टेड हो तो अब इस वीडियो को लाइक करके लास्ट तक देखते दे रहना है और वीडियो को भी लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना है तो यहाँ पर हम बात करें 2024 में रिलीज़ की गई गुनटूरकारा मूवी की तो ये एक एक्शन एक ड्रामा जोनरा की फ़िल्म थी और इस को सेंसर की तरफ से दो घंटे बयालीस मिनट का रनिंग टाइम मिला हुआ है और यहाँ पर 10 बाय 5.4 की रेटिंग भी मिली हुई है गूगल के ऊपर और यहाँ पर बात करें डायरेक्टर की तो डायरेक्ट किया है सिमको त्रिविक्रम श्रीनिवास ने इससे पहले वो काफ़ी कमाल की सुपर हिट ब्लॉक बस्टर फिल्में भी बना चुके हैं और यहाँ पर उन्होंने इससे पहले जो कि सन ऑफ सत्यमूर्ति और यहाँ पर जो कि अल्लो अर्जुन के साथ आला फिकन्तम और भी काफ़ी सारी मूवीज़ जो बना चुके हैं और यहाँ पर उनकी ये फिल्म जो आई है ना गुंटूर कारम लेकिन इसकी जो स्टोरी थी ना उतनी कुछ खास ना होने की वजह से यह फिल्म जो कि बॉक्सेस पर एक हिट भी जो कि एवरेज बिरो हिट रही और यह फिल्म बॉक्सेस पर इतनी जो कि सही तरह से हिट भी नहीं हो पाई क्योंकि इस फिल्म की जो स्टोरी थी ना उतनी खास नहीं थी अगर यहाँ पर सुपरस्टार महेश बहू ना होते इस फिल्म में तो ये फ़िल्म बॉक्स पर पूरी तरह से पिट जाती और अपना बजट भी रिकवर नहीं कर पाती तो यहाँ पर इस फिल्म ने काफ़ी अच्छा भी फिर भी कलेक्शन किया हुआ है ठीक ठाक स्टोरी होने की वजह से लेकिन यहाँ पर हम बात करें गुंटूर कारम हम टू इंडियन तेलगू लैंग्वेज फिल्म एक्शन ड्रामा इस फिल्म का जोना था और ट्रैक्टर राइट किया था इस फिल्म की स्टोरी तो त्रिविक्रम श्रीनवास ने और फिल्म को जो कि राधा कृष्णा ने प्रोड्यूस किया हुआ है और यहाँ पर हारिका हास ने क्रिएशंस के थ्रू और यहाँ पर महेश बाबू के थ्रू और यहाँ पर श्रीलास्ट में कास्ट में देखने देखेंगे सुपरस्टार महेश मीनाक्षी चौधरी प्रकाश राज राजमणन है एंड जयराम है जगपति बाबू सुनील और रमेश भी काफी सारी जो कि कास्ट स्पोर्टिंग रोल में भी देखने को मिल जाती है तो यहाँ पर सिनमोटोग्राफी की बात करें तो मनोज पारासाम हाँ जो कि नई फिल्म की जो कि सीनेटोग्राफी की हुई है ऑडिट किया है को नवीन नौली ने और म्यूजिक दिया था मनस ने और यहाँ पर इस फिल्म की जो प्रोडक्शन कंपनी है हारिका है हंसने कलेक्शन है और यहाँ पर इस फिल्म को रिलीज़ करवाया गया था बारह जनवरी टू में और ये जो, जो कि संक्रांति ट्वेंटी में रिलीज़ की गई थी और इस टाइम पर काफ़ी सारी मूवीज़ भी क्लैश हुई थी इसके साथ लेकिन ये फिल्म महेश बाबू की होने की वजह से फिर भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन कर गई इस फिल्म का जो बजट था दो करोड़ था इस फिल्म ने एक करोड़ का कलेक्शन किया और ये फिल्म बॉक्स पर एक फ्लॉप फिल्म रही जहाँ से बॉक्स पर फ्लॉप हो चुकी है और यहाँ पर बात करें इस फिल्म के बारे में दो हज़ार इक्कीस मई में इस फिल्म को अनाउंस किया गया था और यहाँ पर इस टाइम पे इस मूवी का जो टाइटल था ना वो टाइटल अनाउंस नहीं किया गया था एस एस एम बी ट्वेंटी एट के नाम से अनाउंस हुई थी और एक फिल्म बन रही है कि अनाउंस किया गया था वो फिल्म बनेगी जो कि त्रिविक्रम श्रीनिवास के साथ और उसमें हमें चूँकि महेश बाबू देखने को मिलेंगे तो ये अनाउंस होने के बाद इस फिल्म की जो शूटिंग वगैरह स्टार्ट हुई थी सेप्टेम्बर टू में और इस फिल्म की जो शूटिंग वगैरह हैदराबाद और भी काफ़ी सारी जो कि चीज़ें जगहों पे इस फिल्म की शूटिंग वगैरह की गई और गुंटूर जो गांव है ना वहाँ पे भी इस फिल्म की शूटिंग वगैरह की गई और फिल्म की जो शूटिंग दिसंबर 23 में इस फिल्म की जो शूटिंग थी वो पूरी तरह से रैपअप करवाई गई थी और फिल्म की जो एडिटिंग वगैरह का काम कंप्लीट करवा लिया गया और फिल्म को फाइनली बारह जैन टू में थिएटर में रिलीज़ करवा लिया गया था तो ऑडियंस को इस फिल्म को जो कि मिक्स रिव्यूज़ मिले और क्रिटिक्स की तरफ से भी और यहाँ पर तो विक्रम श्रीनिवास की डायरेक्शन के ऊपर बातचीत की जाए कि क्योंकि उन उन्होंने इस फिल्म की जो स्टोरी थी ना वो अच्छी नहीं रखी और साथ ही डायरेक्शन भी उनकी इतनी जो कि ख़ास नहीं लग रही थी लेकिन इस फिल्म के अंदर महेश बाबू ने एक्टिंग काफ़ी अच्छी की हुई थी जैसे पुराने अवतार में देखने को मिलते हैं एक्शन अवतार में तो वो काफ़ी अच्छे इस फिल्म के अंदर एक्टिंग करते हुए दिखाई दिए हैं तो बात करें फिर से कास्ट की तो कास्ट में हमें देखने को मिले हैं महेश बाबू इस फिल्म के अंदर जो कि वीरा वेंकट का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ रमना उनका नाम होता है और यहाँ पर शीला इस फिल्म के अंदर जो कि का यानी अमू का रोल प्ले करी और यहाँ पर मीनाक्षी चौधरी फिल्म के राजीगी का रोल प्ले करी और यहाँ पर प्रकाश राज के अंदर वेंकट स्वामी का रोल प्ले करें और यहाँ पर रमया कृष्णन जो लॉ मिनिस्टर वैरा यानी जो वेंकट स्वामी जी की डॉटर है और यहाँ पर वो इस फिल्म के अंदर जो कि रमना की मदर भी होती है तो यहाँ पर जयराम की बात की जाए तो इस फिल्म के अंदर जयराम भी हैं सत्यनारायण का रोल प्ले कर रहे हैं फिल्म के अंदर और पर पति बाबू फिल्म के अंदर डोगा मार्क्स का बाबू का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर सुनील डोगा के के भी हैं पक्का राजू गोपाल के नाम से फिल्म के अंदर उनका भी नाम है और वो इस फिल्म के अंदर गोपाल का नाम रोल प्ले कर रहे हैं गोपाल के नाम से और यहाँ पर मुरली शर्मा इस फिल्म के अंदर बसवा राजू जो के का रोल प्ले कर रहे हैं और यहां पर उनका नाम होता है पानी और वो एक वकील होते हैं फिल्म के अंदर राहुल रविंद्रा इस फिल्म के अंदर जो कि वायरा राजा गोपाल का रोल प्ले कर और यहां पर अजय फिल्म के अंदर गैलेटन बाजी जपाई का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर वनेला किशोर हैं और यहाँ पर बबलू का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर पानी के असिस्टेंट हैं और यहाँ पर ऐश्वर्य राव इस फिल्म के अंदर बुज्जी का रोल प्ले कर रही है और यहाँ पर अजय घोष फिल्म के अंदर हरिदास का रोल प्ले कर रहे हो यहां पर रविशंकर कट्टा मधु का रोल प्ले कर रहे हैं और यहां पर अपोजिशन लीडर हैं और ब्रह्मा जी फिल्म के अंदर सी आई आदि नारायण का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर रघुबाब इस फिल्म के अंदर रंग रंगाम का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर मधुशन राव इस फिल्म के अंदर फेक हरिदास का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर पामिसा इस फिल्म के अंदर याकूब का रोल प्ले कर रहे हैं और भी काफ़ी सारी जो कास्ट है इस फिल्म के अंदर अपना सपोर्टिंग रोल प्ले करती हुई दिखाई दी है यहाँ पर चमक चंद्रा भी कॉन्स्टेबल का रोल प्ले कर रहे हैं जिनका नाम मोहम्मद होता है और यहाँ पर पुना इस फिल्म के अंदर जो कि स्पेशल रोल में हमें देखने को मिली है गेस्ट अपीरियंस में और यहाँ पर रामूला जो सॉन्ग था ना उसके अंदर जो कि कुर्ती मथ मथा पेटी जो सॉन्ग था ना उसमें जो कि कैमियो में देखने को मिली थी तो ये सारी कास्ट थी जो अपना अपना फिल्म के अंदर रोल प्ले कर रही थी तो यहाँ पर सुपरस्टार मैच भाभी की एक्टिंग काफ़ी अच्छी थी और उनका जो पुराना स्वैग होता है एक्शन वाला वो हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिला और यहाँ पर बात करें आगे फिल्म की जो के बारे में तो यहाँ पर इस फिल्म के सॉन्ग्स वगैरह की बात करें तो इस फिल्म के सारे सॉन्ग्स वगैरह ऑडियो वीडियो फॉर्मेट सारे के आप जो कि म्यूज़िक वगैरह दिया था थामन एस ने और ये सारे सॉन्ग्स आपको यूट्यूब पर भी देखने को मिल जाएंगे ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में और यहाँ पर आप बात करें इस फिल्म के हिंदी के बारे में तो इस फिल्म के हिंदी राइट्स वगैरह जो कि गोल्ड मैंस ने इस इनके टी वी राइड्स वगैरह को ख़रीदा हुआ था लेकिन इस फिल्म को जो कि टी पर प्रीमियर तो नहीं करवाया जाने वाला लेकिन इस फिल्म को नेटफ्लिक्स के ऊपर भी जब इस फिल्म को रिलीज़ करवाया गया तो एक साथ हिंदी में भी रिलीज़ हुई थी जी हाँ दोस्तों फाइनली आपको बता दूँ ये फिल्म पर अवेलेबल है अगर आप दोस्त देखना चाहो तो वहाँ पे फुल एच डी प्रिंट में ऑफिशली देख सकती हो हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी बाकी सारी साउथ लैंग्वेज में भी देखने को मिल जाएगी तो अगर आप दोस्त मैच भाव के डाई हार्ट फैन हो उनकी मूवी यानी गुंटूर मूवी को देखना चाहते हो तो वहाँ पर आप जो नेटफ्लिक्स पर जाकर ऑफिशियली देख सकती हो क्योंकि अगर आप उसने सब्सक्रिप्शन लिया हो तो फ्रीली इंजॉय कर सकते हो अगर आप उसने अभी तक इस फिल्म को जो कि नहीं देखा हुआ तो आपको आपने लाजमी फिल्म को एक बार ट्राई के मारना है और एक बार देखना है और ओपिनियन अपना वो जो ओपिनियन है ना कमेंट बॉक्स में बताना है अगर आप उसने ऑलरेडी को देखा हुआ है तो ये फिल्म आपको कैसी लगी और यहां पर महेश बाबू की एक्टिंग कैसी लगी और यहां पर ये स्टोरी लाइन थी जो ना आपको अच्छी लगी या एवरेज लगी वो भी आप उसने अपना ओपिनियन कम्बॉस में बताना है और यहां पर आज की हमारी जो वीडियो भी अच्छी लगी हो तो लाजमी लाइक करना है और यहां पर इस फिल्म यानी गुंटूर गुंडूरकार मूवी से रिलेटेड अपडेट रहने के लिए लाजी चैनल को सब्सक्राइब करना है क्योंकि इन फिल्म से रिलेटेड जो और न्यू अपडेट्स आएंगी टी वी पीमियर से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स आएंगी वो इस चैनल पर मिल जाएंगी तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और फिर से आप दोस्तों को बता दूं अगर आप दोस्ती फिल्म को अभी देखना चाहते हो फोर एच डी प्रिंट फोर के प्रिंट में हिंदी में भी तो यह फिल्म आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी वहां पे आप दो सीम को साउथ लैंग्वेज में भी देख सकते हो हिंदी में भी देख सकते हो